हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप जल्दी जल्दी से बताएंगे बेटा कि आवाज क्लियर आ रही है। ओके, आवाज क्लियर आ रही है, आप जल्दी से बताएंगे। ओके, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ओके, वंस अगेन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एग्जामिनेशन आ चुकी है, वक्त आ गया अब एग्जाम का। उसके पहले स्टूडेंट्स को बहुत डाउट रहता है कि सर क्वेश्चंस जो थ्योरी क्वेश्चंस अकाउंट्स में आते हैं बहुत कम आते हैं, मगर अगर आपका टारगेट है कि अच्छे मार्क्स स्कोर करें, 80+ 90+ इन अकाउंट्स हम स्कोर करें, तो हर चीज हमारी बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो जैसे कि थ्योरी क्वेश्चन आप लोग के जो आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है उसमें कंपल्सरी एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स का थ्योरी का आता ही है। तो हम थ्योरी क्वेश्चन की अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे, सो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी वाला क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी वाला क्वेश्चन रहता है, उसमें आपको 4 मार्क्स के लिए एक थ्योरी क्वेश्चन आने वाला है क्वेश्चन नंबर 1 में। ओके, उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर जो आपके बचे हुए 4 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस हमको करना रहता है, बचे हुए 5 में से हमको 4 क्वेश्चंस करना रहता है। बचे हुए 5 में से कितने करना रहता है, हमको 4 क्वेश्चंस करना रहता है। ओके, तो यहां पे जो 4 क्वेश्चन करना था, ये ऑब्जर्व करा गया कि क्वेश्चन नंबर जो 6 होता है ना, जिसमें कंपनीज अकाउंट का 15 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटे, तो उसमें 5 नंबर की थ्योरी भी आती है। तो टोटल 20 मार्क का होता है वहां पे, 15 नंबर का आपको कंपनीज अकाउंट पे क्वेश्चन रहता है और 5 मार्क्स की आपको वहां पे एक थ्योरी आती है। तो 9 मार्क्स की थ्योरी टोटल आती है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में कंपलसरी है, क्वेश्चन नंबर 1 में कंपलसरी, और क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आपने वो अटेम्प्ट किए क्वेश्चन नंबर 6, तो वहां पे भी 5 मार्क्स की थ्योरी आती है। ये पैटर्न सीए फाउंडेशन की प्रीवियस एग्जामिनेशन में ऑब्जर्व करा गया है। ओके, सो ये नोट्स आप लोग डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पे इसका लिंक दिया हुआ है। ओके, ये वहां पे आप इसको डाउनलोड कर लेंगे बेटा, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा मेरे साथ साथ आप लोग भी क्या करोगे बेटा, इसको मेरे साथ साथ आप लोग इसको जैसे जैसे मैं पॉइंट्स को हाईलाइट करते जाऊंगा, जैसे यहां से अभी फर्स्ट क्वेश्चन से मैं शुरू करूंगा एक एक करना डिस्कस करना, तो जैसे जैसे मैं पॉइंट्स को हाईलाइट करते जाऊंगा, मेरे साथ साथ आपने भी पॉइंट्स को क्या करना वहां पे हाईलाइट करते जाना। तो जो हर क्वेश्चन में कुछ मैं कीवर्ड्स बताऊंगा, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन है तो एग्जामिनेशन में याद आना चाहिए, तो हर क्वेश्चन में मैं कुछ कीवर्ड्स बताऊंगा, उसको रेड इंक से सर्कल करूंगा वो कीवर्ड्स को। तो आपने भी नोट्स में रेड इंक से सर्कल कर लेना, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको मैं हाईलाइट करूंगा, वैसा ही आपने आपके नोट्स में इसको हाईलाइट कर लेंगे। ओके, तो ये नोट्स आप लोग डाउनलोड कर लेंगे बच्चों, और वहां पे नोट्स आप लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे, और मेरे जैसे जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करते, इसमें आरटीपी, मॉक टेस्ट पेपर, हमारे प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चन, सारे थ्योरी क्वेश्चन यहाँ पे कवर करे गए। सो जनरली थ्योरी क्वेश्चन वैसे आ तो कहीं से भी सकता है, लेकिन ये ऑब्जर्व करा गया कि जनरली थ्योरी क्वेश्चन अकाउंटिंग थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो चैप्टर है उसमें से इंस्टीट्यूट जनरली थ्योरी क्वेश्चन पूछती है बेटा, ऐसा फिक्स नहीं होता, लेकिन ज्यादातर मैंने ऑब्जर्व किया जो आरटीपी हो गई या मॉक टेस्ट पेपर हो गया या प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चन अगर मैंने जो भी ऑब्जर्व यहाँ पे किया, तो वहां पर मैंने देखा कि जनरली अकाउंटिंग थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क चैप्टर से जनरली पूछती है, उसके अलावा कभी बीआरएस से भी पूछ लेती है या कोई और चैप्टर से भी, कंसाइनमेंट से भी थ्योरी पूछती, थ्योरी कहीं से भी पूछ सकती है, लेकिन जनरली अकाउंटिंग थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क चैप्टर से पूछती वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर है, और कोई और दूसरे चैप्टर्स के भी जो थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस है वो यहाँ पे सारे कवर है। तो मैं एक एक क्वेश्चन अब यहाँ पे अब आपको समझाना शुरू करूंगा, मेरे साथ साथ आप लोग करते जाएंगे। ओके, अब हम लोग यहाँ पे शुरू करते वन बाय वन। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, तो ये आरटीपी जून 2018 में आया, आरटीपी दिसंबर 19, आरटीपी जून 21। इसको अगर यहां पर देखिए अपन, आरटीपी में ही ये क्वेश्चन आए, कोई एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, तो हो सकता है कि कभी कोई एग्जामिनेशन पे इस पे कोई क्वेश्चन आ जाए। इसे क्या पूछा आपसे, डिस्टिंग्विश बिटवीन मनी मेजरमेंट कंसेप्ट और मैचिंग कंसेप्ट। अब वो पूछता है कि बताओ मनी मेजरमेंट कंसेप्ट और मैचिंग कंसेप्ट के में डिफरेंस क्या है। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या है बच्चों, कि जो चीज हम मॉनेटरी टर्म में वैल्यू करते हैं कर सकते हैं हम उसी को यहां पर लिखते हैं, जो चीज को हम क्या कर सकते हैं मॉनेटरी टर्म में हम मेजर कर सकते हैं उसी को हम लोग यहां पर लिखते हैं अकाउंटिंग। तो आप यहां पे ऑब्जर्व करेंगे, देखो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड। जिसको मॉनेटरी टर्म में आप मेजर कर सकते उन्हीं ट्रांजेक्शन को हम यहां पर लिखते हैं। सिंस मनी इज द मीडियम
of exchange standard of economic value, this concept required that those transactions alone that are capable of being measured can only be recorded in the books of account. तो जो capable of being measured in terms of money only वही transaction लिखते. अब आप मेरे को बताओ कि कुछ transaction हम लोग नहीं लिखते, जो monetary term में I mean to say जो measure कर सकते उसी को हम लोग यहां पे लिखते. For example मैं कहता हूं कि मेरा office boy बड़ा ही अच्छा employee है, बड़ा ही अच्छा employee है, बहुत अच्छा employee है, बड़ा अच्छा नेचर है, ऑनेस्ट है, उससे कोई दिक्कत नहीं, बराबर सारे के सारे काम वो करता है. लेकिन क्या हुआ यहाँ पे, लेकिन वो बेटा क्या होता है यहाँ पे कि वो उसकी में ये अच्छेपन को मैं नहीं लिख सकता बुक्स ऑफ अकाउंट, क्योंकि मैं उसको मॉनिटरी टर्म में मेजर नहीं कर सकता. तो जिसको आप मॉनिटरी टर्म में मेजर कर सकते उसी को हम यहां पर लिखते हैं. सो यहां पे आगे के द ट्रांजेक्शन एंड इवेंट कैन नॉट, हाँ द ट्रांजेक्शन इवेंट दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी आर नॉट रिकॉर्डेड. तो यहां पे कीवर्ड्स अगर अपन देखें, Only those transactions which can be measured in terms of money. ये है आपका keyword. Just one minute. Measure in terms of money. Just one minute. Okay. वो इसी को हम record. अगर वो cannot express, तो not recorded in the books of account. उसको हम लिखते नहीं है. Now what is this matching concept? Matching concept. अब आपको पता है कि जो भी आपने revenue बताया हो, उस रेवेन्यू को कमाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं उसको हम उसी साल बताएंगे, तभी तो हम लोग एक्चुअल प्रॉफिट पता लगा पाई ना. नाउ इमेजिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप पीएनएल अकाउंट इमेजिन करो और वहां पर आप क्या करो, सोचो अपने ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट में जो आपने सेल्स बताए, उस सेल्स को कमाने के लिए जो जो भी खर्चे हुए उसी साल के एक्सपेंसेस हम बताएंगे. अगर हम उसको नहीं बताएं अगले साल के भी खर्चे अगर हम इसी साल बता दें बेटे, तो वो तो नेक्स्ट ईयर का खर्चा है ना. अब इस साल बता दूंगी तो प्रॉफिट और लॉस आपका सही नहीं आएगा. इसीलिए तो मैचिंग कंसेप्ट की वजह मैं एग्जांपल्स देता हूं उसको भी ध्यान में रखना. इवन तो इंस्टीट्यूट ने अपने ये आंसर्स में नहीं लिखे होंगे कुछ एग्जांपल्स, लेकिन मैं दूंगा तो उसको ध्यान में रखना आपने बेटे. अब मैं कहता हूं कि अगर मैं यहां पर कहता हूं कि क्लोजिंग स्टॉक को सोचो, आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक को लिखते हो, तो जब ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप क्लोजिंग स्टॉक को लिखते हो बच्चों, तो क्यों लिखते हो, क्योंकि वो क्लोजिंग स्टॉक बिका नहीं है ना, वो तो बचा हुआ है. आपने उसको एक्सपेंस बता दिए परचेज अकाउंट को पहले डेबिट करके, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आपने एक्सपेंस तो बता दिए, लेकिन वो चीज बिकी नहीं है तो आपने रेवेन्यू नहीं बताया, इनकम नहीं बताया. तो जब हमने इनकम जो चीज की नहीं बताया तो उसका एक्सपेंसेस कैसे बता सकते हो. इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक आप ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखो, या मैं कहूं परचेज में से माइनस करो, बात एक ही होती है. उसको पैटर्न है ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखते, आप वहां पर क्रेडिट करो बिकॉज ऑफ व्हाट, मैचिंग प्रिंसिपल. तो वो कहता है हमसे ऑल एक्सपेंसेस मैच विद द रेवेन्यू, ऑल एक्सपेंसेस मैच विद द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड शुड ओनली बी टेकन इनटू कंसीडरेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इफ एनी रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड, इफ एनी रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड देन एक्सपेंसेस रिलेटेड टू अर्न, उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है उसको भी रिकॉग्नाइज करना रहेगा. तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, मैचिंग कंसेप्ट. इतनी चीज आप सबको समझ में आई. ओके तो क्वेश्चन आ सकते, बहुत से क्वेश्चन कराना भी, अभी मुझे भी नहीं पता. कोई स्टूडेंट कहता है कि सर कितना टाइम चलेगा, मुझे भी नहीं पता बेटा कि कितने वक्त तक लेक्चर चलेगा. ओके जब तक थ्योरी खत्म नहीं होगी पूरी मैं आपको पढ़ाते रहूंगा. ओके अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे. डिफाइन रेवेन्यू रिसिप्ट एंड गिव एग्जाम्पल हाउ आर दीज रिसिप्ट ट्रीटेड. वो कहता है कि बताओ रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या होता है और उसके कुछ एग्जांपल्स बताओ, उसका वो ट्रीटमेंट क्या होता है. ट्रीटमेंट तो आपको पता है बेटा, ट्रीटमेंट तो हमको पता है. ट्रीटमेंट क्या होगा बच्चों इसका, ट्रीटमेंट इसका ये है कि आपकी जो रेवेन्यू रिसिप्ट ट्रीटमेंट क्या, दैट विल क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ध्यान से सुनो मेरी बात, रिसीव विच आर ऑब्टेन इन द कोर्स ऑफ नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटी. तो जो नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटी ना उसमें जो आपका रेवेन्यू हुआ उसको, उसमें जो आपकी रिसिप्ट, वी कॉल इट रेवेन्यू रिसिप्ट. अब एक चीज ख्याल रखना, रेवेन्यू रिसिप्ट एग्जांपल यहां पे जैसे इसने लिखा, एग्जांपल आपको लिखा है यहां पे सेल्स ऑफ गुड्स, ये एग्जांपल लिखा है सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज. ओके इंटरेस्ट इनकम, अब इंटरेस्ट इनकम थोड़ा सा ध्यान से सुनना, वो रेवेन्यू जो रेगुलरली आता है वी ऑल्सो कॉल इट रेवेन्यू रिसिप्ट. फॉर एग्जाम्पल मेरा बैंक में पैसा जमा है, तो कोई बच्चा कह सकता है कि सर ये तो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी नहीं हुई, क्योंकि आप कोई बिजनेस से इंटरेस्ट ले रहे हो, ये आपका नेचर ऑफ बिजनेस तो नहीं है ना. फॉर एग्जाम्पल मैं ये पेंसिल का बिजनेस करता हूं, ये पेंसिल बेचता हूं, तो जब ये पेंसिल मैं बेच रहा हूं बेटे, तो मैं कहता हूं कि पेंसिल जब मैं यहां पे बेच रहा हूं यहां पे, सो अब यहां पे क्या होगा, यहां पे
कि मैं कहता हूं कि इसको बेच रहा हूं, मेरा बिजनेस है, लेकिन कुछ पैसा मेरे बिजनेस का मैंने सपोज कोई बैंक में रखा और उससे मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, आप बोलेंगे सर वो तो नेचर ऑफ बिजनेस है, लेकिन वो उससे कनेक्टेड है बेटा, और रेगुलरली वो इंटरेस्ट मुझे मिलता है, तो उसको भी हम रेवेन्यू रिसिप्ट ही कहते हैं। ओके, अब यहां पे देखेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट शुड नॉट बी इक्वेटेड विद एक्चुअल कैश रिसिप्ट। ऑब्वियसली रेवेन्यू रिसिप्ट डजंट मीन एक्चुअल कैश रिसिप्ट, वी फॉलो अक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अब रेवेन्यू रिसिप्ट आर क्रेडिटेड टू, उसका ट्रीटमेंट क्या बेटे, हम क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है हम उसको कहां क्रेडिट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग उसको क्रेडिट करते हैं। ओके, अब उसके बाद बच्चों यहां पे जो जो मैं सर्कल कर रहा हूं आपने भी करना चाहिए कि एग्जाम के पहले आधे घंटे एक घंटे पहले जब आप जाओगे 10 मिनट में थ्योरी पूरी रिवीजन हो जाएगी। बस जो जो सर्कल कर रहा हूं उसको ध्यान में रखना, जो हाईलाइट कर रहा हूं उसको ध्यान में रखना, वो कीवर्ड्स है, वो एग्जामिनेशन में आपको क्लिक कर जाएंगे कि पॉइंट कौन कौन से हमको लिखना रहेगा। ओके, अब उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। वो कहता है हमसे कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मे हैव ए मटेरियल इफेक्ट ऑन द आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। पहले मैं रीड करता हूं उसका मतलब क्या, उसको समझ लेना बेटा, बहुत आसान है, ध्यान से आप मेरी बात समझना बेटा। क्या होता है आपका अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग पॉलिसी में दो चीज आती है बेटा, अकाउंट चेंज इन अकाउंटिंग, पहले तो अब यहां पे कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ओके सॉरी, वो कह रहे हैं कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का अकाउंट, व्हाट डू मीन बाय अकाउंटिंग पॉलिसी अपन आगे देखेंगे बेटा, वो स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड द मेथड ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल उसको कहते हैं, आगे अपन बात करेंगे। लेकिन आपसे ये कहता है कि यहाँ पे पूछता है कि बताओ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी जो है उसका कोई मटेरियल इफेक्ट हो तो उसका क्या, एग्जाम्पल ही पूछ रहा है, उसका ट्रीटमेंट क्या, व्हाट डू मीन बाय मटेरियल इफेक्ट, समझना कि कोई अकाउंटिंग पॉलिसी को आप चेंज कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि जब हम लोग स्टॉक का वैल्यूएशन करते, मैंने क्या कहा आपसे, जब हम लोग स्टॉक का वैल्यूएशन करते तो सपोज मैं कहता हूं कि मैं फीफो मेथड से करता हूं। कौन सी मेथड से करता हूं बेटा, फीफो मेथड से। सपोज आज तक मैं स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहा, नाउ वी हैव डिसाइडेड टू चेंज फ्रॉम फीफो मेथड टू वेटेड एवरेज मेथड। नाउ इमेजिन, आप इसको इमेजिन करो जो मैं पॉइंट कह रहा हूं बेटा, ध्यान से मेरी बात को समझना। मैं कहता हूं कि मैं फीफो मेथड फॉलो करता हूं अभी तक अपने स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए, लेकिन मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं नहीं अब मैं फीफो मेथड नहीं करूंगा, अब मैं करूंगा वेटेड एवरेज मेथड। कौन सी मेथड मैंने कहा, मैं कहूंगा करूंगा वेटेड एवरेज मेथड। तो जब मैं मेथड चेंज करने की वजह से बेटा मैंने अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करा तो उसका मटेरियल इफेक्ट इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हो सकता है। क्यों, एग्जाम्पल के तौर पे कहता हूं जब मैं फीफो के हिसाब से स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहा हूं तो सपोज वो फीफो के हिसाब से स्टॉक का वैल्यूएशन सपोज आ रहा है 10 करोड़ रुपीस, लेकिन मैंने वेटेड एवरेज मेथड के हिसाब से स्टॉक का वैल्यूएशन अगर मैंने किया, वेटेड एवरेज मेथड के हिसाब से अगर मैंने स्टॉक का वैल्यूएशन अगर किया तो फिर मुझे लगता है बेटा कि सपोज 15 करोड़ आ गया तो मेरे प्रॉफिट पे तो फर्क पड़ गया ना। तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी की वजह से मेरे आइटम पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्क पड़ा, मेरे प्रॉफिट पे फर्क पड़ा, तो मुझे ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के वजह से क्या इंपैक्ट हो रहा है मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, वो मुझे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बताना चाहिए ताकि वो एक प्रॉपर डिसीजन ले सके, उनके डिसीजन में कोई गलती ना हो, इसीलिए उसको बताना जरूरी है। अब मैं थ्योरी पढ़ता हूं उसको ध्यान से समझना बच्चों। वो कहता है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मे हैव अ मटेरियल इफेक्ट ऑन द आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट फॉर्मूला यूज फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज चेंज फ्रॉम वेटेड एवरेज टू फीफो। यहां पे मैंने एग्जाम्पल फीफो टू वेटेड एवरेज, ये एग्जाम्पल यहां पे लिख रहा है वेटेड एवरेज टू फीफो, अनलेस द इफेक्ट ऑफ सच चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज क्वांटिफाइड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे नॉट हेल्प द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिल्कुल सही बात है, अगर आप यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को नहीं बताओगे कि भाई उसका इंपैक्ट क्या हो रहा है, उसका इफेक्ट क्या हो रहा है आपके चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी की वजह से, तो वो प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाएंगे बेटा, तो इसीलिए बताना जरूरी था। उसका एग्जांपल है यू आर चेंजिंग फ्रॉम वेटेड एवरेज मेथड टू फीफो मेथड, आप क्या करो वेटेड एवरेज मेथड से फीफो मेथड पे जा रहे हो, ये वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, और उसको बताना जरूरी है ताकि यूजर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर डिसीजन ले सके बेटा। ओके, अब उसके बाद हम फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, और अपने आप पे ना बड़ा अच्छे से भरोसा रखना, एग्जाम आ गई है
अपने आप पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखना, आराम से आप लोग कर लोगे, ठीक है। वो चीजें थ्योरी 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 का मतलब इतना शोर मचाते हैं बेटा, और ये वक्त बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि किस पे कितना वेटेज देना है। मैं आता हूं अभी आगे, हम लोग इतना आप एवरेज ड्यू डेट में मत टाइम वेस्ट करना अपना भी, एवरेज ड्यू डेट के क्वेश्चन सॉल्व करें, मत बर्बाद करो भी ये समय अपना, एवरेज ड्यू डेट पे टाइम नहीं वेस्ट करना, वो आता है आपको। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए आपके, पार्टनरशिप हो गए, फाइनल अकाउंट के पूरे वो आप एडजस्टमेंट देखो, कंपनीज अकाउंट के देखो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना सब है, लेकिन ऐसे नहीं अपन एवरेज ड्यू डेट के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बैठे उसी को प्रैक्टिस कर रहे। भैया 5 नंबर का आता, वो ऑलरेडी कर चुके, कई क्वेश्चन आपको रेगुलर बैच में मैंने कराया हूं, उसके बाद उसी की प्रैक्टिस करो, आप समय बर्बाद कर रहे हो अपना और कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। अब ध्यान से अब आप मेरी बात सुनिए बेटा। अब वो कहते हैं कि फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, व्हाट इज फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन? तो कुछ अजम्पशंस होते जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते, तो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन को याद रखना एक चीज बेटा, GCA, व्हाट इज दिस GCA? याद रखना फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन कोई अजम्पशन है, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 होता है जो कि हम लोग CA इंटर में पढ़ेंगे, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, उसने भी ये फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस बताया, तो उसे मैं शॉर्टकट मैं कह रहा हूं GCA, व्हाट इज दिस GCA? गोइंग कंसर्न कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल, याद रखना बेटा गोइंग कंसर्न कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल, ये फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ओके। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं बेटा, व्हाट इज दिस फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, ध्यान से बाप मेरी बात सुनेंगे बेटा। अब क्या हो रहा है यहां पे कि ये तीन चीज है जो कि हम हमेशा अज्यूम करते कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट है। मैंने क्या कहा मेरी बात ध्यान से सुनना, हम लोग ये हमेशा ये अज्यूम करते कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बेटे ये तीन चीजें प्रेजेंट है। कौन सी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन चीजें प्रेजेंट है बच्चों? वो तीन चीजें हमारी GCA, व्हाट इज दिस GCA? गोइंग कंसर्न कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल, गोइंग कंसर्न कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल, ये तीन चीजें हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट है, हम यही मानते। अगर ये फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन हमारे प्रेजेंट नहीं रहे, मैंने क्या कहा बेटे, अगर ये फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, ये फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन अगर ये तीनों में से कोई प्रेजेंट नहीं रहा, तो हमको डिस्क्लोज करके बताना पड़ता है कि फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन प्रेजेंट नहीं है। अगर वो प्रेजेंट है, आई मीन टू से आपने गोइंग कंसर्न कंसिस्टेंट या अक्रूवल तीनों चीजें है वहां पे, तो हमको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं होती, बताने की जरूरत नहीं होती कि वो प्रेजेंट है बेटा, बताने की जरूरत नहीं होती कि वो प्रेजेंट है। लेकिन अगर वो प्रेजेंट नहीं रहा, तो हमको बतलाना है कि फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन प्रेजेंट नहीं है, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन प्रेजेंट नहीं है। अब देखो मैं रीड करता हूं, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन अंडरलाइन द प्रिपरेशन ऑफ प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दे आर यूजुअली नॉट स्पेसिफिकली स्टेटेड, वो जनरली बताया नहीं जाता कि वो प्रेजेंट है, क्योंकि उसके एक्सेप्टेंस को हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि वो प्रेजेंट ही है। हम हमेशा यही मान के चलेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाया गया तो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन बच्चों उसमें क्या है, प्रेजेंट है बेटा। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन क्या है बेटा, उसमें प्रेजेंट है। डिस्क्लोजर इज नेसेसरी, कब नेसेसरी, इफ दे आर नॉट फॉलो, अगर आपने ये डिस्क्लोजर कब जरूरी है बच्चों, अगर फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन फॉलो नहीं करा गया तो ही डिस्क्लोजर आपको करने की जरूरत है बेटा, तो ही डिस्क्लोजर करने की जरूरत है। अब देखो द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया issued accounting standard 1 on disclosure of accounting policy according to which the following have been generally accepted accounting fundamental accounting assumptions, ab accepted fundamental accounting assumption, ab ye teen fundamental accounting assumption hai, GCA, what do you mean by GCA? going concern consistency and accrual, so going concern ka matlab kya hota hai beta, going concern ka matlab ye hota hai ki hum ek foreseeable future mein hamara business chalega, हमारा व्यापार चलेगा, हम ये मानते हैं बेटा। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है कि वो फोर्सिबल फ्यूचर में वो चलने वाला है। व्हाट इज दिस फोर्सिबल फ्यूचर? फोर्सिबल फ्यूचर जनरली हम लोग बोलते हैं कि एक साल हमारा, मतलब ऐसे तो लॉन्ग टर्म चलेगा, लेकिन फोर्सिबल मतलब कम से कम एक साल तो व्यापार चलेगा, ये मान के चलते हमेशा। और हम ये अज्यूम करते कि हमारा कोई इंटेंशन नहीं है उसको, नाइदर द इंटेंशन, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है ना ही तो कोई जरूरत है कि उसको हम लिक्विडेट करें, मतलब
हमारा कोई इंटेंशन नहीं है बंद करने का, ना ही तो हमको जरूरत है लिक्विड और कर्टेलिंग मटेरियल, मतलब बहुत सारे बिजनेस को मेजर पोर्शन को बंद कर दो, नहीं तो ऐसा कुछ है कि आप मेजर पोर्शन को हमारे बिजनेस के बंद कर दे या कंपनी लिक्विडेट कर दे, हमारा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है बेटा। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन हमारा प्रेजेंट है, मतलब हमारे बिजनेस में कंटिन्यूटी रहेंगी, लेकिन अगर हमारा इंटेंशन है या हमारे कोई कंपनी लिक्विडेट होने जा रही है तो फिर गोइंग कंसर्न अजम्पशन प्रेजेंट नहीं है बेटा। व्हाट डू मीन बाय कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि हम जो चीज फॉलो करें, अकाउंटिंग पॉलिसी जो फॉलो करें वो हम लोग कंसिस्टेंटली फॉलो करें, अकाउंटिंग पॉलिसी जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, कंसिस्टेंटली फॉलो करें। आई मीन टू से कि एक अकाउंटिंग पॉलिसी हम चेंज नहीं कर रहे, ये हम हमेशा अज्यूम करेंगे कि वो कंसिस्टेंटली चल रही है। तीसरा होता है अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, वी ऑल नो दैट बेटा, अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, एक मिनट, कंसिस्टेंट फ्रॉम वन पीरियड टू अनादर। अब व्हाट इज अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बेटा, हम लोग अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में इस साल की चीजों को ही रिकॉर्ड कर सकते, हो सकता है कि उसमें बेटा कुछ पास्ट इवेंट आ गए, हो सकता है बच्चों उसमें कुछ फ्यूचर इवेंट आ गए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा क्यों कह रहे हैं आप कि कुछ पास्ट इवेंट आ गई कुछ फ्यूचर इवेंट आ गई। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इस साल हम लोग है इस साल के फाइनेंशियल ईयर में, सपोज फाइनेंशियल ईयर 23-24 अभी चल रहा है, तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में अगर मैं कहूं बेटा कि ऐसी कोई चीज है कि मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में मैंने पास्ट में कोई इवेंट करा था उसको मैं यहां पे भी रिकॉर्ड, इसको कुछ एडजस्ट करो, यस एग्जांपल बेटा प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगर मैंने पिछले साल कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस करा, मैंने क्या कहा बेटे, पिछले साल बच्चों मैंने कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस करा, अब प्रीपेड एक्सपेंसेस पे तो पिछले साल करा, इस साल के सपोज कुछ महीनों का खर्चा मैंने पिछले साल ही पे कर दिया था, अब पिछले साल ही जब मैंने पे कर दिया था बेटे तो प्रीपेड एक्सपेंसेस की पिछले साल एंट्री पास किया होगा, मैंने प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस अकाउंट पिछले साल मैंने एंट्री पास किया होगा उसकी, लेकिन जब पिछले साल एंट्री पास किया लेकिन खर्चा वो इस साल का था तो वो प्रीपेड एक्सपेंसेस को इस साल फिर मैंने एक्सपेंसेस माना, तो पास्ट में इवेंट हो चुकी थी तो मगर इस साल उसको मैं क्या मान रहा हूं बच्चों, इस साल मैं उसको अपना खर्चा कर रहा हूं, तो ये हो सकता है बिकॉज वी फॉलो अक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जो इस साल के खर्चे वही हमको लिखना है। व्हाट इज द फ्यूचर? फ्यूचर का मतलब क्या है कि फ्यूचर से रिलेटेड की अगर मैं बात करूं बेटा कि मैंने कहा वी फॉलो अक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, मैं फ्यूचर में सपोज कोई सैलरी पे करने वाला, मार्च मंथ चल रहा है, फ्यूचर में मैं सैलरी पे करने वाला, तो अगर मैं फ्यूचर में सैलरी पे करने वाला हूं, व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन फ्यूचर में अगर मैं पे करने वाला हूं तो मगर सर्विसेज तो मेरे को मिल गई ना, आई एम फॉलो अक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, तो आई विल पास द एंट्री ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी, सपोज एक्सपेंसेस इज सैलरी है, सो आई विल पास एंट्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो वो फ्यूचर में मैं पे कर रहा हूं, लेकिन वी फॉलो अक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग तो मैंने क्या करा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो नेक्स्ट ईयर पे करने वाला हूं, लेकिन सर्विसेज मुझको इस साल मिली तो खर्चा मेरा इस साल का तो उसको मैंने अभी लिख लिया, तो इसे हम कहते हैं अक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ओके, ध्यान से इतनी चीज आपको समझ में बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये थ्योरी, थ्योरी के पहले तो आप फिक्र मत करा करो पूरे साल, जो फिक्र बस जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको अच्छे से पढ़ के चले जाओ बच्चों, इसको अच्छे से समझ लो बस, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन पे, वो आपसे कहता है कि राइट शॉर्ट टू अकाउंटिंग कन्वेंशन, ये अकाउंटिंग कन्वेंशन का मतलब क्या होता है बच्चों, अकाउंटिंग कन्वेंशन या अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो होते हैं ना बेटा उसी में से एक चीज है, अगर एक अकाउंटिंग कन्वेंशन वो चीज होती है जो एक परंपरा चली आ रही है उसको फॉलो करना, तो अकाउंटिंग जैसे डिस्क्लोजर हो गया, ये आपको ना थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, एक सेकंड, हाँ ये देखो ये अकाउंटिंग कन्वेंशन है बेटा, ये अकाउंटिंग कन्वेंशन, ये कन्वेंशन यहां पे लिखा हुआ है, डिस्क्लोजर, कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी, मटेरियलिटी, तो परंपरा चली आ रही है उसको कन्वेंशन कहते हैं। देखो यहां पे अकाउंटिंग कन्वेंशन इमर्ज आउट ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिस कॉमनली नोन एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल मीन्स इसको लाया गया है, अडॉप्टेड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, दीज कन्वेंशन आर डिराइव बाय यूसेज एंड प्रैक्टिस, द अकाउंटिंग बॉडीज ऑफ द वर्ल्ड मे हैव चेंज। अच्छा ध्यान से, अब ये परंपरा चली आ रही, कहां से डिराइव हुआ है बेटा, ये एक परंपरा है, यूसेज एंड प्रैक्टिस वो पास से चला आ रहा है बेटा, तो उसको हम फॉलो करते हैं, तो कंजर्वेटिज्म की जो एग्जांपल्स है ना यहाँ पे, एग्जांपल जैसे आप यहां पर देख सकते हो ये है, ये वाले डिस्क्लोजर, कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी, मटेरियलिटी, ये है बेटा। सो डिस्क्लोजर,
कंसिस्टेंसी, मटेरियलिटी, ओके, कंजर्वेटिज्म, ओके। तो ये है बेटा हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशन जो पुराने परंपरा चली आ रही है। अब अपने सबके अलग अलग हो सकते हैं, हमारे इंडिया में ये कंजर्वेटिव, ये हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशन है बेटा। ओके, द अकाउंटिंग बॉडी, द अकाउंटिंग बॉडी बॉडीज ऑफ द वर्ल्ड मे चेंज एनी ऑफ द कन्वेंशन टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग कन्वेंशन नीड नॉट हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन, और जरूरी नहीं है कि सबके लिए एक जैसे कन्वेंशन, अमेरिका में कोई और कोई कस्टम होगा वो चली आ रही होंगी, हमारे लिए कुछ और है, तो हमारे लिए अकाउंटिंग कन्वेंशन ये जो मैंने स्क्रीन पे लिखा बेटा। अब यहां पे लिखता है कि स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ सेटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। पहले तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं बच्चों? ओके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है आप लोगों का, व्हाट डू मीन बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है बच्चों कि आप लोगों को यहां पे कि डिफरेंट सेट ऑफ अकाउंटिंग, कुछ आपके यहां पे कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज थी, कोई गाइडलाइंस थी जिसमें डिफरेंट अल्टरनेटिव्स थे, तो हमको ये बताते कि उसमें से कैसे सेलेक्ट करें। मुझे नहीं पता था कि फीफो मैथड शुरू करो, चूज करो एक इन्वेंट्री वैल्यूएशन एग्जांपल, कि वेटेड एवरेज मैथड चूज करो, मुझे नहीं पता था कि कौन सी मैथड चूज करो बेटा। तो मे को ये नहीं पता था कि कौन सी मैथड मैं वहां पे चूज करूं। तो यहां पर हम लोगों को क्या करना है कि हमको तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया, उसने बताया, तो ये होता है। अब उसके फायदे क्या, मैं एक एक आपको बताता हूं। सो यहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर सेलेक्टेड सेट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी ब्रॉड गाइडलाइंस रिगार्डिंग द प्रिंसिपल एंड द मेथड टू बी चूजन आउट ऑफ सेवरल अल्टरनेटिव्स। तो हमको चूज करना है सेवरल अल्टरनेटिव्स में से कोई बेहतर वाला जो हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है बेटा। अब एडवांटेजेस क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के? एडवांटेजेस यहाँ पे तीन मेन है, यूनिफॉर्मिलिटी, कंपेरेबिलिटी एंड क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट। तो एक यूनिफॉर्मिलिटी का मतलब एक समान जैसा, अगर यहां पर हम लोगों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताते कि नहीं आपको ऐसा करना है, ऐसा ही करना है, तो हम लोगों को क्या होता है यूनिफॉर्म, एक जैसा हम लोगों को सब लोग करने लगते बेटा। ओके, उसके कंपैरेबिलिटी, व्हाट इज दिस कंपैरेबिलिटी बेटा? कंपैरेबिलिटी का मतलब होता है कि हम कंपेयर कर पाते हैं, हर साल एक जैसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कर रहे हैं, सॉरी एक जैसे रूल्स फॉलो कर रहे हैं, तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ही रूल्स पे बन रहा है, तो आप उसको क्या कर सकते, कंपेयर कर सकते, और क्वालिटी भी इंप्रूव होती है कि हर साल एक स्टैंडर्ड रूल्स का फॉलो कर रहे हो। इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट द अदर एडवांटेज, और कुछ एडवांटेजेस भी जैसे कि रिडक्शन इन वेरिएशन। अब सब अपनी अपनी लगाते हैं, नहीं 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 ऐसा भी करो, फीफो ही करो, है ना, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव बताते हैं, वेटेड एवरेज भी, लीफो भी करो, अलग अलग मैथड बताते हैं। नहीं, तो वेरिएशन मतलब बहुत ऑल्टरनेटिव का रिडक्शन होता है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गाइड करते नहीं ऐसा करना है आपको। ओके, डिस्क्लोजर बियॉन्ड दैट रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड फैसिलिटेट्स कंपैरिजन। यस, एक क्या होता है कि आप पढ़ोगे यहाँ पे, आपने कंपनीज एक्ट में पढ़े भी होंगे कि कई बार आप लोगों को डिस्क्लोजर कंपनीज एक्ट बताता है ये डिस्क्लोज करना, उसके अलावा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी डिस्क्लोजर बताते हैं। आप सीए इंटरमीडिएट में बहुत डिटेल में आपको पूरा न्यू सिलेबस में पूरे के पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही आपको सीए इंटर में रहने वाला, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सीए इंटर हो गया। तो वहां पे आपको न्यू सिलेबस में पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ही वेटेज बहुत है बेटा। तो आप देखोगे हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीए इंस्टीट्यूट इशू करते, तो हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ डिस्क्लोजर के बारे में भी बात करती है। तो जब वो डिस्क्लोजर्स के बारे में बात करती बेटा, तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखो, लॉ तो कहता है कुछ डिस्क्लोज करो चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, लेकिन उसके अलावा भी कुछ और कहता है कौन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो वो एक एडिशनल एडवांटेज हो जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने का। ओके, अब उसके बाद हम लोग आते एक्सप्लेन कैश एंड मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अब उसने पूछा कि बताओ कैश और मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या है, व्हाट इज दिस कैश सिस्टम, कैश एंड मर्केंटाइल सिस्टम, कैश सिस्टम का मतलब क्या होता है बेटा, कैश सिस्टम, ओके, कैश सिस्टम का मतलब क्या होता है बेटा, कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज, उसमें आप जो रिसिप्ट और पेमेंट लिखते बेटा, हमको ये मतलब नहीं कि उससे रिलेटेड सर्विसेज कब मिली बेटा। फॉर एग्जांपल मैंने सैलरी पे किया, इवन तो मैंने एडवांस में पे करा, आई विल ट्रीट एज एन एक्सपेंस, वो कैश सिस्टम में ऐसा हो रहा है। तो कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग सही भी नहीं होती, कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज सिस्टम विच इन विच ए ट्रांजेक्शन रिकॉग्नाइज ओनली इफ कैश इज रिसीव्ड एंड पेड। तो आप कब उसको रिकॉग्नाइज करते, जब उसको कैश रिसीव्ड या आपने पे करे। इन कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज आर मेड ओनली व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड, नो एंट्री बीइंग मेड व्हेन ए पेमेंट और रिसीप्ट इज मियरली ड्यू। तो आपको एंट्री नहीं पास करना है, नो एंट्री इज बीइंग मेड, जब वो ड्यू हो रहा है, ड्यू होने के लिए उसकी कोई एंट्री पास नहीं करे, जब ड्यू की नहीं पास करे, रिसीप्ट और पेमेंट होना जरूरी है।
सो कैश सिस्टम इज नॉर्मली फॉलो बाय प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो कुछ जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, आपने वहां पे देखे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी हम बनाते, क्यों? क्योंकि वो एक उनका इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं होता, उनका इंटेंशन है सर्विसेज प्रोवाइड करने का। तो सर्विसेज प्रोवाइड करने का, तो भाई हमको ये भी तो डोनेशन जो दे रहा है वो ये भी तो चाहेगा कि हमको पता रहे कि हमारे डोनेशन जो दे रहे हो कहाँ यूटिलाइज हो रहे हैं, तो कितनी रिसिप्ट हो रही है, कितनी पेमेंट हो रही है, कहाँ वो यूटिलाइज हो रहे हैं। इसीलिए हम लोगों को वो लोग रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट भी बनाते हैं। ओके, अब ध्यान से बच्चों, ओके, अब उसके बाद ऑन द अदर एंड मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? वही अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। तो हम लोग इसको कब क्लासिफाई करते बेटा? अब आपको यहाँ पे जो सर्विसेज मिल गई या गुड्स मिल गए, या आपने किसी को सर्विसेज या गुड्स दे दिए, वो आप इनकम और एक्सपेंस उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हो, और इसका इफेक्ट हमारे एक्सपेंसेस में, एसेट में, इनकम में, लायबिलिटी में फर्क पड़ता है। लेट मी गिव एन एग्जांपल। इफ आई से आउटस्टैंडिंग सैलरी, आई एम गोइंग टू पास एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। तो मैंने एंट्री पास किया सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ये मैंने एंट्री पास किया। तो मैंने एंट्री पास कर दिया सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, तो सैलरी को मैंने डेबिट किया, आउटस्टैंडिंग सैलरी को क्रेडिट किया, तो सैलरी मेरा पीएनएल में चले जाएगा एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरा लायबिलिटी साइड में लिखेगा। समझ में आ रहा है आपको? अब मैं कहता हूं नहीं नहीं नहीं, आउटस्टैंडिंग इनकम, तो फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रिसीवेबल, तो इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट, और यू कैन से अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट, तो अक्रूड इंटरेस्ट विल बी रिफ्लेक्टेड एज एन एसेट, और दूसरा इफेक्ट उसका पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड में दिख रहा है, तो उसके इफेक्ट एसेट एक्सपेंस, एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंसेस में जाएंगे। ओके, सो मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ट्रांजेक्शन इनटू एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी, कॉस्ट, रेवेन्यू एंड रिकॉर्डिंग थेरऑफ। ए ट्रांजेक्शन इज रिकॉग्नाइज्ड आइदर एज आइदर ए लायबिलिटी इज क्रिएटेड और एन एसेट इज क्रिएटेड। ऐसे क्यों कह रहा है लायबिलिटी और एसेट क्रिएट होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, ओके, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होगा बेटा? लायबिलिटी साइड में रिफ्लेक्ट होगा। एसेट की बात करूं तो इंटरेस्ट रिसीवेबल एग्जांपल के तौर पे, तो अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट एसेट रिकॉर्ड होगा। सो ए रिकॉर्ड इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट्स अमाउंट हैविंग बिकम ड्यू फॉर पेमेंट और रिसीव, इररिस्पेक्टिव फैक्ट वेदर द पेमेंट इज मेड और वो पेमेंट रिसीव और पेमेंट, हमको अक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंट लेना, अक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से रिकॉर्ड करना है। सो अक्रूअल मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग बाय बिजनेस एंटिटीज। ओके, अब ध्यान से बेटा, ओके, ध्यान से बाप मेरी बात सुनेंगे बच्चों। ओके, अब यहां पे कहते हैं कि आइडेंटिफाई फ्यू एरियाज वेयर डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी आर फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर्ड। वो कहते हैं कि आप ये बताओ कि यहां पे अच्छा डिफाइंड अकाउंटिंग पॉलिसी उसने बोला, और बताओ कहां का अकाउंटिंग पॉलिसी एरिया में आती है। तो पहले तो अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या होता है उसको समझ लो, एग्जामिनेशन में 9 नंबर ही आपको दे जाएगा ये लेक्चर। ध्यान से बाप मेरी बात सुनो बेटा, एग्जामिनेशन में 9 मार्क्स आपको ये, कोई 9 मार्क्स आप लोग को ये, आज ये वीडियो आपको 9 नंबर दे जाएगा। ध्यान से मेरी बात सुनो, एक एक मार्क इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, अच्छे नंबर लाना है, 75-80 प्लस अकाउंट्स लाना, तो हर एक चीज करके जाना रहेगा। पिछले अटेम्प्ट में बच्चों ने 90 के ऊपर भी लाया, और आप में से भी हो सकता है क्योंकि 90 के ऊपर लाया, और लाना भी चाहिए क्योंकि अकाउंट बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। ध्यान से आप मेरी बात सुनते जाएंगे। ओके, अब देखो ये क्या कह रहा है आपको यहाँ पे कि अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या हो? देखो, और ये थ्योरी आप खुद से पढ़ोगे ना तो समझ में नहीं आएगी। थ्योरी मैं बोलूंगा चलो आप पढ़ लो, मैं नोट्स दे देता हूं आपको, नोट्स मैंने दे दिया आपको, लिंक के सब है, नोट्स का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते, मैंने आपको दे दिया और आपने बोले कि ठीक है सर चलो हम वहां से डाउनलोड कर लेंगे, और आप वहां से डाउनलोड कर लोगे और आप पढ़ोगे ना तो आपको कई चीजें नहीं समझ में आएंगी, बहुत सी चीजें समझ में भी आ जाएंगी लेकिन कई चीजें ऐसी भी रहेंगी जो नहीं समझेंगे। इसीलिए मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, साथ ही साथ ही थ्योरी मेरे साथ साथ आपकी थ्योरी हो जाएंगी बेटे। अब वो अकाउंटिंग पॉलिसी में 2 चीज याद रखना, स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, ये क्या है बच्चों? स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल। अब मैं जो कह रहा हूं ना बेटा ये बहुत ध्यान से सुनना, अब अगर ये 2 चीज जो सर्कल किया भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनना बेटा कि स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल के मतलब कहता हूं कि क्लोजिंग स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी व्हिच एवर इज लोअर। तो क्लोजिंग स्टॉक किस पे वैल्यू करना है हम लोग को? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो लोअर है उस पर अपने को वैल्यूएशन करना है। क्लोजिंग स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो दोनों में से जो लोअर है उस पर अपने को क्या करना है बेटा? उसका वैल्यूएशन करना है। ओके, अब मैंने कहा कि ठीक है सर कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर उस पर वैल्यूएशन करना है, ये तो स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल हो। अब वो प्रिंसिपल को अप्लाई कैसे करना? तो भैया हाउ कैन, हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट कॉस्ट? कॉस्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय फीफो मेथड।
or by weighted average method. You understand this point? It can be calculated by FIFO method or by weighted average method. It means accounting principle होता है कि आपको principle तो बताता है, जैसे it should be valued, for example, closing stock should be valued at cost or NRV, whichever is lower. तो principle तो बताता ही है, लेकिन साथ में आपको ये भी बताता है कि methods of applying those principle, उसको किस तरीके से apply करना है. Methods भी बताता है उसको किस तरीके से apply करना है, जैसे कि cost can be valued by FIFO method or weighted average method. Okay. So, यहाँ पे what is accounting policies? Accounting policy refer to specific accounting principle as method of applying these principles adopted by the enterprise in the preparation and presentation of financial statement. Now, policies are based on various accounting concepts. There is no single list of accounting policies. ऐसे तो बहुत से accounting policies होती है. मैं example जान के आपको inventory का देता हूँ, क्योंकि आपने foundation level पे उसको पढ़े हो बच्चों. So, which are applicable to all the enterprise in all circumstances. Enterprises operate in diverse and complex environmental situations and so have to adopt various policies. The choice of a specific accounting policy appropriate to the specific circumstances in which the enterprise is operating calls for consideration judgment by the management. बात तो सही है सर. अब ध्यान से मेरी बात समझना बेटा. अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी हो सकती है बच्चों. मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं. मैंने कहा सर नहीं नहीं ध्यान से आप मेरी बात सुनो. मैंने कहा नहीं नहीं सर मेरे पास तो इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के लिए वेटेड एवरेज मैथड. मैंने क्या कहा इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के लिए बच्चों मेरे पास क्या है वेटेड एवरेज मैथड. और मैंने कहा कि नहीं नहीं सॉरी यस वेटेड एवरेज मैथड और फीफो मैथड. लेकिन हो सकता है कि आप इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करें तो आपके लिए फीफो मैथड अप्रोप्रिएट है. लेकिन मैंने कहा नहीं 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 मैं अगर वेटेड एवरेज मैं जब इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर रहा हूं तो मैंने कहा नहीं मैं फीफो मैथड से करूंगा. तो आप कोई और मेथड से कर रहे हो बच्चों मैं कोई और मेथड से कर रहा हूं. सेम चीजें इन्वेंट्री का वैल्यूएशन ही कर रहे हो. आप वेटेड एवरेज से कर रहे हो मैं फीफो से कर रहा हूं. तो अलग अलग मेथड हम लोग हो सकता है कि आप इन्वेंट्री की वैल्यूएशन की कर रहे हो. तो आई मीन टू से कि वी हैव ऑप्शन द पॉलिसी इज नॉट रिजिड कि ऐसा यही तुमको फॉलो करना पड़ेगा. ऐसे बहुत सी अलग अलग पॉलिसी होती. मैं जान के इन्वेंट्री का कह रहा हूं क्योंकि आपने पढ़े ये चीज को. तो अब आप बोले कि नहीं नहीं सर हमको फीफो ही करना नहीं. आपके लिए हो सकती है फीफो हो सकता है मेरे लिए वेटेड एवरेज हो. तो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर बिजनेस अलग होते अलग अलग नेचर होते तो उसके लिए अकाउंटिंग पॉलिसी भी जिसको जो अप्रोप्रिएट होती वो फॉलो करते हैं. तो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर्ड इन द एरिया लाइक वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज. ओके अब हम आते हैं नेक्स्ट पे. ओके अभी आपसे क्या कह रहा है अब यहां पर ये हमसे कहता है कि यहां पर डिस्कस द लिमिट लिमिटेशन. व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटेशन. क्या क्या रुकावटें हैं क्या क्या खामियां हैं क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं हम लोगों के. किसमें सर किसमें ड्रॉबैक्स हैं हमारे अकाउंटिंग में कुछ ड्रॉबैक्स भी. हाँ कुछ फाइनेंस कुछ ड्रॉबैक्स भी. ध्यान से बाप मेरी बात समझना बेटा. जब आप कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हो तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ खामियां हो सकती है. क्या हो सकती है खामियां हो सकती है. जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखता हूं बेटा तो खामियां हो सकती है उसमें कि कुछ उसमें कमियां हैं. वो कौन कौन सी कमियां है उसके बारे में अपन अभी बात करते हैं. अब ध्यान से मेरी बात आप लोग सुनेंगे बच्चों. मैंने कहा आप कौन सी पहले. अब आप सबको पता है कि हम वही अकाउंटिंग में हम लिखते हैं बेटा 5 नंबर के लिए आ सकता है क्वेश्चन. तो हम लोगों का 5 मार्क्स 5 पॉइंट लिखना रहेगा. 5 पॉइंट का ध्यान से बाप मेरी सुनेंगे बेटा. अब मैंने कहा कि जब भी मैं कोई जज अकाउंटिंग जब करता हूं तो अकाउंटिंग में वी ऑल नो आपको पता है मुझे पता है कि हम लोग मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में करते हैं. तो हम लोगों को सिर्फ कौन सी चीज रिकॉर्ड करना है बेटा. हमको सिर्फ मनी मेजरमेंट में जो चीज को आप वैल्यू करते हैं उसी को लिखना है. इसका मतलब उसके अलावा कोई और फैक्टर्स हम बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखते. एग्जाम्पल के तौर पर कहता हूं कि मेरे ऑफिस बॉय का नेचर बहुत अच्छा है. एग्जाम्पल पहले भी मैंने आपसे कहा कि मेरे ऑफिस बॉय का नेचर बहुत अच्छा है बच्चों. बड़ा ही अच्छा इंसान है बहुत अच्छा है. हाँ मैं आप ही से कह रहा हूं वो बड़ा ही अच्छा इंसान है बेटे. और जब वो बहुत अच्छा इंसान है तो क्या मैं लिख सकता हूं उसकी अच्छाई है. नहीं लिख सकते ना. नहीं लिख सकते क्योंकि हम उसका मनी में मेजर नहीं कर सकते. तो ये खामी है कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट में वही चीज लिख पा रहे हैं जिसको मनी में मेजर कर सकते दूसरी चीजें नहीं लिख सकते. लेकिन दूसरी चीजें भी तो कोई ऑर्गेनाइजेशन की एसेट हुई ना. इंप्लॉयज बहुत बड़ी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एसेट होती है. अगर मेरे अच्छे इंप्लॉयज है मैंने क्या कहा बच्चों अगर मेरे अच्छे इंप्लॉयज है बेटा तो आप क्या कर सकते हो उन अच्छे इंप्लॉयज को उनकी अच्छाइयों को तो नहीं लिख सकता. उनकी वजह से मेरी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है. बट ऑनेस्ट है हार्डवर्किंग है क्रिएटिव है टैलेंटेड है
लेकिन क्या मैं उसको लिख पा रहा हूं क्या? नहीं लिख पा रहा हूं, क्योंकि मैं मनी में मेजर नहीं कर सकता। तो पहला पॉइंट देखो यहाँ पे, द फैक्टर विच आर रेलेवेंट इन असेसिंग द वर्थ ऑफ द एंटरप्राइज डोंट फाइंड प्लेस इन अकाउंट एज दे, क्यों? बिकॉज दे कैन नॉट मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। तो वो डोंट फाइंड प्लेस, वो बुक्स ऑफ अकाउंट में उनकी कोई जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उसको मनी में मेजर नहीं कर सकते। दूसरा कहता है, अभी थोड़ा अटपटा सा लिमिटेशन उसने ड्रॉबैक बताया, लेकिन वो ड्रॉबैक है बेटा, लेकिन वो ड्रॉबैक है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं तुमसे? मार्सल, ओके, अयान, मंजीत, रूपाली, क्या कह रहा हूं मैं आपसे, समझ में आ रहा है आपको? मैं कह रहा हूं बेटा यहां पे कि दूसरा पॉइंट थोड़ा अटपटा सा है जो उसने लिमिटेशन बताया। वो क्या कहता है? अब हम जब बैलेंस शीट बनाते, तो जब आप कोई बैलेंस शीट बनाते हो बेटा, तो आप क्या लिखते हो वहां पे? जब आप कोई बैलेंस शीट बनाते हो तो आप क्या लिखते हो यहां पे? आप यहां पे लिखते हो बैलेंस शीट, लिखते हो कि एज ऑन, ओके, यस यस, इनफ है बेटा, बस जो पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ के चले जाओ। तो मैं कहता हूं बैलेंस शीट में आप क्या लिखते हो, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है एज ऑन। एज ऑन का मतलब क्या हो? जिस तारीख को लिखी गई है वो बैलेंस शीट, जिस तारीख को लिखी नहीं, सॉरी, जिस तारीख की बैलेंस शीट है वो, मैं कहता हूं 31 मार्च 2023 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट है। तो बैलेंस शीट में को 31 मार्च 2023 की पोजीशन बताती। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा एज ऑन, ओके, 31 मार्च 2023 मैंने ऐसा लिखा बेटा, 31 मार्च की एग्जांपल बैलेंस शीट है 2023, तो ये मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये बैलेंस शीट बच्चों मेरे को 31 मार्च 2023 की पोजीशन बता रही। किसकी पोजीशन बता रही बेटा? 31 मार्च 2023 की मेरे को ये पोजीशन बता रही। तो अगर मैं बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखता हूं 30 अप्रैल को, तो 30 अप्रैल को मेरे सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, लेकिन मेरे को 30 अप्रैल को देख रहा हूं, लेकिन 30 अप्रैल की पोजीशन नहीं बता रहा, वो बता रहा है 31 मार्च की ही। ये वो कहता है कि ये ड्रॉबैक है। अरे भाई ठीक है, ड्रॉबैक बोल रहा है, ये लिमिटेशन है, सही बात है। मैंने कहा 30 अप्रैल को मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहा हूं, लेकिन वो 30 अप्रैल का मुझे पोजीशन नहीं बता रहा, वो मुझे 31 मार्च की ही बता रहा, क्योंकि उस तारीख की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। देखो अब यहां पे आगे पॉइंट कहता है कि बैलेंस शीट शोज द पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन द डे ऑफ इट्स प्रिपरेशन, नॉट ऑन द फ्यूचर डे। तो जिस तारीख की फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस तारीख का वो बताता है, नॉट, ओके, नॉट ऑन द फ्यूचर डेट। फ्यूचर डेट के बारे में वो नहीं कह, फ्यूचर डेट के बारे में नहीं बताता, मैं 30 अप्रैल को देख रहा हूं, उस तारीख के बारे में नहीं बताता। वाइल द यूजर ऑफ द अकाउंट आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द पोजीशन ऑफ द बिजनेस इन द नियर फ्यूचर एंड ऑल्सो इन द लॉन्ग रन, नॉट फॉर द पास्ट डेट। वो कहता है हो सकता है कि यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये चाहते हैं कि भैया आगे की डेट की हमको पोजिशन पता चले, या जिस तारीख को देख रहे हो फाइनेंस उस तारीख की पता चले, ना ही तो पास्ट की। तो कहता है लिमिटेशन है। अरे लिमिटेशन है, होने दो। अब क्या करेंगे, क्या रोज रोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे क्या लोगों के लिए बेटा? ओके, अब यहां पे कहता है अकाउंटिंग इग्नोर चेंजेस इन सम मनी फैक्टर लाइक इन्फ्लेशन। सही बात है, वी फॉलो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, बिकॉज व्हाई वी फॉलो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, मतलब हम लोग यहां पे मनी को जो है उसको चेंज वो इग्नोर कर रहा है। तो हमको जितने में जो चीज मिली हम उतने में ही उसको क्या करते बच्चों, रिकॉर्ड करते। तो हमको जितने में जो चीज मिली उतने में ही हम रिकॉर्ड करते। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई 10 करोड़ की चीज खरीदा, तो मैं 10 करोड़ में ही रिकॉर्ड करूं। इन महंगाई बढ़ रही तो बढ़ने दो, हमको क्या लेना देना उससे बेटा? महंगाई बढ़ रही, बढ़ने दो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे कितने में मिली मैं उतने में रिकॉर्ड करूं, इन्फ्लेशन का कोई इफेक्ट मैं लेता नहीं। तो वो कहता है ये एक अकाउंटिंग की लिमिटेशन है। सर्टेन अकाउंटिंग एस्टीमेट डिपेंड ऑन द शेयर पर्सनल जजमेंट ऑफ द अकाउंटेंट। सही बात है सर, हमको कोई पर्सनल जजमेंट भी लगता है। एग्जाम्पल्स भी बताओ, इंस्टीट्यूट एग्जाम्पल्स नहीं लिखती, मैं आपको बताता हूं। एग्जाम्पल लाइफ ऑफ एसेट, मैं जब डेप्रिसिएशन यहां पे बिकॉज वी फॉलो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। अब समझो मेरी बात, अभी क्या होता है पे? अब यहां पे मैंने कहा कि जजमेंट अगर मैं कई बार जजमेंट और जजमेंट गलत भी हो सकते। अब मैंने कहा कि लाइफ ऑफ एसेट हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते बच्चों, तो हमने उसमें लाइफ ऑफ एसेट के बारे में उसमें अगर बोले लाइफ ऑफ एसेट के बारे में अगर बात करें हम लोग यहाँ पे लाइफ ऑफ एसेट कितनी है, तो वो लाइफ ऑफ एसेट को तय अगर मेरे को करना है तो जजमेंट वाली बात है ना। मैं बोलूंगा कि नहीं पेंसिल की लाइफ 10 साल है, कोई बोलेगा नहीं 15 साल, कोई बोलेगा नहीं 5 साल है, तो जजमेंट लगता है, दैट जजमेंट मे बी रॉन्ग। वो हो सकता है कि जजमेंट क्या हो बच्चों, गलत हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद आखिरी
डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सेम आइटम एड टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन. मैनिपुलेशन क्या बोल रहा है यहां पे? अब वो कहता है हमको नहीं 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 सर, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव डिफरेंट अगर आपके ट्रीटमेंट है तो मैनिपुलेशन की तरफ भी तो हमको ले जाता है. मैंने कहा कैसे कैसे वो मैनिपुलेशन की तरफ हमको डिफरेंट अगर ट्रीटमेंट है बेटा तो मैंने कहा कैसे वो मैनिपुलेशन की तरफ ले जाता है जरा समझाओ मुझे. तो वो मुझसे कहते हैं कि नहीं सर डिफरेंट ट्रीटमेंट आपको मैनिपुलेशन की तरफ लेके जा सकता है. मतलब कैसे? अब देखो यहां पे मेरे पास ऑप्शन है वेटेड एवरेज मेथड भी और मेरे पास ऑप्शन है हमारे पास फीफो मेथड भी. दो ऑप्शन है. अब मैं सोचा नहीं नहीं यार हमको प्रॉफिट बढ़ाना है अपना, तो आप इमेजिन करो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिखोगे तो प्रॉफिट बढ़ाओ आएगा आपका नेट प्रॉफिट नीचे. तो मैंने कहा दोनों मेथड से दोनों मेथड से फीफो मेथड से और वेटेड एवरेज मेथड से इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते और देखते कौन सी मेथड से इन्वेंट्री की वैल्यू ज्यादा आती है. जिस मेथड से इन्वेंट्री की वैल्यू ज्यादा आएंगी उसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक मान लेंगे ताकि हमारा प्रॉफिट बढ़ा हुआ आ जाए, लोगों को लगे अरे वाह वाह क्या कंपनी है प्रॉफिट कमा रही है खूब. तो हम लोग यहाँ पे क्या करें बेटा, मैनिपुलेशन की भी चांसेस है बेटा. मैनिपुलेशन का मतलब होता है गड़बड़ करना, कुछ लोगों को सही तरीके से नहीं बताना, है ना, मैनिपुलेट करना चीजों को. बोला यार बड़ा मैनिपुलेट करके बात करता है. व्हाट इज मैनिपुलेट करके बात करता है? छुपा के घुमा फिरा के ऐसी बातें करता है वो, है ना. ओके, इधर उधर की बातें करके आगे पीछे कुछ करके ऐसा मैनिपुलेट करना उसको, ठीक है, सही सही नहीं करना. ओके, तो ये लिमिटेशन है आपकी. अब देखो यहां पे 10th क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोविजन एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी. अब ध्यान से आप मेरी बात को समझना, ये आपके अटेम्प्ट में हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको आ जाए, इंस्टीट्यूट इसको पहले पूछी भी है. देखो ये आरटीपी जून 2020 में ये क्वेश्चन आया था, फिर एग्जामिनेशन जून 2018 में भी आया था, एग्जामिनेशन जून 2018 में आया, फिर एग्जाम डिसंबर 2019 में आया, फिर एग्जाम डिसंबर 2022 में भी आया. ओके, तो एक इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार ये रिपीट करती है इस क्वेश्चन को. ओके ओके, अब ध्यान से मेरी बात देखें. सो प्रोविजन इज द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ अनसर्टेन इवेंट विच कैन बी मेजर रिलायबली बाय यूजिंग ए सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ, ओके, मेजर रिलायबली बाय यूजिंग अ सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन. अब ध्यान से जो वर्ड्स मैं हाईलाइट कर रहा हूं ध्यान से समझना, गड़बड़ हो जाएंगी अदरवाइज समझेगा नहीं दोनों में अंतर क्या है. वैसे तो प्रोविजन कंटिन्यूअस लायबिलिटी का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 होता है जो कि हम लोग सीए इंटर में पढ़ने वाले, वहां पे आता है. तो ये दो वर्ड मैंने हाईलाइट कर रहा हूं ना बेटे उसको बड़े ध्यान से समझ लो. एक मैंने कहूं एक वर्ड जो मैंने यहां पे हाईलाइट करा वो है आपका प्रेजेंट ऑब्लिगेशन. क्या हाईलाइट किया बच्चों? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन. और एक है आपका पॉसिबल ऑब्लिगेशन. तो एक मैं आपको कह रहा हूं प्रेजेंट ऑब्लिगेशन और एक मैं आपको दे रहा हूं बेटा कौन सा, पॉसिबल ऑब्लिगेशन. तो एक है आप लोगों का प्रेजेंट ऑब्लिगेशन और एक है आपको बच्चों पॉसिबल ऑब्लिगेशन. ध्यान से बाप मेरी बात समझना बेटे. तो अब क्या होता है कि जब प्रेजेंट या आपका आपका प्रोविजन इज ए प्रेजेंट लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन इवेंट विच कैन बी मेजर रिलायबली बाय यूजिंग ए सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन. तो प्रोविजन जब आप क्रिएट करते हो जब प्रेजेंट लायबिलिटी होती है, प्रेजेंट लायबिलिटी होती है, प्रेजेंट लायबिलिटी का मतलब होता है बेटा जो प्रोबेबल है, प्रोबेबिलिटी है उसकी मोर देन 50, बट इज प्रोबेबल इकोनॉमिक आउटफ्लो. एक काम पहले ना मैं यहां पर आपके थर्ड पॉइंट पे आता हूं फिर मैं वापस उस पे आता हूं. पहले थर्ड वाला पॉइंट समझो. ए प्रोविजन इज रिकग्नाइज, कब मैं प्रोविजन को रिकग्नाइज करता हूं बेटा? ओके, कब मैं ये प्रोविजन को रिकग्नाइज करते अपन लोग, प्रोविजन को हम लोग रिकग्नाइज कब करते ध्यान से बाप मेरी बात समझना. पहला, एन एंटरप्राइज हैज एन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट एन आउटफ्लो इकोनॉमिक एम्बॉयडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट इज प्रोबेबल. अब ध्यान से संबंध जो हाईलाइट करो तो बहुत सी चीजें आ गई बेटा. तो मैं यहां पे कहता हूं कि कब मैं कोई प्रोविजन को करता, पहले मैंने कहा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, मैंने कहा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट और उसमें आपका क्या होने वाला है यहां पे आउटफ्लो होने वाला है, आउटफ्लो. और एक और है कॉस्ट कैन बी मेजर्ड, कौन कॉस्ट कैन बी मेजर्ड. ओके, ध्यान से बाप मेरी बात सुनो बेटे. ओके, तो चार चीजें प्रेजेंट होना चाहिए. तो जब मैं कहता हूं कि चारों चीजें बच्चों मेरी प्रेजेंट है यहां पे, तो जब मैं कहता हूं आप लोगों को यहां पे कि उसको प्रोविजन बनाओ, अभी चार चीज क्या समझ लो. आपके पास प्रेजेंट ऑब्लिगेशन डजंट मीन कि आज ही जाओ और पे करो, नहीं, यू आर लायबल टू पे.
नॉट आई एम सेइंग कि आज ही करना है, बट यू आर लाइबल टू पे, दैट इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, आपको देना है. क्या देना है? पास्ट आउटफ्लो होने वाला है, एदर इज आउट, पहले से आपको देना है. क्या देना है, क्यों देना है? ड्यू टू सम पास्ट इवेंट. मैंने कहा आपसे, मैंने बनाया प्रोविजन फॉर टैक्स. अब प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया तो वो तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो गया कि मेरे को टैक्स पे करना है हमारी गवर्नमेंट. तो अगर गवर्नमेंट को टैक्स पे हम लोगों को करना है एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, पास्ट की वजह से मुझे टैक्स पे करना है बेटा. तो पास्ट की वजह से अगर मैं कहता हूं कि आपको मुझे टैक्स पे करना है, अगर पास्ट की वजह से मैं आपसे कहता हूं कि मुझे टैक्स पे करना है बेटे, तो क्यों पास्ट की वजह से टैक्स पे करना है? क्योंकि टैक्स आप जो प्रॉफिट कमाते हो उसके ऊपर इनकम टैक्स पे करना पड़ता है. तो मैंने पास्ट में जो प्रॉफिट कमाया उसी पे टैक्स पे करना है ना. पहले तो प्रॉफिट कमाऊंगा फिर टैक्स पे करूंगा. तो एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, पास्ट में कुछ हुआ उसकी वजह से ऑब्लिगेशन आया, उसकी वजह से हमारे पास से पैसा जाएगा, आउटफ्लो होगा, और उसको हम मेजर कर सकते हैं रिलायबली. कॉस्ट कैन बी मेजर रिलायबली, कॉस्ट कैन बी मेजर रिलायबली, अपन उसके एस्टीमेट कर सकते हैं. ओके, तो मुझे पता है कितना टैक्स देना. एग्जांपल, तो मेरे पास ऑब्लिगेशन तो है क्योंकि पास्ट में मैंने कोई चीज करा उसकी वजह से मेरे पास से पैसा जाने वाला है, और उसको मैं मेजर कर सकता हूं रिलायबली कितना जाने वाला अंदाज, तो उसे हम प्रोविजन कहते हैं बेटा. अब आगे आपसे कहते हैं, ओके, अब आगे हमसे यहां पे कहता है, ए रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड ऑफ द अमाउंट ऑफ द ऑब्लिगेशन. तो रिलायबल एस्टिमेट हम उसका हम लोग कर सकते हैं रिलायबल एस्टिमेट. तो ये चारों चीजें मैंने ऊपर लिखा हूं आपको, ठीक है. अब अगर कंटिंजेंट लायबिलिटी पे मैं आता हूं, ये आपने प्रोविजन समझे, तो अगर ये चारों में से, अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटे, अगर ये सारे पॉइंट्स में मैं आऊंगा डोंट वरी, ये चारों में से अगर कोई एक भी चीज अगर प्रेजेंट नहीं रही, ये चारों में से अगर कोई एक भी चीज अगर प्रेजेंट नहीं रही बेटा, ये चारों में से अगर कोई एक भी चीज अगर प्रेजेंट नहीं रही बेटा, तो फिर आप प्रोविजन नहीं करते, फिर हम कंटिंजेंट लायबिलिटी कहते. तो सर प्रोविजन और कंटिंजेंट लायबिलिटी में क्या अंतर है बेटा? प्रोविजन में आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखते हो. प्रोविजन में क्या काम है आपको? प्रोविजन में हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखते हैं. लेकिन कंटिंजेंट लायबिलिटी को बुक्स, अगर ये चारों में से कोई एक भी चीज अगर प्रेजेंट नहीं रही बेटा, एक भी चीज अगर प्रेजेंट नहीं रही बेटे, तो फिर हम उसको कंटिंजेंट लायबिलिटी के नाम से बुलाते. तो कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिख रहे, उसको हम नोट्स टू अकाउंट में बताते. अगर वो प्रोबेबल आउटफ्लो नहीं है, प्रोबेबल आउटफ्लो अगर नहीं है बेटा यहाँ पे, ठीक है, उसका आउटफ्लो प्रोबेबल आउटफ्लो नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? पैसा नहीं जाने वाला, या कॉस्ट कैन नॉट बी मेजर रिलायबिलिटी, देन वी विल नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. तो प्रोविजन को अकाउंट करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखते हैं, एग्जाम्पल प्रोविजन फॉर टैक्स. लेकिन कंटिंजेंट लायबिलिटी को बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखते, कंटिंजेंट लायबिलिटी हम नोट्स टू अकाउंट में सिर्फ बताते कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पता रहे. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सिंपल सा एग्जांपल देता हूं. फॉर एग्जांपल किसी ने कोई आउटलेट पे केस फाइल कर दिया. एग्जांपल हम किसी का भी लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं डोमिनोज पे आपने केस फाइल कर, एग्जांपल है बस ये. तो डोमिनोज पे सपोज केस फाइल करा गया, डोमिनोज ने अपने लॉयर को अपॉइंट करा, और उसने कोई कस्टमर को पिज्जा बेचा था, और वो पिज्जे में कुछ फॉल्ट होगा जो भी था, उसने क्या करा, कस्टमर ने केस फाइल कर दिया डोमिनोज के ऊपर. अब डोमिनोज ने लॉयर अपॉइंट किया, से लॉयर ने कहा नहीं नहीं नहीं, प्रोबेबिलिटी तो है कि आपको एक केस अपन हार जाए, तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है कि भाई जरूरी नहीं कि उस दिन पैसा देना, लेकिन पैसा हमको देना पड़ेगा, तो ऑब्लिगेशन है. एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, पास्ट इवेंट क्या, उन्होंने कस्टमर को पिज्जा बेचे, वो पास्ट इवेंट. आउटफ्लो है भैया, पैसा जाने वाला है, प्रोबेबिलिटी मोर देन 50%, और उसकी कॉस्ट हम मेजर कर सकते हैं कि कितना हम पे फाइन लगने वाला है, जो भी कंपनसेशन देना पड़ेगा हमको, तो उसका प्रोविजन बनाओ. लेकिन लॉयर साहब कहते हैं नहीं 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 नहीं, हम तो केस जीत जाएंगे, प्रोबेबिलिटीज की है कि हम केस जीत जाएंगे, तो आउटफ्लो नहीं होने वाला, तो उस केस में बेटे हम लोग इसका प्रोविजन नहीं बनाते. तो दो चीज होती है, मैं इस पॉइंट में मैं वापस आऊंगा, इधर मैं वापस आऊंगा इस पॉइंट पे, डोंट वरी. लेकिन इसको समझना, प्रेजेंट लायबिलिटी और पॉसिबल ऑब्लिगेशन. प्रेजेंट लायबिलिटी का मतलब है कि हमारी चारों चीजें सेटिस्फाई होना चाहिए, कि प्रेजेंट लायबिलिटी का मतलब कि हमारे पास प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, देयर इज इकोनॉमिक आउटफ्लो एंड कॉस्ट कैन बी मेजर रिलायबली. इफ दीज फोर कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन वी क्रिएट अ प्रोविजन फॉर इट. इफ एनी ऑफ द कंडीशन इज नॉट प्रेजेंट इन दैट केस वी आर नॉट गोइंग टू क्रिएट अ प्रोविजन. व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट मेंशन एज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी नोट्स टू अकाउंट. सो यहां पर वो कहता है आपसे, कंटिंजेंट लायबिलिटी इज ए पॉसिबल ऑब्लिगेशन दैट मे और मे नॉट क्रिस्टलाइज डिपेंडिंग ऑन द ऑक्यूरेंस और नॉन ऑक्यूरेंस ऑफ द वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट. तो फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट के ऊपर डिपेंड है, केस चल रहा है कि हमको नहीं पता क्या होगा उसका. अब वो कहता है आपसे,
कि प्रोविजन मीट्स द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया और कंटीन्यूअली फेल्स टू मीट द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया. व्हाट इज द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया जो नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है, ये चारों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए. अब वो कहता है द कंटीन्यूअल लायबिलिटी इंक्लूड्स प्रेजेंट ऑब्लिगेशन. अब आप एकदम से आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आप बोलेंगे व्हाट इज दिस सर, अभी आपने बोले कि प्रोविजन आपका प्रेजेंट ऑब्लिगेशन लेकिन आपका कंटिंजेंट लायबिलिटी पॉसिबल ऑब्लिगेशन. याद रखना प्रेजेंट ऑब्लिगेशन पॉसिबल ऑब्लिगेशन में क्या अंतर होता है. प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब होता है बेटे कि प्रोबेबिलिटी इज मोर देन 50% प्रोबेबल है, और यहां पे नॉट प्रोबेबल मतलब प्रोबेबिलिटी लेस देन 50% तो उसको पॉसिबल ऑब्लिगेशन रहते. तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन प्रोबेबिलिटी इज मोर देन 50% कि हमको पैसा देना, हम केस हारने वाले, तो क्रिएट अ प्रोविजन. If it is less than 50%, no need to create a provision. Just mention in notes to account as contingent liability. But what happened? वो यहाँ पर मगर आपने बोले सर contingent liability में possible obligation, probable नहीं, मतलब present नहीं है, possible. It is less than 50%. तो here they are using the word contingent liability includes present obligation. अब आप बोल रहे सर वो तो आपका provision case में present obligation होता है, ये यहाँ पे contingent liability में present obligation क्यों आ गया? ये तो contradict हो गई ना बात. अब समझो मेरी बात. मैंने कहा हो सकता है बच्चे की प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो, लेकिन ये हमारी चारों की चारों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए. अगर ये चारों की चारों कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो हम उसको प्रोविजन नहीं, हम उसको कंटिंजेंट लायबिलिटी ही कहते हैं. हम उसे प्रोविजन नहीं, हम उसे कंटिंजेंट लायबिलिटी ही कहते हैं बेटे. समझ में आई ये चीज आपको? तो प्रेजेंट हो सकता है कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, लेकिन नीचे की भी चीजें भी सेटिस्फाई होना ये वाली चाहिए. रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, आउटफ्लो, कॉस्ट कैन बी मेजर रिलायबली, ये भी होना चाहिए बच्चों. अभी देखो contingent liability includes present obligation that do not meet the recognition criteria because either it is not probable that settlement of those obligation will require outflow. हो सकता है कि not probable, हो सकता है कि उसका outflow नहीं होने वाला, और तो cannot, हो सकता है कि उसकी cost cannot be measured reliably, उसको आप cannot be measure, उसको आप measure reliably नहीं कर पा रहे बेटा. तो इस केस में भी आप उसका उसको हम कंटिन्यूअल लायबिलिटी ही बनाए, बट उसको हम कहेंगे नॉट, वी विल नॉट कॉल इट प्रोविजन. ओके, चारों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए. प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज द रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, इकोनॉमिक आउटफ्लो एंड कॉस्ट कैन बी मेजर रिलायबली. इन दैट केस ओनली व्हाट वी विल डू, वी विल क्रिएट अ प्रोविजन फॉर इट. ओके, अब उसके बाद यहाँ पे ऑब्वियसली जब आप कोई प्रोविजन बनाए तो कोई एस्टिमेट लगते हैं कितने पे प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर, तो आप एस्टिमेट लगते हैं कितने पे हमको प्रोविजन बनाना है. So if the management estimates that it is probable that the settlement of an obligation will result in outflow economic benefit, it recognizes provision in the balance sheet. तो उसने probable का मतलब क्या होता है? More than 50% probability कि हमारा outflow होगा बेटा, ज़्यादा chances है outflow होगा, तो हम उसका provision बना लेते. If the management estimates that is less likely than economic benefit, वो उसकी chances less likely economic will outflow. उसकी चांसेस कम है 50% से कि आउटफ्लो होगा, तो इन दैट केस वी शो इट एज व्हाट, कंटिंजेंट लायबिलिटी. ये थोड़ा सा ट्रिकी था. आप जल्दी से बताओ आपको अंतर समझ में आया प्रोविजन में और कंटिंजेंट लायबिलिटी में? प्रोविजन को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखते हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटी को बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखते नहीं है बच्चों. ओके, सबको समझ में आई चीज? अब हम आते हैं फटाफट से, हमारे से अभी 10 क्वेश्चन हुए ठीक है, लेकिन याद रखना थ्योरी क्वेश्चन ये वीडियो देख के चले जाओ और आसानी से आप थ्योरी क्वेश्चन कर लोगे. बस मेरी बातों को बहुत मेहनत से ये नोट्स बनते, बहुत मेहनत से नोट्स बने कि हर जगह से क्वेश्चंस कलेक्ट करो, कैसा पैटर्न आ रहा है एग्जाम में, कौन से क्वेश्चंस आ रहे. ओके, हाँ एक क्वेश्चन कह रहे कि सर एक स्टूडेंट के ट्रू और फॉल्स का भी एक आप वीडियो बना दो, तो आप लोग चाहते हो ट्रू और फॉल्स का स्पेसिफिक? तो मैंने वैसे उसके नोट्स ऑलमोस्ट बन चुके, कुछ फाइनलाइज करना है, तो मैं आज सोच रहा आज मैं फाइनलाइज करूंगा. तो मैं सोच रहा था कि कल मैं ट्रू और फॉल्स का एक पूरा वन शॉट वीडियो, फिर कितने भी घंटे का हो, जैसा ये थ्योरी जितने भी घंटे चले, वैसा ही मैंने एक सोच के रखा था कि ट्रू और फॉल्स का भी हम लोग एक ले लेंगे. ट्रू और फॉल्स का भी मैं सोच रहा था कि एक एक सेशन पूरे के पूरे ट्रू और. ओके ठीक है, ओके ठीक है. तो ट्रू और फॉल्स का, यू वॉन्ट ट्रू और फॉल्स एक वीडियो चाहिए आपको, तो मैं ट्रू और फॉल्स का भी एक बना लूंगा, क्योंकि 12 मार्क्स के लिए आता है एग्जामिनेशन. ओके, दो दो नंबर के 6 क्वेश्चन आपको कंपलसरी वाले क्वेश्चन में वो आएगा. यस सर, सो व्हाट यू ऑल ऑफ यू वांट ट्रू और फॉर? यस सर. ओके ओके ठीक है. अब चलो मेरी ध्यान से, अब मेरी बात सुन, चलो अब इसको बेटा यहां पे आप लोग फोकस करो. ओके, अब ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं उसको अच्छे समझना. ओके, अब देखो ये क्या कह रहे, डिस्टिंग्विश बिटवीन फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन एंड अकाउंटिंग पॉलिसी.
तो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन और अकाउंटिंग पॉलिसी में क्या फर्क है? तो पहले तो आप ये बताओ कि फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है क्या बेटा? ओके, जीसीए, व्हाट इज दिस जीसीए, व्हाट इज दिस जीसीए, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, व्हाट इज जीसीए? गोइंग कंसर्न कंसिस्टेंसी एंड अप्रूवल, गोइंग कंसर्न कंसिस्टेंसी एंड अप्रूवल, ये आपका जीसीए बेटा, ठीक है? अब ध्यान से आप मेरी बात समझता हूं उसमें, ओके अब ध्यान से मेरी बात इस यहां पे, तो ये आपका फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन और अकाउंटिंग पॉलिसी, दोनों में फर्क पूछा। सो यहां पर देयर आर थ्री फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, वी नो देयर आर थ्री फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, कौन से वो अकाउंट फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन बेटा? देयर आर थ्री फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, कौन से फंडामेंटल अकाउंटिंग, गोइंग कंसर्न कंसिस्टेंसी एंड अप्रूवल। व्हाट इज अकाउंटिंग पॉलिसी बेटा? अकाउंटिंग पॉलिसी देखो, देयर इज नो लिस्ट ऑफ सिंगल लिस्ट, इसकी कोई सिंगल लिस्ट नहीं होती। वैसे तो अकाउंटिंग पॉलिसी बहुत सी होती है, एग्जाम्पल इन्वेंट्री वैल्यूएशन हो गया, ठीक है? सो यहाँ पे देर इज नो सिंगल लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी विच आर अप्लाइड इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, एज ए रिजल्ट देर मे बी डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड बाय डिफरेंट एंटरप्राइज। सही बात है, मैं फीफो कर रहा हूं, ऑपरेटेड एवरेज कर रहे हो, ओके। अब नो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड, ऑब्वियसली आप जो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन बोलते हो तो इसके स्पेसिफिक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। नो डिस्क्लोजर क्यों? इफ ऑल द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, अगर फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन फॉलो करा गया, अगर वो जीसीए फॉलो करा गया, तो अगर वो जीसीए फॉलो करा गया तो हमको उसको अलग से बताने की जरूरत नहीं होती कि हमने फॉलो करे। लेकिन यहां पे अकाउंटिंग पॉलिसी का आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है बेटा, एज पर एस वन ऑल्सो डिस्क्लोज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रॉपर डिसीजन लेने में मदद करे। अब उसके बाद यहां पर इफ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन इज नॉट फॉलो, अगर ये फॉलो नहीं करा गया है तो डिस्क्लोज करना जरूरी है। तो यहां पर फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन फॉलो करा है तो डिस्क्लोज नहीं करना है, नहीं करा गया है तो फिर हमको उसको डिस्क्लोज करना रहता है। अब ध्यान से, इफ द पॉलिसी इज चेंज इन सब्सिक्वेंट ईयर, अभी एस वन के बारे में थोड़ा सा वो कह रहा है, अगर आप कोई पॉलिसी को बदलते हो और उसका कोई मटेरियल इफेक्ट होता है तो फिर आपको डिस्क्लोज करना पता उसको डिस्क्लोज, तो अगर आपने कोई पॉलिसी को चेंज करो तो अपने को डिस्क्लोज करना। लेकिन पॉलिसी कंटिन्यू हर साल फीफो ही फॉलो कर रहे हो, तो फीफो ही हर साल अगर फॉलो कर रहे बेटा, तो फीफो ही हर साल फॉलो करे तो हमको फिर उसको बताने की जरूरत, मतलब फिर हमको उसको बताने की जरूरत नहीं कि नहीं 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 हमने पॉलिसी चेंज, मतलब सॉरी फीफो ही कर रहे हो तो फिर बताने की जरूरत एक ही, अगर आपने नहीं वेटेड एवरेज पे आपने पॉलिसी चेंज करे तो फिर हमको बताने की जरूरत होती है, ओके। अब देर इज नो ऑप्शन टू चूज फंडामेंटल, ऐसा आप नहीं बोल सकते कि इसको कर, मैं नहीं बोल सकता कि जीसीए में थे गोइंग कंसर्न करना है मेरे को, गोइंग कंसर्न कंसिस्टेंसी मैं नहीं फॉलो करता या अक्रूवल नहीं फॉलो, ऐसा नहीं, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन पॉलिसी में हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि कौन सी पॉलिसी हम लोग चूज करें बेटा, फीफो करे एग्जाम्पल की वेटेड एवरेज करे, ओके। तो वहां पर हमारे पास ऑप्शन होते हैं। अब ध्यान से मेरी बात, अब इसके बाद नेक्स्ट आपको आरटीपी डिसेंबर, देखो आपको ये वीडियो कि आप दुआएं दोगे मेरे को भी एग्जामिनेशन हॉल से जब निकलोगे, ये इसको ध्यान से सुन लो, थ्योरी क्वेश्चन नहीं तो बहुत मुश्किल जाती है कैसे पढ़े क्या पढ़े, ध्यान से बाप मेरी बात सुन लो, ओके। अब क्या हो रहा है, राइट शॉर्ट नोट्स, वो किस पे हो रहा है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट आप लोग को ऑलरेडी पता है कि गोइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉर्मली प्रिपेयर्ड on the assumption that enterprise is going concern and will continue in the operation for the foreseeable future. What is this foreseeable future? कि future में भी वो business करने वाले, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शंका नहीं है। मैं कहता हूं हम ये assume करते कि नहीं, तो हम ये assume करते कि उसका कोई intention नहीं है और उसकी कोई जरूरत नहीं कि business को liquidate करे तो उसको या बंद कर दे, ऐसा कोई उसका intention नहीं है बेटा, तो उसका हम going concern assumption कहते हैं बेटा, okay। Now 13, अब वो कहता है कि बताओ बताओ डिस्टिंग्विश गोइंग कंसर्न कॉस्ट कंसर्न, गोइंग कंसर्न तो आपको पता है, दोबारा मुझे कहने की जरूरत नहीं। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉर्मली प्रिपेयर्ड ऑन द अजम्पशन दैट एंटरप्राइज गोइंग एंड विल कंटिन्यू द ऑपरेशन फॉर द फोरसीबल फ्यूचर, ना ही तो उसका कोई उद्देश्य है, ना ही तो उसको कोई जरूरत है, तो ना ही तो उसका कोई इंटेंशन है, ना ही तो उसको कोई जरूरत है किस चीज की, कि कंपनी को लिक्विडेट करे या उसका मेजर पार्ट के बिजनेस को बंद कर दे। व्हाट इज दिस कॉस्ट कंसेप्ट, कॉस्ट का मतलब, कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, जितने में हमको जो चीज मिली हम उसको उतने में ही रिकॉर्ड करेंगे। मैंने क्या कहा बच्चों, व्हाट डू मीन बाय कॉस्ट कंसेप्ट, जितने में हमको जो चीज मिली हम उसको उतने में ही रिकॉर्ड करें। मैंने कहा ये पेंसिल मुझे मिली 10,000 रुपए में, एग्जाम्पल दे रहा हूं बच्चों, एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैंने कहा ये पेंसिल मिली मुझे
10,000 रुपए में मुझे ये पेंसिल मिली, तो मैं क्या आपसे ये कहूं क्या, 10,000 रुपए में मुझे ये पेंसिल मिली बेटे, तो मैं क्या ये आपसे कहूं क्या कि नहीं 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 सर 10,000 रुपए में पेंसिल मिली, लेकिन मार्केट में जाओ तो लोगों को तो 12,000 में मिलते, मेरा तो जुगाड़ था, मुझे तो मिल गई 10 में, पहचान थी भाई की, अपन ऐसे कहते ना बड़ा पहचान, पहचान बड़ा चलता है अपने इधर, तो पहचान थी मेरी, तो मैंने तो इसको 10 में ही लिया, लोग जाएंगे तो 12 में मिलती, तो मैं 12 में इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखूंगा। अरे भाई साहब आपको कितने में मिली, 10 में, तो कृपया करके इसको 10 में ही लिखिए। इसे ही कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं कि एक्विजिशन कॉस्ट क्या है आपकी। तो वो कहता है हमसे कि इट मींस दैट द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट, इन अदर वर्ड व्हाट इज दिस एक्विजिशन कॉस्ट। आपको आपको एक स्टूडेंट बोलता सर क्या पेंसिल सच में 10,000 की है, 10,000 के आसपास की, मेरे तो बहुत टाइम हो गया लिए, लेकिन उसी हुई आसपास ही आती है शायद, कुछ एग्जैक्ट पता नहीं आज कितना, लेकिन उतने की कुछ आती है। एनीवेज बेटा, तो ये हो गई एक्विजिशन कॉस्ट, ठीक है। एक्विजिशन कॉस्ट हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं। ऑल्दो देयर आर वेरिएंट मेजरमेंट बेसिस, अकाउंट ट्रेडिशनली प्रेफर दिस कॉन्सेप्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। हाँ हाँ तरीके बहुत है, आपको और वैल्यू पे लिखोगे बोलोगे नहीं 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 सर करंट कॉस्ट क्या है, रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, अरे भाई साहब करंट कॉस्ट छोड़ो प्रेजेंट वैल्यू पे लिखो बोलोगे, कुछ भी कुछ बोलोगे, लेकिन हम लोग तरीके तो बहुत है, लेकिन हम लोग जब इसको अकाउंट करते हैं हम इसे कॉस्ट कंसेप्ट पर ही करते हैं कि जो एक्विजिशन कॉस्ट है बेटा, ओके एक्विजिशन कॉस्ट पे हम इसको लिखते हैं। अब ध्यान से बच्चों ये ना जून 2020 में आरटीपी में आया, उसके बाद ये आया ही कभी क्वेश्चन जो पूछा ही नहीं, तो वो क्वेश्चन भी बड़े इंपॉर्टेंट है इसमें जो आरटीपी में दिए हैं, लेकिन आपके एग्जामिनेशन में आए नहीं है, हो सकता है कि कोई भी अटेम्प्ट में आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाए बेटे, ठीक है। ध्यान से अभी ध्यान से पूरे वीडियो को देखो, उसके बाद बस एक बार गो थ्रू करना, जो जो हाईलाइट करो आसानी से सारी चीजें समझ जाएंगी बेटा। अब मेजरमेंट यहां पर क्या करें उसको समझना, पहले थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। वो कहता है आपको मेजरमेंट द वाइटल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, प्राइमरी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट आर मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, एनी मेजरमेंट डिसिप्लिन डील्स डिसिप्लिन विद थ्री बेसिक एलिमेंट ऑफ मेजरमेंट, सही बात है, आइडेंटिफिकेशन देन सेलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड और स्केल टू बी यूज एंड इवेल्युएशन ऑफ डायमेंशन ऑफ मेजरमेंट स्टैंडर्ड और स्केल। अब ध्यान से सुनो बेटा, जब भी आप कोई चीज का मेजरमेंट करते हो तो तीन चीजों के बारे में हमको ना आइडेंटिफिकेशन सेलेक्शन और वैल्यूएशन, ध्यान से मेरी बात, ये तीनों चीज को समझ, मेरे को तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है पहले वो ऑब्जेक्ट को जिसको मैं मेजर करना चाहता हूं। मैंने कहा ये रही वो पेंसिल, ये तो आइडेंटिफाई, फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई। फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चों की, आइडेंटिफाई करो, मैंने आइडेंटिफाई करा इसको, फर्स्ट स्टेप ये बच्चों की मैंने इसको आइडेंटिफाई करा, मैंने इसको क्या किया बेटे आइडेंटिफाई करा यहां पे कि मैं इसको कितने में आइडेंटिफाई करा कि जिसको मैं मेजर करना चाहता हूं, मेरे सामने पेंसिल, मैं इसको मेजर करना चाहता हूं, आइडेंटिफिकेशन। सेकंड सिलेक्शन, अब मैं ऑफ स्टैंडर्ड स्केल टू बी यूज, मैं इसको कैसे मेजर करना चाहता हूं, आई मीन टू से क्या ये क्वांटिटी में होता है, क्या ये डजन में होता है, क्या ये लीटर में होता है, किस तरीके, दैट इज सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड स्केल टू बी यूज। थर्ड इज द वैल्यूएशन, आप वैल्यूएशन करो कि एक क्वांटिटी की क्या कीमत है, या आप उसको डजन में है तो कितना, ये एक लीटर में है तो क्या, तो फिर उसका वैल्यूएशन करो। तो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट जो मेजर कर रहा है, उसको किस तरीके से आप काउंट कर रहे हो ना, वो सिलेक्शन करो, उसके बाद उसका वैल्यूएशन करो। तो ये तीन स्टेप मेजरमेंट पे आती है बच्चों, इसको ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन पहले कभी आया नहीं है, सिर्फ आपको आरटीपी जून 2020 के एग्जामिनेशन में दिया, पता एग्जाम में नहीं आया, आरटीपी में आया, तो हो सकता है आपके अटेम्प्ट में ये चार नंबर के लिए इंस्टीट्यूट पूछ ले बेटा, ओके। अब उसके बाद आता है ये तो फेवरेट, व्हाट सर्विसेज कैन ए चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोवाइड टू द सोसाइटी, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी को क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। बेटा ढेरों सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हम लोग, कोई उसमें लिमिट ही नहीं है इतनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। देखो मैं पढ़ता हूं और एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूं। द प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटेंसी हैज क्रॉस्ड इट्स यूजुअल डोमेन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटीग्रेशन इंटरप्रिटेशन ऑफ सच स्टेटमेंट एंड ऑडिट thereof. Chartered accountant presently taking active role in the company laws and other corporate legislation matters. In taxation laws matters, both direct and indirect and in general matters. वो तो बहुत चीज है, उसने एक पैरा लिख दिया कि नहीं नहीं इन जनरल नहीं, बहुत सी चीजें भी करते, लॉ केस में भी एक्सपर्टाइज करते, ऑडिट तो हम करते ही करते, तो बहुत सी सारी चीजें करते। अब देखो यहाँ पे एक एक करके उसने दिया, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, मगर मैं सच कहूं मैं उससे अग्री नहीं करता हूं, एज ए चार्टेड अकाउंटेंट कुछ लोग कर लेते होंगे,
लेकिन इन जनरल चार्टेड अकाउंटेंट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते होंगे कुछ लोग, लेकिन इन जनरल मैं कह रहा हूं नहीं करते। अरे आप लोग चार्टेड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो, मेहनत तो आप लोग तो चार्टेड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो ना बेटे, मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा ना। तो सीए अकाउंट चार्टेड अकाउंटेंट बने बाद आप नहीं गाना गाओगे डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आप ये गाना नहीं गाओगे सीए बने बाद। नहीं नहीं सर, ये गाना तो बस क्लास में ही गाता हूं मैं, और यहां पे वो तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना हमारा काम नहीं होता। ये बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किसका काम होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना, ये बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने का काम होता है मैनेजमेंट का, जो कंपनी है उनका काम होता है, आप ही नहीं। मैं क्लास में गाना गाता हूं डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ऑफिस में बैठू कोई क्लाइंट आया तो उसके सामने गाना नहीं गाता डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, कभी अकाउंटिंग लाइफ में नहीं किया सिवाय क्लास के, क्लास में ही मैं अकाउंटिंग करता हूं, कभी अकाउंटिंग नहीं करता। मैंने सीए बने बाद मेरे को याद भी नहीं कि कभी मैं कोई सॉफ्टवेयर पे बैठा और अकाउंटिंग एंट्री पास कर रहा हूं, जो इन जनरल मिड साइज फर्म में जो टेली बिजनेस रहते टेली सॉफ्टवेयर जनरली फॉलो करते, बड़ी कंपनी दूसरे करते, तो मुझे याद ही नहीं सीए बने बाद कभी भी मैंने टेली में एंट्रीज पास कर रहा हूं, क्योंकि मेरा काम नहीं है। एज ए चार्टेड अकाउंटेंट मेरा काम है उसको चेक करना बेटा, लेकिन कोई कोई लोग मेंटेन करते बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट स्टैट्यूटरी ऑडिट होते बेटा, कुछ कानून लॉ कहता है कुछ ऑडिट करना वो हम ऑडिट करते। उसके बाद इंटरनल ऑडिट होते बच्चों, इंटरनल ऑडिट होते वो आप सीखोगे इंटरनल ऑडिट सब, अभी जब आर्टिकल शिफ्ट करोगे तो वो एंटिटी के ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस कैसी, बहुत सारे इंटरनल सिस्टम कैसा चला उसके ऊपर ऑडिट करा जाता है। टैक्सेशन की इसमें कंसल्टेंसी आप लोग करते हो, बहुत एरिया सी ए बन जाओ उसके तो बस रास्ते ही रास्ते खुले। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी भी करते हो, कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते। फाइनेंशियल एडवाइस में तो आप लोग एक्सपर्ट हो जाते, अभी एक्सपर्ट हो जाओगे तुम लोग जैसे ही बेटा आप लोग आर्टिकल शिफ्ट शुरू करोगे, इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करना शुरू करोगे, आप लोग अचानक से अपने आप को चार्टर्ड अकाउंटेंट समझने लगोगे। क्यों? क्योंकि आपको इतनी इज्जत मिलने लगेगी बेटा। ओके, आपको इतनी इज्जत मिलने लगेगी बेटा, इतनी इज्जत मिलने लगेगी आपसे, लोग बोलेंगे अरे बताओ 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 यार मैं टैक्स कैसे बचाऊं, बताओ बताओ, ऐसा आपसे लोग पूछेंगे, आपके रिश्तेदार पूछेंगे, आपके दोस्त पूछेंगे अरे बता यार टैक्स कैसे बचाना है, बता दे यार रिटर्न की डेट क्या मुझे बता दे, तो आप तो एडवाइस देना शुरू हो जाओगे भैया इस तरीके से टैक्स बचाया जाता है, अरे इधर कहां इन्वेस्ट कर रहा है नुकसान हो जाएगा, यहां पे कर इन्वेस्टमेंट, ये शेयर्स पे इन्वेस्टमेंट कर, एकदम तुम लोग सीए टैसी फील आ जाता है, सीए रहते नहीं जब तक अपन, लेकिन तो भी फील आ जाता है, तुमको इतनी इज्जत मिलेंगे। अभी तो घर पे तुम डांट खाते होंगे, लड़कों को बोल रहा दो चार तो पड़ी जाती होंगी, एक हाथ महीने में एक हाथ तो पड़ी जाती है पेरेंट्स, चलता है उनका हक है मारना, और तुम्हारा भी हक है ये तो मार खाना, लड़कों को कह रहा हूं मैं, लड़कों को तो पीट ही सकते ना, लड़कों को पीटना भी चाहिए, बदमाश इतने रहते तुम लोग है ना, तुमको तो वो भाई वो अभी तो आप फिर तुम एक अचानक से आप लोग पास होते हो इंटर आर्टिकलशिप शुरू होती है तो अचानक से अपने को इज्जत मिलना शुरू हो जाती, फिर समझ में नहीं आता जीवन में क्या हो रहा है, इतनी इज्जत क्यों मिल रही, क्योंकि आदत नहीं रहती ना इज्जत मिलने की, अपने को घर पे डांट पड़ती है, अचानक से इज्जत मिलना शुरू हो जाती है, फिर आप ऑफिस ऑफिस जाते हो, वहां बहुत सी चीजें सीखने मिलती है और फिर ज्ञान भी देते हो बेटा, ओके ज्ञान भी देते, फिर अपन लोग ऐसा नहीं ऐसा करना होता, चलो ठीक है। तो फाइनेंशियल एडवाइस आपने देना बेटा, उसके बाद अदर सर्विस लाइक सेक्रेटेरियल वर्क, हाँ कम, वैसे तो कंपनी सेक्रेटरी को ज्यादा नॉलेज होता है सीएस का, आई मीन टू सॉरी लॉ का, कंपनीज लॉ का, लेकिन हमें भी बहुत नॉलेज होता है उसका, तो सेक्रेटरियल वर्क, फिर शेयर रजिस्ट्रेशन वर्क, कंपनी फॉर्मेशन, रिसीवल, आर्बिट्रेशन, बहुत सारे काम हम लोग करते। ओके ओके, अब ध्यान से मिले, ये चार क्यों पूछ लिए थे, एग्जाम में पूछ लेते कभी कभी ना। ओके हाँ अच्छा, अभी सुन के बैठे, हाँ एक स्टूडेंट के साथ भी उसको सुन के बैठे डांट, सुनना भी चाहिए ना, सुनना भी चाहिए, ऐसे जब तक दो चार डांट पड़े नहीं पेरेंट्स से तो दिन अच्छा नहीं जाता ना लड़कों का, और वो तो रिश्ता ही नहीं ना, फादर का और बेटे का रिश्ता ही नहीं, मैं बेटियों को नहीं कह रहा हूं, लड़कियों को नहीं, लड़कियों को नहीं डांटना चाहिए ना, बेटे का और फादर का रिश्ता ही क्या जिस रिश्ते में फादर ने बेटे को डांटा नहीं है मारा नहीं, वो तो अपन को तो होना है ना, अपन तो इंडियन से बिना मारे बिना डांटे तो होता ही नहीं ना, और फादर को भी अच्छा लगता, चलो इसको दो चार लगा दिया मैंने, मेरे को कंफर्टेबल फील हो रहा है, इसको दो चार लगा दिया, हाथ वाथ सब फ्री लग रहे बराबर है ना, और अपन को भी अच्छा लग रहा है, दो चार खा लिया अपन ने, उनको भी मारना था। ओके ओके, ध्यान से अब मेरी बात, ठीक है। अब पता नहीं जो एग्जाम ना जनवरी 21 में ये चार टर्म्स उसने पूछ लिया था बेटा, तो थोड़े से टर्म्स वो ट्रिकी है, लेकिन मैं आपको कुछ कुछ टर्म्स फैमिलियर हुआ,
लेकिन कुछ कुछ चलो कोई बात नहीं, अब ये चारों टर्म्स को आप समझ लो क्या बेटे। ओके, अब ये एक होता है आपका कैपिटल कमिटमेंट। व्हाट इज दिस कैपिटल कमिटमेंट, इसको अच्छे से समझना बेटा। कैपिटल कमिटमेंट का मतलब होता है कोई ऐसे कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्यूचर में आप करने वाले जिसमें आपने कॉन्ट्रैक्ट हो चुका, सो कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, सॉरी कैपिटल कमिटमेंट, कमिट कर रहे हो कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर का आप खर्च करने वाले। तो फ्यूचर लाइबिलिटी फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ इट यू हैव कॉन्ट्रैक्ट हैव बीन मेड, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट करा, आपके कोई ऑब्लिगेशन है कि फ्यूचर में आपको कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करना, दैट इज कैपिटल कमिटमेंट। उसके बाद ओके उसके बाद आप यहाँ पे एक्सपायर्ड कॉस्ट, एक्सपायर्ड कॉस्ट का मतलब होता है बेटा कि अपने को सर्विसेज मिल गई है ना, आपको जो सर्विसेज मिल गई, देखो यहाँ पे द पोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम विच नो फर्दर बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड, तो आप कोई एक्सपेक्ट, आप उसको कोई बेनिफिट एक्सपेक्ट नहीं कर, मतलब जो आपने खर्च किए तो उसके बदले में आपको बेनिफिट मिल गए, अब और कोई बेनिफिट मिलने वाले नहीं, दैट इज एक्सपायर्ड, एक्सपायर्ड हो गई वो कॉस्ट। आपने खर्चा किए बेटा, आपने खर्चा करे बेटा और खर्चा करे आपने एक्सपेंसेस की, उसके बदले में आपको जो सर्विस मिलना था मिल गई और अब मिलने वाली नहीं, दैट इज एक्सपायर्ड कॉस्ट। व्हाट इज कैपिटल कमिटमेंट, कि फ्यूचर में कोई लायबिलिटी अपने को इनकर्ट करना है कैपिटल एक्सपेंडिचर। व्हाट इज दिस एक्सपायर्ड कॉस्ट, एक्सपायर्ड कॉस्ट का मतलब होता है कि कोई पोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर जिसके बदले में आप अपने को कोई बेनिफिट नहीं मिला, आपने खर्चा करे जो बेनिफिट मिलना था मिल गया, अब मिलने वाला, दैट इज एक्सपायर्ड कॉस्ट। ओके, व्हाट इज दिस फ्लोटिंग चार्ज, अब देखो क्या होता है कि आपका फ्लोटिंग चार्ज, जैसे बड़े डिटेल में पढ़ोगे सीए इंटरमीडिएट में, वहां पे एक आपको लिक्विडेशन करके चैप्टर है बेटा, तो उसमें वहां पे आपको मैं पढ़ाऊंगा कि ये जो होता है आपका फ्लोटिंग चार्ज का मतलब क्या होता है। तो फ्लोटिंग चार्ज जो होता है बेटा आप लोगों का कि कोई कंपनी की कोई चीज पे चार्ज हो, फॉर एग्जाम्पल सॉरी कंपनी कोई चीज पे चार्ज रखा, फॉर एग्जाम्पल कि आपने डिबेंचर होल्डर हैविंग ए फ्लोटिंग चार्ज, तो अगर कंपनी लिक्विडेट होती है, मेरी बात ध्यान से सुना, अगर कंपनी को लिक्विडेट होती है तो हमने बोले डिबेंचर होल्डर को सुनो अगर कंपनी लिक्विडेट होती है तो हमारे पास पैसा नहीं रहा तो हम ये चीज बेच के आपको पैसा देंगे, लेकिन आपका पैसा हम जरूर देंगे। तो मैंने कहा कंपनी लिक्विडेट होती है और अगर कोई पैसा नहीं रहा तो चिंता नहीं करो, हम ये चीज बेच के आपको पैसा देंगे। कोई एक एसेट के अगेंस्ट में सपोज चार्ज है, लेकिन फ्लोटिंग चार्ज का मतलब होता है कोई स्पेसिफिक एसेट के अगेंस्ट में चार्ज नहीं है, सारी एसेट फ्लोट कर रहा है, स्पेसिफिक नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है वो बेटा, सारी एसेट पे है, दैट इज फ्लोटिंग चार्ज बेटा। तो देखो यहां पे ए जनरल चार्ज ऑन सम और ऑल एसेट ऑफ एन एंटरप्राइज व्हिच आर नॉट अटैच्ड टू स्पेसिफिक एसेट, तो कोई स्पेसिफिक एसेट पे अटैच नहीं है बेटा, स्पेसिफिक एसेट पे अटैच नहीं है, दैट इज फ्लोटिंग चार्ज। व्हाट इज ऑब्सोलेंस, अच्छा तीनों का टर्म बताओ मीनिंग। व्हाट इज कैपिटल कमिटमेंट, फ्यूचर लायबिलिटी टुवर्ड्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। व्हाट इज एक्सपायर्ड कॉस्ट, आपने जो खर्चा किया तो उसके बदले में बेनिफिट मिल गया और कोई फर्दर बेनिफिट मिलने वाले नहीं। व्हाट इज फ्लोटिंग चार्ज, कि उस एसेट के अगेंस्ट में कोई एसेट के अगेंस्ट में कोई लायबिलिटी का चार्ज नहीं है, मतलब तो वो फ्लोटिंग है। ओके, नाउ फोर्थ वन इज ऑब्सोलेंस। व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस का मतलब होता है बेटा डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ अ थिंग, क्यों, ड्यू टू व्हाट, आउट ऑफ फैशन, आउट ऑफ फैशन हो जाना, मैंने कहा आउट ऑफ फैशन हो जाना। पहले मोबाइल आते थे वो बटन वाले नोकिया 3310 जिसके में 90s के एंड में आया था वो शायद, और लड़के अपने आप को बहुत ही कूल समझते थे, कॉलेज में खड़े होते थे और नोकिया 3310 बताते थे और अपने आप को बड़ा ही कूल ड्यूड समझते थे, स्टूडेंट ऑफ द ईयर के हीरो समझते थे करण जौहर की मूवी के। अब वो हो गया बेटा आउट ऑफ फैशन। उसके बाद आया आपका ब्लैकबेरी का बड़ा क्रेज चला, वो बटन वाली आई जिसमें सारे लेटर्स होते थे। उसके बाद आया टच स्क्रीन, तो फैशन के जाने से भी वैल्यू चेंज होती, दैट इज व्हाट ऑब्सोलेंस। ओके, तो चारों का मीनिंग ध्यान में रखना, एग्जामिनेशन में आ जाए तो आप लिख सको बेटा। ओके, अब उसके बाद यहां पे आता है कोई प्रोडक्शन, कोई मतलब क्यों आउट ऑफ फैशन हुआ, क्योंकि नई चीज आ गई या टेक्नोलॉजी बदल गई, प्रोडक्शन का तरीका बदल गया, लोगों का टेस्ट बदल गया, फैशन बदल गई, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वैल्यू कम होती है, उसको हम ऑब्सोलेंस कहते हैं बेटा। अब उसके बाद हम आते हैं 17th क्वेश्चन पे, आपको 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, वो कहते हैं डिस्कस द बेसिक ऑफ बेसिक कंसिडरेशन इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बताओ बताओ, अरे ये भी इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब वो ऐसे वो डिस्टिंग्विश पूछती है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये बताओ, खेल खेलती है हमारे साथ। तो बताओ ये चार आइटम दिए, चार में से कौन कौन से कैपिटल एक्सपेंडिचर है और कौन कौन से बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो हमसे पूछती है। ओके, अब देखो क्या है, द
तो पहले हमको तीन चीजों को, तीन चार चीजें, चार पांच चीजें दूंगा, नेचर ऑफ बिजनेस, रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर पहले हाईलाइट कर दो, पर्पस ऑफ एक्सपेंसेस, इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस और मल्टीपल द अमाउंट इन्वॉल्व। अब ध्यान से बाप मेरी बात समझना बेटा, तो मुझे जब ये तय करना होता है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है बच्चों कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ओके ओके, अब ध्यान से मेरी बात सुनो, यहां पे हमको जब तय करना है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। तो पहली चीज हम लोग को जो ख्याल रखना है, दैट इज नेचर ऑफ बिजनेस। अब ध्यान से, मैं कहता हूं कि भाई साहब मेरा व्यापार है, मेरा बिजनेस है मोबाइल बेचने का, तो मैंने कहा मेरा बिजनेस है मोबाइल बेचने का, सपोज ये मोबाइल है मेरे पास और इसका मैं बिजनेस करता हूं, मेरी दुकान में ऐसे बहुत सारे मोबाइल्स रखे हुए, स्टॉक पे रखे हुए, क्योंकि मेरा बिजनेस है ये, तो जब ये मेरा बिजनेस है इसी का मैं बिजनेस, इसमें ही बिजनेस करता हूं, तो ये तो मेरे लिए, मैंने मोबाइल खरीद के लिए क्या है, लेकिन यूज करने के लिए नहीं लाया, मैंने तो रीसेल करने के लिए लाया, ठीक है, या मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूं तो मैंने बेचने के लिए अपने पास रखा, तो ये तो मैंने जब मोबाइल खरीदा तो वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है मेरे लिए, क्योंकि मैंने रीसेल करने के लिए लाया। लेकिन अगर वो मोबाइल मेरा मोबाइल का बिजनेस नहीं है, मोबाइल मैंने खरीदा बिजनेस में यूज करने के लिए, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। तो आपको नेचर ऑफ बिजनेस देखना पड़ेगा। मैंने कहा मेरा फर्नीचर का ही बिजनेस है, फर्नीचर का ही बिजनेस है बच्चों, तो फर्नीचर का ही जब बिजनेस है मेरा, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा अपने को, फर्नीचर का ही जब बच्चों बिजनेस है मेरा, तो फिर क्या चीज होगी, तो फर्नीचर का बिजनेस, तो मैं तो ये कहूंगा ना यहाँ पे कि यहाँ पे कि फर्नीचर के लिए हम लोगों को, सॉरी फर्नीचर का बिजनेस है और फर्नीचर खरीद के लाए तो वो तो रीसेल के लिए लाए, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। लेकिन आपने नहीं, फर्नीचर का बिजनेस नहीं, वो हम बिजनेस में यूज करने के लिए फर्नीचर लेकर आए, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। तो इसलिए अपने को नेचर ऑफ बिजनेस भी देखना, नेचर ऑफ बिजनेस हमको देखना होता है। सेकेंड, आपको जब आप तय करते हो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकेंड पॉइंट है रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। जो खर्चे बार बार हजार बार हो रहे हैं, कंटिन्यूस हो रहे, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। और जो खर्चे बार बार नहीं होते बेटा, जो फ्रीक्वेंटली नहीं होते, इनफ्रीक्वेंट इन नेचर है, तो वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर बेटा, ठीक है। जैसे सैलरी फ्रीक्वेंटली हो रहा है, तो वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आपको मदद करता है ये तय करने में कि कैपिटल लग रेवेन्यू। पहला नेचर ऑफ बिजनेस देखो, दूसरा रिकरिंग लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर, कितने बार हो रहा है, फ्रीक्वेंटली हो रहा है कि नहीं हो रहा। पर्पस ऑफ एक्सपेंस, आपने खर्चा क्यों करे बेटा, वो खर्चा सिर्फ एग्जाम्पल, सपोज ठीक है पढ़ लेता हूं मैं इसको। Expenses for repairs of machine may be incurred in the course of normal maintenance of the asset. Such expenses are revenue in nature. Normal maintenance अगर आप कर रहे हो तो वो तो आपका revenue expenditure है. On the expenditure for major repair, अब देखो आपने normal repair कर रहे, maintenance तो revenue expenditure, major repair कर रहे जिससे उसकी capacity बढ़ जाती है तो वो capital expenditure कहलाता है. तो आपने normal expenditure जो daily होता है, suppose for example यहाँ पे या पार्किंग है नीचे, वहां पे मेरी कार रखी हुई, तो मैं उसमें फ्यूल भराता हूं, तो दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। छोटा मोटा कुछ हो गया, हर साल एक बार मैं उसकी सर्विसिंग कराता हूं, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। लेकिन मैंने उसमें कोई ऐसा मेजर चेंज करा जिससे उसकी कैपेसिटी बढ़ गई, दैट विल बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। इतनी चीज समझ में आया, आपको इसको अपने को ख्याल रखना है, ओके ओके। अब उसके बाद यहां पे इतना समझा, तीन चीजें, पहले नेचर ऑफ बिजनेस, रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर और पर्पस ऑफ एक्सपेंसेस। उसके बाद इफेक्ट ऑन द रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, कि भाई यहां पे आप जो खर्चा कर रहे हो तो क्या उसे रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ रही है। देखो द एक्सपेंसेस विच हैड टू जनरेट इनकम और रेवेन्यू इन द करंट पीरियड आर रेवेन्यू इन नेचर, शुड बी मैच अगेंस्ट द रेवेन्यू अर्न इन द करंट पीरियड। ऑन द अदर एंड इज द एक्सपेंडिचर हेल्प्स टू जनरेट रेवेन्यू ओवर मोर देन वन अकाउंट, इज जनरली कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो ऐसा कोई खर्चा करे जिससे रेवेन्यू इसी साल जनरेट कर रहा है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। लेकिन ऐसा कोई खर्चा करे जो लंबे समय तक हमको रेवेन्यू जनरेट करने में मदद करता है, मैं एग्जांपल की तौर पे कहता हूं कि मैंने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दिया, मैंने अपने एम्प्लॉय को क्या दिया बेटा बच्चों, मैंने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दिया, उसको जब मैं ये सैलरी दे रहा हूं, मैं जब अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा हूं बेटा, तो ये जो सैलरी मैंने यहां पर दिया उसको, उसके बदले में बेनिफिट मेरे को लॉन्ग टर्म नहीं मिलेगा, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन मैंने बढ़िया सा एक कोई मशीन खरीद कर लेकर आ गया बेटा, और मशीन खरीद कर लेकर आए, लेकिन वो मशीन से मेरे को लंबे समय तक बेनिफिट मिलेगा, रेवेन्यू जनरेट करने में मदद करेगा। जैसे कि ऑल टाइम फेवरेट मेरी ये पेंसिल मेरे को लॉन्ग टर्म तक रेवेन्यू जनरेट करने में मदद कर रही है बेटा, और आगे भी करेंगे।
तो इस जब मेरे को ये आगे भी करेंगी लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दे रही है रेवेन्यू जनरेट करने में, तो ये मेरे लिए हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन कोई ऐसा खर्चा जो लॉन्ग टर्म में मेरे को रेवेन्यू नहीं जनरेट करने में मदद कर रहा, शॉर्ट टर्म में कर रहा है, लेस देन वन ईयर फॉर एग्जाम्पल सैलरी, तो वो हो गया आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेटे। ओके, लास्ट कहता है मटेरियल ऑफ द अमाउंट। अरे भाई छोटा मोटा अमाउंट है तो उस पर इतना टेंशन नहीं लेना, एग्जाम्पल की तो छोटा मोटा अमाउंट है तो चार्जेस तो पी ने लगाओ ना। हाँ, अगर थोड़ा सा बड़ा अमाउंट है तो यू कैन से दैट मे बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जब आपको ये तय करना होता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन पांच चीजों का ख्याल रखना। और थ्योरी जैसे मैंने आपको नोट्स दिया ऐसे ही पॉइंट्स आप लिख के आओगे, नेचर ऑफ बिजनेस, रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर, पर्पस ऑफ एक्सपेंसेस, ओके, इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, मटेरियल ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व्स। ओके, अब जल्दी से बच्चों ये चारों टर्म जो आपको दिसंबर 21 के एग्जामिनेशन में आया था, 21 के एग्जामिनेशन में आया था, अब जो कि आपके अटेम्प्ट में आने वाला है ये एग्जाम, ऐसे कह रहा मजाक से कह रहा, तो चारों को एक्सप्लेन करो, चार नंबर के लिए आया होगा ये चार टर्म एक्सप्लेन कर दो। अरे बड़ी आसान सी चीज है, अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, वी ऑल नो कि अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जब हमको सर्विसेज मिल गई या गुड्स मिल गई, हमने किसी को दिया, हम उसको रिकॉर्ड करते और इसका इफेक्ट एक्सपेंसेस लायबिलिटी या इनकम और एसेट पे पड़ता है, उसे हम अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। सेकेंड बोलो जल्दी जल्दी, सेकेंड बोलो अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन याद रखना बेटा, जब कोई इसी की देखो वैल्यू डिग्रेड, इट्स लाइक डेप्रिसिएशन, तो इन जनरली इंटेंजिबल एसेट के बाद वी यूज द वर्ड अमोर्टाइजेशन। एसेट की वैल्यू जब डिग्रेड होती है तो उसका अमोर्टाइजेशन कहते हैं। यहाँ पे द ग्रेजुअल एंड सिस्टमेटिक राइटिंग ऑफ ऑफ एन एसेट और एन अकाउंट ओवर अप्रोप्रिएट पीरियड इज कॉल्ड अमोर्टाइजेशन। अब देखो कंटिंजेंट एसेट का मतलब क्या होता है, इट इज जस्ट द अपोजिट ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट एसेट मतलब यहाँ पे देखो द एसेट द एग्जिस्टिंग ओनरशिप और वैल्यू ऑफ विच मे बी नोन और डिटरमाइंड ओनली बाय द अक्यूरेंस और नॉन अक्यूरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। लेट मी गिव एन एग्जाम्पल, आपके पेरेंट्स ने कहे अभी अभी तुम्हें लेक्चर करे, ये लेक्चर के बाद आप अपने रूम से बाहर गए, आपके पापा ने बोले बेटा तू कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, मुझे देखा नहीं जा रहा कि तू इतनी मेहनत कर रहा है, मैं चाहता हूं तू ऐसी लेकिन मेहनत कर क्योंकि तेरी तरक्की इसी में बच्चे। तो आपके पेरेंट्स कहते एक मैं तुम्हें वादा करता हूं, आपके पापा ने कहा एक वादा करता हूं मैं कि वादा करता हूं कि अगर तुम सीए फाउंडेशन क्रैक कर गए तो मैं तुमको एक बढ़िया सा आईफोन दिला के दूंगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं, आईफोन दिला के दूंगा, आपके पापा ने वादा किया, ठीक है, आप भी खुश हो गए, अरे वाह आईफोन दिला के देंगे, वैसे आपको अभी जरूरत नहीं आईफोन की, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, खरीदना भी नहीं चाहिए अभी, ध्यान दो। और उन्होंने वादा करें कि आईफोन दिला के देंगे, आप हो गए खुश, अरे वाह आईफोन मिलेगा। लेकिन क्या आप आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको लिख सकते हो क्या, आईफोन अकाउंट डेबिट, आईफोन को आप डेबिट कर सकते हो क्या? ओके, आप कर सकते हो क्या आईफोन अकाउंट डेबिट इस तरीके से कर सकते? आंसर इज नो। सर क्यों नहीं कर सकते? आपका हो गया क्या? नहीं। कब होगा? सीए फाउंडेशन क्रैक करे बार, अरे हाँ, जो कि फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे आधारित है, अगर पास हुए तो अनसर्टेन है, उसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है। देखो डीमोटिवेट नहीं कर रहा, रियालिटी बता, लेकिन आप पास हो गए चिंता मत करो। तो अब आपने मापे कि नहीं अनसर्टेन इवेंट है कोई, उसके ऊपर डिपेंड है बेटा, तो वो आपके लिए कंटिंजेंट एसेट हो गया। आईफोन अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक आप पास ना हो और आप पास हो जाओगे अटेम, ठीक है। अब उसके बाद मैं जब ना मेरे को याद आता है, मेरे एक सिस्टर तो मेरे पे बड़ा हंसते थे, वो देखते थे जब मैं पढ़ाई करता था तो कई चीजें मेरे को नहीं समझ में आती थी कभी, तो मेरी आदत थी आई कैन जुबैर यू कैन जुबैर यू कैन ऐसा करता, तो हंसते थे कैसे पागल जैसे कर रहा है। और हमारे वक्त थे कोई मोटिवेशनल वीडियो यूट्यूब में जो आजकल आप लोग देखते हो, ये सब नहीं होता था उस जमाने में, नहीं होता था इतना यूट्यूब पे वीडियो ये सब ऐसा नहीं होता था। तो अपने आप को खुद ही को मोटिवेट करना है, आजकल तो बच्चों को रोज मोटिवेशन लगता है, ठीक है, मगर सबसे अच्छा मोटिवेशन है कि आप अपने आप को मोटिवेट करना सीख जाओ, उससे अच्छा बेहतर कोई नहीं बेटे। हमारे वक्त में कोई यूट्यूब ये सब होते नहीं थे, हम यूट्यूब ये सब होते नहीं थे, तो हम लोग अपने आप को मोटिवेट करते थे, हमारा तो बुक्स आती थी मगर खुद ही को मोटिवेट करते थे, जुबैर यू कैन डिफिकल्ट भी रहता बोला जुबैर यू कैन यू। तो अपना ये माइंडसेट का खेल है, सीए कोर्स तो मैं कहता हूँ ना माइंडसेट का खेल है, इसका खेल है, दिमाग में बैठा लो कि मैं कर सकता हूं तो कर सकते हो, इसको तुमने जहां कमजोर कर दिए दिमाग, इसको इसका खेल है पूरा, इसको तुमने कमजोर कर दिया अगर तुमने बोले नहीं हो सकता, लोग तो बहुत से लोग नहीं कर पाते, अपने से नहीं होगा, तो मुश्किल है। आप ये सोचो कि आप कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि
आप नहीं कर सकते, वो दिमाग में ऑप्शन हटा दो, हटा दो। आज आपकी पोजीशन जो भी है आई होप अच्छी होगी, अगर बुरी है तो आप अच्छी करना चाहते होंगे, ये अच्छी है तो और अच्छी करना चाहते होंगे, तो ट्राई टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत मेहनत करो। और इसी का खेल है बेटा, इसी का खेल है, इसको ही आप क्या करो बेटा यहां पे, इसी का खेल है बस, इसको आप बराबर दिमाग को बराबर चलाओ और इसके ऊपर आप रहो। आप यही सोचना है कि नहीं यार मैं तो कर लूंगा, कौन सी बड़ी बात है इसमें, मैं क्यों नहीं कर सकता, कर लो। और हाँ हाँ देर नो 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 नहीं करना, अपन कर ही सकते हैं, इस तरीके से सोचो, बिलीव में बेटा, मैं बिलीव में आप मेरा कल कर सकते, आप सोचना मत के नहीं कर सकते, सोचोगे तो नहीं कर सकते, ठीक। चैलेंजेस तो आते हैं, बहुत सारी चीजें आती है, और अभी एग्जाम का वक्त है, प्रेशर भी आ रहा होगा बेटा कि होगा नहीं होगा, ये माइंडसेट का गेम, और प्रेशर हैंडल, और आपको अभी प्रेशर गारंटी दे रहा है, एग्जाम का वक्त है आपको प्रेशर होगा, और ऐसा नहीं आपको होगा, हर स्टूडेंट को, और वो प्रेशर आना नॉर्मल है कि भाई आपके होगा कि नहीं होगा, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, दिमाग में चीजें आती है। अभी एंजाइटी भी शायद आपको हो रही होगी, नहीं नहीं सर मतलब ऐसा लगता है कि क्या हो गया, कैसा हो गया, कैसे भी समय चले जाए, कैसे भी एग्जाम हो जाए, ये सब चीजें आपके दिमाग में आती होगी, है ना, अजीब सा लगता होगा, अजीब सा अंदर से फील होता होगा, मतलब बुरा बुरा भी कभी लगता नहीं, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, आपने पूछे क्या हुआ, बोले नहीं नहीं बुरा बुरा सा लग रहा है यार, अच्छा नहीं लग रहा, बस क्या हुआ पता नहीं क्या हुआ, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा, कैसे तो भी लग रहा है, डर लग रहा है, पता नहीं हुआ इस तरह की, तो यहाँ पे इस तरह का बेटा अपने को लगता है, और वो नॉर्मल उसको हैंडल करना, तो ये समय भी चले जाएगा, तो सिर्फ घबराना नहीं एग्जाम से, एग्जाम तो फेस करना ही पड़ेगा ना, तो घबराना ना, पॉजिटिव रहना, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, कूल माइंड से वहां पर जाना, कर लेंगे, अच्छा ही हम लोग इस माइंड सेट से तो बिल्कुल आप लोग वहां पर कर लोगे बेटा, ओके। तो अब इस चीज को बस अपन ने ख्याल रखा, तो हुई काबिल, काबिल नहीं आप बहुत काबिल है, एक भी लेक्चर के बाद मिरर में जाना और बोलो बहुत काबिल है अपन, अपने को तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें करना है, ठीक है, तो घबराना नहीं। अब मैं आता हूं नेक्स्ट पे बच्चे, दैट इज कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो वो कंटिंजेंट लायबिलिटी आपको अभी थोड़ी देर पता है कि वो उसका एक ऑब्लिगेशन है फ्यूचर पे अनसर्टेन इवेंट पे, फॉर एग्जाम्पल किसी ने केस फाइल करा डोमिनोज पे, तो डोमिनोज केस जीतेगा हारेगा दे डोंट नो, उसकी प्रोबेबिलिटी लेस देन 50%, दैट इज कंटिंजेंट लायबिलिटी, लेकिन अनसर्टेन इवेंट है फ्यूचर के ऊपर, दैट इज कंटिंजेंट लायबिलिटी, ओके ओके। अब यहाँ पे एन ऑब्लिगेशन रिलेटिंग टू एक्जिस्टिंग कंडीशन सिचुएशन विच में अराइज इन फ्यूचर डिपेंडिंग ऑन द ऑक्यूरेंस और नॉन ऑक्यूर वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर, अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड है वो होगा कि नहीं होगा बेटे, ओके 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 ठीक है ओके डन। अब ध्यान से बाप मेरी बात सुनो, अब थोड़ी देर अब जल्दी जल्दी बात सुनेंगे, फिर मैं आपको लेक्चर के आखिरी में बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कुछ बताऊंगा, ठीक है, एग्जाम के पहले ध्यान से जब अपन बात करेंगे उस पर बैठे, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, ब्रीफली एक्सप्लेन दी कंसेप्ट फॉलोइंग कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट एंड पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, ध्यान से मेरी बात आपने सुनना बेटा, व्हाट इज दिस मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ये ऑलरेडी आपको पता है मुझे कहने की जरूरत नहीं है, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट क्या है वो भी बता दो, व्हाट इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, जिसको आप मेजर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मनी उसी को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बेटा। और यहाँ पे सिंस मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड द स्टैंडर्ड ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू, दिस कंसेप्ट रिक्वायर दैट दोस ट्रांजेक्शन अलोन दैट आर कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी बी ओनली बी रिकॉर्डेड, जो कैपेबल है जिसको आप मेजर कर सकते थे उसी को अपन रिकॉर्ड करते, कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर ओनली बी रिकॉर्ड उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रांजेक्शन एंड इवेंट दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस, जो आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ मनी वो हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते नहीं है बच्चों, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ओके। अब ध्यान से इसको ख्याल रखो, व्हाट इज दिस पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, अब पीरियोडिसिटी आप मेरे को बताओ कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये चाहेगा ना कि हमको ये बताओ कि हमारा प्रॉफिट कितना लॉस कितना, वो तो जानना चाहेगा कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, प्रॉफिट है कि लॉस है, जानना चाहेगा। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट में क्या होता है बेटे कि अब आप बोलेंगे जब बिजनेस बंद होगा, जब बिजनेस पूरा बंद हो जाएगा, जब मैं देखूंगा कि भाई मेरा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, उसके बाद जब मैं बात करूंगा, नहीं जब नहीं, तो मेरे को तो ये पता लगाना है कि मेरे एक समय पे बताओ कि इतना कितना मेरा परफॉर्मेंस, तो हम उसको पीरियोडिकली बांट देते, दैट इज पीरियोडिसिटी कंसेप्ट हमारे इंडिया में, जो कि हमारा जनरली हमारा जो ईयर शुरू होता है वो अप्रैल से लेकर मार्च तक रहता है, दैट इज पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। तो इन दिस कंसेप्ट अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड आफ्टर एवरी पीरियड, अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड आफ्टर एवरी पीरियड, नॉट एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द एंटिटी, ऐसा नहीं
जब बिजनेस बंद होगा उसके बाद बोलेंगे कि नहीं 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 हमारा व्यापार है, 50 साल बाद बिजनेस बंद करेंगे तो जब बताएंगे प्रॉफिट, नहीं हमको पीरियडिकली पीरियड वाइज परफॉर्मेंस, पीरियड वाइज परफॉर्मेंस बता, ठीक है, दैट इज एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द एंटिटी. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ डेफिनेट अकाउंटिंग पीरियड. यूजुअली दिस पीरियड इज वन अकाउंटिंग ईयर, और इंडिया में अप्रैल में शुरू होता है, मार्च में क्या होता है बेटा, खत्म होता है. दिस इज पीरियडिस्टिक कंसेप्ट. अब उसके बाद ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है, आरटीपी में पूछ रहे हैं, जून 2018 में, फिर दिसंबर 2019, फिर दिसंबर 2020, और फिर दिसंबर 2022 में पूछा. बस इंतजार में कि कोई अटेम्प्ट में भी वो पूछ ले बेटा. चार क्या पूछा उसने, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस. अरे अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर पढ़े थे ना अपन ने, क्या ऑब्जेक्ट होता है ट्रायल बैलेंस बनाने का. तीन ऑब्जेक्ट अपने को ख्याल रखना, चेकिंग ऑफ द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंटिंग एंट्रीज. ये 100% तो अश्योरेंस नहीं देता. ट्रायल बैलेंस मैच हो गई भाई, मैच हो गई, मेरी ट्रायल बैलेंस मैच हो गई और मैं हो गया खुश. अरे वाह वाह, ट्रायल बैलेंस तो मैच हो गई सर, मैं तो खुश हो गया कि ट्रायल बैलेंस मैच हो गई. और मैं कहने लगा कि ट्रायल बैलेंस जब मेरी मैच हो गई बच्चों, तो मैंने कहा कि बड़ी अच्छी बात है बेटा, लेकिन वो 100% गारंटी नहीं देती. हाँ, रीजनेबल अश्योरेंस जरूर देती कि आपने प्रॉपर अकाउंटिंग कर, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी. तो ट्रायल बैलेंस बनाने का उद्देश्य ऑब्जेक्ट क्या, चेकिंग ऑफ द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंटिंग एंट्रीज. सो द ट्रायल बैलेंस इनेबल वन टू एस्टैब्लिश वेदर द पोस्टिंग इन अदर अकाउंटिंग प्रोसेसेस हैव बीन कैरिड आउट विदाउट कमिटिंग अरिथमेटिकल एरर. इन अदर वर्ड्स, ट्रायल बैलेंस हैव टू एस्टैब्लिश द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स. तो वो एक अरिथमेटिकल रीजनेबल एश्योरेंस देता है कि नहीं, आपने जो एंट्री पास करे अमाउंट अरिथमेटिकली डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट आपने सही सही लिखे, जबी तो ट्रायल में आपकी मैच हुई है ना. बेसिस फॉर सेकंड क्या है बच्चों, बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट. वी ऑल नो कि अकाउंटिंग प्रोसेस जो होती है बच्चों, वो एंटिटी ट्रांजेक्शन एंट्री लेजर पोस्टिंग, यू ऑल नो, पता है ना, एंट्री लेजर पोस्टिंग टोटलिंग एंड बैलेंसिंग, देन ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट एंट्री एंड फाइनल अकाउंट. तो जब आप उसको ट्रायल बैलेंस बनाओगे उसके बाद ही तो फाइनल अकाउंट बनेगा ना. अगर ट्रायल बैलेंस ही नहीं बनेगा तो फाइनल अकाउंट बनेगा क्या? नहीं नहीं सर, इसीलिए हमको फाइनल अकाउंट बनाना जरूरी होता है. ये आप सबको पता है बेटा, फाइनल अकाउंट बनाना क्या होता है बच्चों, उसका जरूरी होता है. जस्ट वन मिनट, फाइनल, हाँ एक सेकेंड रुकना. ओके एक सेकेंड, चलो ठीक है. यू ऑल नो अकाउंटिंग प्रोसेस, यू ऑल नो अकाउंटिंग प्रोसेस, आपको पता है बेटा. ओके, अब ध्यान से समराइज लेजर. अब लेजर को समराइज कर, कब आप मेरे को बताओ, ट्रायल बैलेंस जब आपका बना उसके बाद ही तो आप उसको समराइज करते. लेजर इतने सारे हैं, हर लेजर के बैलेंसेस निकालते, हर अकाउंट्स के बैलेंस निकालते और उन बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं. कोई कहने, आपको पता है ये चीज, पता है चीज कि सर इतने सारे अकाउंट्स बनाए, सारे अकाउंट्स के क्या करते अपन, बैलेंसेस निकालते. और वो बैलेंसेस निकाल के हम क्या करते, बैलेंसेस निकालते बेटा, और वो बैलेंसेस निकाल के हम लोग कहां पे लिखते, ट्रायल बैलेंस में लिखते. समझ में आई चीज? तो क्या ऑब्जेक्ट होता है हमारा, पहला एरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना, याद रखना इसको, एरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना, ये बेसिस से फाइनल अकाउंट बनाने में मदद करता है और लेजर को समराइज करता है. और इस लेजर को क्या करता है बेटा, समराइज करता है. ये तीन चीज ख्याल रखना, जैसे ही ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस पूछा तो फट से लेके एरिथमेटिकल एक्यूरेसी फॉर द फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये बेस होता है बेटा, और आपको समराइज करता है लेजर को, इसको आपको ख्याल रखना रहेगा. तो ट्रायल बैलेंस कंटेन्स अ लेजर बैलेंस ऑन अ पर्टिकुलर डेट. This entire ledger is summarized in the form of a trial balance. The position of a particular account can be judged simply by looking at the trial balance. Simple, मतलब purchase कितना? Look at the trial balance. देखो वहाँ पे purchase का कितना balance, sales कितना? Look at trial balance को देखो, उसमें sales की figure. जो account का balance आपको देखना है, आप वो trial balance देखो, वहाँ पे आपको figure मिल जाएगी. Okay. अब उसके बाद हम आते हैं, write short notes on double entry system. अभी डबल एंट्री सिस्टम पे राइट शॉर्ट नोट्स उसने पूछा, इसमें क्या है भाई डबल एंट्री सिस्टम, अपने को ख्याल रखना है. वी ऑल नो कि डबल इफेक्ट देते, जितने से डेबिट करे उतने से क्या करे, क्रेडिट करे. नाउ डबल एंट्री सिस्टम मे बी डिफाइंड एज अ सिस्टम दैट विच रिकॉग्नाइज एंड रिकॉर्ड बोथ द एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन. तो ये रिकॉग्नाइज करता है, रिकॉर्ड करता है बोथ द एस्पेक्ट, डेबिट और क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट को क्या करता है बच्चों, ये रिकॉर्ड करता है. अब वहां पे कहते हैं कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स,
एंड अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम बोथ द एस्पेक्ट आर रिकॉर्डेड, दो एस्पेक्ट होते और दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करा जाता है। दिस सिस्टम वॉज डेवलप्ड इन द 15th सेंचुरी इन इटली बाय लुका पाचियोली। अब देखो ये क्या हुआ कि ये ना इतना शोर, देखो ये 15th सेंचुरी में ये भाई साहब ने इन्वेंट करे थे डबल एंट्री सिस्टम। अब इनकी वजह से, इनका नाम थोड़ा गूगल वूगल करना आप देखोगे, अब इनकी वजह से अपने को पढ़ना पड़ेगा, तो यही जिम्मेदार है इसके। लुका भाई इटली के, इन्होंने क्या करते इसको इन्वेंट करे थे डबल एंट्री सिस्टम को, ठीक है। इट हैज प्रूव टू बी सिस्टमेटिक एंड हैज बीन फाउंड ऑफ ग्रेट यूज फॉर रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल अफेयर फॉर ऑल इंस्टीट्यूशन रिक्वायरिंग यूज ऑफ मनी। दिस सिस्टम ऑफर द अंडर मेंशन एडवांटेज। अब उसके एडवांटेजेस क्या है डबल एंट्री सिस्टम के, पूछता है क्या है बच्चों उसके। पहला, बाय द यूज ऑफ दिस सिस्टम द एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंटिंग वर्क कैन बी एस्टैब्लिश्ड थ्रू द डिवाइस ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो एडवांटेज डबल एंट्री के सिस्टम है कि अपने को एक्यूरेसी पता चलती है उसकी, और उसकी एस्टैब्लिश होती है, क्या एक्यूरेसी उसकी पता चलती है जब आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है, खुश, अरे वाह वाह ट्रायल बैलेंस आपका टैली हो गया बेटा। दूसरा जो होता है आपका फिर यहां पे, दूसरा यहां पे होता है आपका द प्रॉफिट अर्न और लॉस सफर्ड। अब आपका प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ वो भी अपने को पता चलता है डबल एंट्री सिस्टम। भाई डबल एंट्री सिस्टम करते हो तो जब भी तो आप लेजर बनाते हैं, उसमें पोस्टिंग करते हैं, बैलेंसेस निकालते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, तो हमको क्या पता चलता है बेटा प्रॉफिट और लॉस पता चलता है। ओके, ये उसके एडवांटेजेस है। उसके बाद यहाँ पे द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द फर्म, हाँ व्हाट इज फाइनेंशियल पोजिशन बेटा, फाइनेंशियल पोजिशन का मतलब होता है एसेट्स और लाइबिलिटीज, है ना, एसेट है लाइबिलिटीज कितनी, वो डबल एंट्री सिस्टम से पता चलता है। यह सीधी सी बात है ना कि हमको डबल एंट्री सिस्टम से ही पता चलता है कि हमारी एसेट से कितनी, एसेट्स कितनी और लाइबिलिटीज कितनी बेटा, वो किससे पता चलता है अपने को, डबल एंट्री सिस्टम से ही पता चलता है। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे पूछा है यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट की लाइबिलिटी कितनी, द सिस्टम परमिट्स अकाउंट टू बी केप्ट इन मच डिटेल। हाँ हाँ सही बात है, इतना डिटेल होता है कि उसका वो सारी की एज नेसेसरी देयरफॉर अफोर्ड सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल। सही बात है भाई, हम इतने डिटेल में अकाउंटिंग रहती है, डेबिट किसको करे, क्रेडिट किसको करे, कितना बैलेंस, कितना आपका ट्रायल बैलेंस की टोटल, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, कितना लेना है किसे, कितना हमको दे रहा है, वो सारी चीज अपने को पता चल रहा है, तो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अपने को पता चलना, कंट्रोल भी आता है कुछ अगर गलत हुआ, बोले इतने एक्सपेंस हो रहे, इतने एक्सपेंस होना नहीं चाहिए, तो उसे कंट्रोल भी करते हैं। लास्ट वन, रिजल्ट ऑफ वन ईयर मे बी कंपेयर्ड विद दोज ऑफ द प्रीवियस ईयर। सही बात है, आप कंपेरिजन भी कर सकते हो रिजल्ट का, तो आप अकाउंटिंग कर रहे हो ना, तो आपने इस साल अकाउंटिंग कर, इस साल का प्रॉफिट और लॉस आपको पता है, तो पिछले साल के प्रॉफिट और लॉस आप क्या कर सकते हो, उसको पता कर सकते हो। तो रिजल्ट ऑफ वन ईयर मे बी कंपेयर्ड विद दोज ऑफ प्रीवियस ईयर एंड रिजल्ट फॉर द चेंज मे बी असर्टेड। इट इज बिकॉज ऑफ दीज एडवांटेजेस दैट अ डबल एंट्री सिस्टम हैज बीन एक्सटेंसिवली इन ऑल कंट्रीज। ऑब्वियसली डबल एंट्री सिस्टम सारी दुनिया इसको फॉलो करती है। ओके, तो ये दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। अब राइट शॉर्ट नोट्स ऑन जर्नल, ये भी कोई बात हुई, ये आरटीपी में ही पूछ रहा है बार बार, एग्जाम में नहीं पूछा अभी तक। अब क्या क्या जर्नल में अपने को ख्याल रखना है बेटा, ये पहली चीज, ये फर्स्ट बुक है आपकी जिसको हम जर्नल, सबसे पहले आप रिकॉर्डिंग वाली स्टेज का है ना, रिकॉर्डिंग वाली स्टेज में जर्नल आपका, तो पहली बुक है आपकी जिसमें आप सारे अकाउंट को, अच्छा ये मेरा फेवरेट पॉइंट है। देखो एक्चुअल में डेबिट और क्रेडिट आप कहां करते हो, जब आप लेजर बनाते हो स्पेसिफिक अकाउंट को डेबिट करते हो और स्पेसिफिक अकाउंट को क्रेडिट करते हो, लेजर जब बनाते हो, जब मैं आप ही से बात करूं तो ध्यान से बात मेरी बात सुनो, तो जब हम उसके बारे में कहते हैं कि किस अकाउंट को हम, कौन से अकाउंट को हमने डेबिट करे और कौन से डेबिट क्रेडिट कहां करते, लेजर वाली स्टेज, तो ये हम लोग यहां पर क्या करते, यहां पे बच्चों हम लोग डेबिट क्रेडिट नहीं करते, जर्नल तो सब करते हैं ना, नहीं जर्नल वाले से हम बताते कि कौन से अकाउंट को डेबिट करना चाहिए, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए, इसीलिए यहां पे लिखा उसने विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड, ये अपन बताते कि कौन से अकाउंट को डेबिट करना और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना। सो जर्नल क्रिएट्स प्रिलिमिनरी रिकॉर्ड फॉर इज ऑल्सो सब्सिडरी बुक, इसको सब्सिडरी बुक के नाम से भी बुलाया जाता है। All transactions are first recorded in the journal as and when they are occurred. The recording is chronological order. You all know कि chronological order में जैसे जैसे transaction होते जाते वैसे वैसे हम लोग उसको लिखते जाते बेटा, तो all these are recorded in chronological order. So otherwise it would be difficult to maintain the record in ordinary manner. Journal give detail regarding any transaction. Thus journal tells the amount to be debited and amount to be credited.
तो यहां पे कौन से अमाउंट को अकाउंट को डेबिट करना है और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है वो हमको जनरल बताता। समझ में आई चीज आपको? अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 23 हमसे कहता है राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग रूल्स ऑफ पोस्टिंग ऑफ जर्नल एंट्री इनटू लेजर। ये तो बच्चों का खेल है ना सर, ये तो आपने पहले लेक्चर में जर्नल से लेजर में जो पोस्टिंग करते हैं उसको उसके बारे में बोलते हैं कि रूल्स बताओ। अरे ये तो बहुत इजी है, इसमें क्या है बेटा? अब देखो यहां पे क्या रूल्स है उसके। पहला सेपरेट अकाउंट, हम से बहुत सारे अकाउंट्स हम लोग बनाते हैं बेटा, हम लोग कहां पे लेजर में बहुत से अकाउंट बनाते और जर्नल वाली स्टेज से उस अकाउंट में लिखते हैं हम लोग, है ना। तो पहला सेपरेट अकाउंट इज ओपन इन लेजर बुक फॉर ईच अकाउंट एंड एंट्रीज फ्रॉम जर्नल आर पोस्टेड टू रिस्पेक्टिव अकाउंट अकाउंटिंगली, हम उसको पोस्ट करते हैं। सेकंड यहां पे इट इज अ प्रैक्टिस टू यूज, ये तो प्रैक्टिस है भाई साहब, इस पे अपन इतना फोकस देते हैं कि कंसेप्ट को साइड में रखो, ऐसा करते लेकिन नहीं करना चाहिए, कंसेप्ट को साइड में रखो। तो हम लोग कंसेप्ट पे कुछ ध्यान देते नहीं और कंसेप्ट को हम बोलते कि साइड में रखो, हमारा फोकस होता है अरे टू लिखा के इसने, अरे बाय लिखा के इसने, उसकी कोई वैल्यू नहीं है रियल लाइफ में, कोई मायने नहीं है। ये एक प्रैक्टिस चली आ रही है, एक परंपरा चली आ रही है। ओके, समझ में आ रहा है? एक प्रैक्टिस चली आ रही है, एक परंपरा चली आ रही है वो टू और बाय लिखने की। तो डेबिट में लिखे तो वहां टू, क्रेडिट में लिखे अपन डेबिट साइड में, जब कोई लेजर में डेबिट साइड में जब लिखे तो वहां टू, क्रेडिट साइड में क्या बाय। ओके, नाउ द कंसर्न अकाउंट डेबिटेड इन द जर्नल शुड ऑल्सो बी डेबिटेड इन द लेजर, एंड जो आपने वहां पे बताया कि जिसको डेबिट करना है लेजर में उसको अपन यहाँ पे सॉरी जर्नल में बताया उसके यहाँ पे अपन डेबिट करते हैं लेजर में, और यहाँ पे जो अकाउंट का आपने जर्नल में बताए थे क्रेडिट करना है उसको अपन यहाँ पे रिस्पेक्टिव अकाउंट के यहाँ पे क्रेडिट करते हैं। तो इतना भी अपने को ख्याल, ये तीन चीज, ये रूल्स है, ठीक है, सिंपल। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक्स। अब देखो सब्सिडरी बुक्स कैसी होती है बेटा, बहुत सारी होगी। अब सब्सिडरी बुक्स यहां पर कैसा होता है कि आपने यहां पर बनाए कैश बुक, एक कैश बुक बनाते हो, फिर आप बनाते हो वो अदर सब्सिडरी बुक में आ जाती है, सपोज सेल्स बुक है ना, परचेज बुक ऐसे एक्सेट्रा, आप अलग अलग, फिर जर्नल बन जाता है आपका। तो ये बनाने इसके कोई एडवांटेजेस है कैसे अदर इतनी सारी सब्सिडरी बुक्स में? हाँ, एडवांटेजेस है। क्या एडवांटेजेस है? पहला एडवांटेजेस है बेटा यहां पे आपका डिविजन ऑफ वर्क, आपका काम बट जाता है ना, कि आप ना अपने इधर उतना नहीं होता ऐसा, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, मैंने यूएई में देखा है, दुबई में पैटर्न देखो, बहुत सी जगह होता है, मगर अगर आप ऐसे यूरोपियन कंट्री में जाओ कि दूसरी कंट्रीज में भी देखो कि बहुत जगह ऐसा होता है कि स्पेशलाइज अपने इधर बोला अकाउंटेंट मतलब अकाउंटेंट, या बड़ी कंपनीज में ऐसा होता भी होगा, लेकिन बाहर ऐसा होता है कि जैसे ये अकाउंटेंट है, अच्छा आप अकाउंटेंट है, आपने ये कंपनी में काम करो, ये मैंने दुबई में देखा था, तो ये कंपनी में आपने आपने काम करे तो फिर पूछे हाँ काम करे अकाउंटेंट हो, तो अपने को नहीं समझता अकाउंटेंट मतलब अकाउंटिंग एंट्री सिर्फ करता हूँ, है ना, या अकाउंटिंग साइकिल प्रोसेस फॉलो करके बुक्स ऑफ अकाउंट रेडी करता हूँ, लेकिन वहां पे स्पेशलाइजेशन होता है अकाउंटेंट में। फॉर एग्जांपल ये ट्रेड रिसीवेबल, तो किसमें कर तो ट्रेड रिसीवेबल वाला सेक्शन है, इतनी बड़ी कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी, वहां पे ट्रेड रिसीवेबल का सेक्शन मैं देखता था। आप क्या करते थे? तो सर मैं ट्रेड पेबल का सेक्शन देखता था, इस तरीके से बता। तो वहां पे ऐसा भी होता है, तो आपने यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क दे दी कि आपको कैश बुक मेंटेन करना है, आपको सेल्स बुक, आपको परचेज, डिवीजन ऑफ वर्क हो जाता है, ठीक है। देन स्पेशलाइजेशन एफिशिएंसी, अब स्पेशलाइजेशन आता है कि कोई इसी तरह का काम कर रहा है तुम कैश बुक ही मेंटेन कर रहे हो तो तुम उसमें एक्सपर्टाइज हो गए, कोई सेल्स बुक मेंटेन कर रहे हो तुमको उसमें एक्सपर्टाइज हो गया, इस तरीके से बेटा। सेविंग ऑफ द टाइम, हाँ एक इंसान सब करेगा तो फिर कैसा होगा, तो बांट दो टाइम तो समय भी, बांट दो काम को तो समय भी बचेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, कैश बुक की इन्फॉर्मेशन, बोले इधर आओ राजू, चलो बताओ, राजू इज एन अकाउंटेंट, वो अकाउंटेंट है तो उसको कैश बुक के वो मिनट, बोले राजू इधर आओ बताओ, राजू बताओ, बोले ओ इधर आओ तुम, उधर अमित इधर आओ, अमित को ले चलो इधर बताओ, सेल्स बुक तुम, सेल्स बुक तुम देखते हो, तुम उसकी इन्फॉर्मेशन। अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन भी आसानी से होती है, और फैसिलिटी इन चेकिंग ना, अब अपने को भी पता रहता है कि भाई किसका काम कैसा है, तो अगर एक ही इंसान, अगर सपोज यहाँ पे चार पांच इंसान मिलकर पूरी अकाउंटिंग मेंटेन करें, तो ये नहीं समझ में आता कि किससे गलती हुई, ढूंढना मुश्किल, गलती मिल गई लेकिन बोले नहीं मैंने नहीं इसका काम, तो उसने बोले नहीं इसका काम था, ऐसा ना। तो व्हेन यू डू द डिवीजन ऑफ वर्क, जब आप डिवीजन ऑफ वर्क करते हो हमको गलती ढूंढने में क्या होता है बेटा, आसानी जाती है, भाई तुमसे गलती हुई थी यहाँ, ये तो सेक्शन तुम देख रहे हो, तुमसे गलती हुई। ओके, उसके बाद अब यहाँ पे, अब उसके बाद आता है सेकेंड, यहाँ पे आता है बेटा डिस्कस द फॉलोइंग।
अब व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट, तो वो पूछता है बेटा कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट, प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब क्या होता है? देखो यहां पे, तो लेजर को हम कहते हैं प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट. तो लेजर इज नोन एज प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट एज इट प्रोवाइड्स फुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल द ट्रांजेक्शन पर्टिंग टू एन इंडिविजुअल अकाउंट. तो लेजर क्या कह रहा है आपको, लेजर आपको कह रहा है कि लेजर को हम किस नाम से बुलाते हैं बेटा, लेजर को हम लोग प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट के नाम से बुलाते. सो लेजर इज नोन एज द प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट एज इट प्रोवाइड्स व्हाट, फुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल द ट्रांजेक्शन. तो लेजर यहां पे प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट, तो किसको व्हाट डू मीन बाय प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट, लेजर इज नोन एज द प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट. तो लेजर आपकी प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट है और वो क्या करती है, आपको फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है. ठीक है, अब उसने पूछा आपको सेकेंड, व्हाट आर द रूल्स ऑफ पोस्टिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज इनटू द लेजर. तो जर्नल एंट्रीज क्या रूल्स है, उसने पूछा कि जर्नल एंट्री, ये तो आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके बेटा कि क्या रूल्स है आपके, रूल्स रिगार्डिंग पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज इन द लेजर. तो रूल्स क्या, आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, एक है आपका सेपरेट अकाउंट हम बनाते, सेपरेट अकाउंट आप बना रहे वहां पे, सेपरेट अकाउंट आप बनाते वहां पे कि सेपरेट अकाउंट बनाते बहुत सारे, और फिर वहां पर उसके बाद ये प्रैक्टिस होती है हमारी टू और बाय यूज करने की. जब भी आपको लेजर को डेबिट करते हो तो हम क्या करते हैं, जस्ट गिव मी वन मिनट, आई एम सॉरी. जब भी आपके लेजर को क्या करते हो बेटा, डेबिट करते हो तो वहां पे टू लिखते हो, क्रेडिट साइड में आप क्या लिखते हो बेटा, बाय लिखते हो. ये एक प्रैक्टिस है, इसके बारे में अभी मैंने आपसे बताया बेटा, ये एक प्रैक्टिस है. द कंसर्न अकाउंट डेबिटेड इन द जर्नल इज, हाँ यहाँ पे भाई लेजर में जो आपने लेजर जर्नल में बताया था किस अकाउंट को डेबिट करना, लेजर में आपने बताया किस अकाउंट को क्रेडिट करना है बेटा, तो वो आप यहाँ पे एक्चुअल में लेजर में उस अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करते हैं. ओके ओके डन, सिंपल थी तो इसमें कुछ नहीं. अच्छा, व्हाट इज पेटी कैश बुक एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस, पेटी कैश बुक क्या होती है, उसके कौन से दो एडवांटेजेस होते हैं बच्चों, पेटी कैश बुक क्या होता है और उसके कौन से दो एडवांटेजेस हमको बात करना है. व्हाट इज पेटी कैश बुक, मैंने कहा नहीं नहीं सर, इतना ज्यादा काम मुझे मत दो, इतना ज्यादा काम मुझे मत दो. सीनियर अकाउंटेंट कहता है चलो चलो चलो, कुछ छोटे अकाउंटेंट को भी हम इसका क्या करते बच्चों, काम देके जाते, छोटे अकाउंटेंट्स को भी क्या करते इसका काम देके जाते. सो इन ए बिजनेस हाउस, इन ए बिजनेस हाउस ए नंबर ऑफ स्मॉल पेमेंट सच एज टैक्सी फेयर कार्टेज एक्सेट्रा हैव टू बी मेड, इफ ऑल दीज पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक इट विल बिकम अननेसेसरीली हैवी, ऑल्सो द मेन कैशियर विल बी ओवरबर्डन. तो मेन कैशियर जो है वो तो ओवरबर्डन हो जाएगा क्योंकि छोटी छोटी पेमेंट्स है बहुत सारी. तो अपन ने क्या करे, एक काम छोटे अकाउंटेंट को दे दिए बेटा, छोटे अकाउंटेंट को दे दिए बेटा. ओके, देयरफॉर इट इज यूजुअल फॉर फर्म टू अपॉइंट ए पर्सन एज पेटी कैशियर. मैंने कहा आओ 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 बेटा आओ, मैंने कहा पेटी कैशियर इधर आओ, कैसे हो, मैंने कहा पेटी कैशियर इधर आओ, छोटे अकाउंटेंट है, छोटे कैशियर, उनको जिम्मेदारी दी गई है भैया, छोटे छोटे खर्चे तुम संभालो. So, therefore, it is usual for firm to appoint a person as petty cashier and to enter the task of making in small payment. उसको एक काम दिया गया कि वो क्या करे बच्चों, small payment करे, छोटी छोटी payments करे, of course, will be reimbursed for the payment. तो उसको बोलेंगे खर्चे करो, obviously, firm उसको पैसा देगा और उसको हम बाद में analyze करते बेटा और उसको, for example, you know it ना, petty cash book पढ़े ना regular batch में बच्चे, तो वो आपने वीडियो उसमें सॉरी वो आपने जो सारे जो होते आपके टैक्सी हो गया, जो छोटे छोटे खर्चे होते उसके कॉलम बन जाते, उसकी टोटल करते हो रिस्पेक्टिव अकाउंट में, फिर जाके अपन उसको डेबिट कर देते. ओके, अब एक सिस्टम होता है इंप्रेस सिस्टम, आपको पता ना इंप्रेस सिस्टम, अपन ने पेटी कैशबुक में ये रेगुलर बैच में पढ़े. व्हाट इज दिस इंप्रेस सिस्टम, इंप्रेस सिस्टम का मतलब ये होता है बेटे कि आपके जो इंप्रेस सिस्टम का मतलब ये होता है कि आपने सपोज एक बजट बना दी कि भाई मैं तेरे को महीने के 1000 रुपए दूंगा, उसने 600 रुपए खर्चा करा तो मैंने कहा और 600 फिर से ले ले, फिर 1000 रुपए वापस आ जा, फिर 800 खर्चा करा मैंने ले और 800 ले ले, फिर 1000 रुपए वापस आ जा. तो आप एक अमाउंट तय करते हो, उसको मेंटेन करते हो, जो खर्चा करा उसको वापस दे देते अपन, तो उत्ते पे वापस आ जाता है. ठीक है, तो इंप्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश इज फॉलो अंडर दिस सिस्टम, फिक्स सम, एक सम फिक्स कर देते. एग्जाम्पल हमारे केस में 1000 रुपए था, फिक्स सम ऑफ मनी इज गिवन टू पेटी कैश फॉर मीटिंग एक्सपेंस ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड. मैंने कहा हर हफ्ते में तुम 1000 रुपए दूंगा, तुम खर्चा करो, ये छोटे छोटे खर्चे तुमको करना है, उसके बाद का हिसाब किताब मैं तुमसे पूछूंगा, जो खर्चा करे वो फिर से दे दूंगा, फिर तुम्हारे पास पैसा आएगा, फिर छोटे मोटे खर्चे तुमने संभाल लेना. सो एडवांटेजेस ऑफ पेटी कैश बुक आर, एक तो ये सेविंग ऑफ टाइम हो जाता है चीफ कैशियर का, जो मेन कैशियर है उसका टाइम
बच जाता है। सेविंग इन लेबर इन राइटिंग ऑफ द कैश बुक इन पोस्ट। अब एक ही इंसान वो लेजर कैश बुक में लिख रहा है, फिर लेजर में लिख रहा है, समय बच जाता है उसका। कैशियर मतलब सेविंग ऑफ टाइम होता है, सेविंग ऑफ लेबर, काम भी कम होता है, एंड कंट्रोल ओवर द स्मॉल पेमेंट, कंट्रोल भी रहता है कि वो इंसान को जिम्मेदारी दिए, छोटे छोटे वो खर्चे संभालेंगे तो बराबर उस पर कंट्रोल भी रहता है, कुछ कम ज्यादा हो तो उससे हम पूछ सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे और वो हमसे कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस पूछा उसने, ट्रेड बिल और अकोमोडेशन बिल में क्या अंतर है। पढ़े ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में कि अपने को अब ये देखना है बेटा कि ट्रेड बिल में और अकोमोडेशन बिल में क्या डिफरेंस होता है, वो अपने को यहां पर डिस्कस करना है। अब देखो ध्यान से बाप मेरी बात सुनो, ट्रेड बिल और ये अकोमोडेशन बिल में क्या डिफरेंस होता है। ट्रेड अकोमोडेशन बिल जो होता है, ट्रेड बिल तो नॉर्मल होता है ना, जो बिजनेस में अपन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मैंने आपको गुड्स बेचा तो फिर मैंने आपको बिल ड्रॉ कर दिया, तो नॉर्मल जेन्युइन बिल भी कहते हैं इसको ट्रेड बिल। लेकिन अकोमोडेशन बिल जो होता है ना, वो आपने पढ़े बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर, वो वहां पे नॉर्मल वो आप बेसिकली अकोमोडेशन बिल इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस, उसके जरिए से आप फाइनेंस अरेंज करते हो कि वहां पे एक्चुअल परचेज और सेल नहीं हुआ बेटा, तो वो आपको फंड की जरूरत है, तो एक इंसान दूसरे पे बिल ड्रॉ करता है, वो जाके बैंक से डिस्काउंट करता है, पैसा आ जाता है और पैसे को खुद रख लेता है, वो शेयर कर लेते मैच्योरिटी डेट पे, फिर बैंक को हम पैसा दे देते, इज ऑल दैट वी आर अरेंजिंग द फंड इन केस ऑफ अकोमोडेशन बिल। बट ये द मोटिव बिहाइंड अ ट्रेड बिल इज नॉट द फाइनेंसिंग, या तो भाई अश्योरेंस सिक्योरिटी के लिए आप बोलते हैं कि मैंने आपको गुड्स बेचे लेकिन आप पे भरोसा नहीं तो मैंने आप पे बिल ड्रॉ कर। तो देखो डिफरेंस क्या क्या, देखो यहाँ पे ट्रेड बिल आर यूजुअली ड्रॉन टू फैसिलिटेट ट्रेड, हाँ सही बात है, तो भाई नॉर्मल फैसिलिटेट ट्रेड ट्रांसमिशन, दैट इज दीज बिल आर मीन टू फाइनेंस टू एक्चुअल परचेज, हाँ एक्चुअल परचेज और सेल्स पे होता है। ऑन द अदर हैंड ऑन अकोमोडेशन बिल इन विच वन इज ड्रॉन एक्सेप्टेड अंडर फॉर द पर्पज ऑफ अरेंजिंग वॉट, इट इज अ फाइनेंसिंग, पैसा अरेंज करने का तरीका होता है अकोमोडेशन बिल, पैसा अरेंज करने का तरीका होता है। नाउ सेकंड, ऑन डिस्काउंट ऑफ ए ट्रेड बिल, ट्रेड बिल मतलब नॉर्मल जेन्युइन बिल, फुल अमाउंट इज रिटेन्ड बाय द ड्रॉअर। ऑब्वियसली मैंने आप पे बिल ड्रॉ किया, सुनो सुनो मेरे, मैंने आप पे बिल ड्रॉ किया, अब आपने एक्सेप्ट करा, आपने मेरे को बिल दे दिया, मेरे पास मैं चाहूं तो मेरे पास वो बिल आ गया, मैं चाहूं तो डिस्काउंट करूं, एंडोर्स करूं, कलेक्शन के लिए भेजू, अपने पात्र को कुछ भी करूं, लेकिन अगर मैंने डिस्काउंट करा भी तो पैसा तो मैं ही रखूंगा ना, मैं ही रखूंगा बिल। लेकिन अगर मैंने इसको डिस्काउंट करा लिया, मैंने कहा अगर, लेकिन अगर मैंने इसको क्या करा बच्चों, मैंने इसको यहां पे डिस्काउंट कर लिया, तो अगर मैं इसको डिस्काउंट करा लेता हूं, अकोमोडेशन बिल में क्या होता है, हो सकता है मैं ही पैसा रखू, लेकिन आपने अकोमोडेशन बिल में अपन रेगुलर बैच में पढ़े कि हो सकता है अपन पैसा बांट ले, तुझे भी जरूरत मुझे भी जरूरत, चल मैं तुझ पे बिल ड्रॉ करता हूं आप एक्सेप्ट करो, मैं बैंक से जाके डिस्काउंट करता हूं, मेरे पास पैसा आता अपन बांट लेते, फिर जब मैच्योरिटी डेट आएंगी दोनों मिलकर पैसा दे देंगे बैंक, ठीक है, तो इसमें अपन पैसा बांटते भी अकोमोडेशन बिल, वो कह रहा है। अब यहां पे ऑन डिस्काउंट ऑफ अ बिल ट्रेड बिल फुल अमाउंट इज रिटेन्ड बाय द ड्रॉअर इन एन अकोमोडेशन बिल, अकोमोडेशन बिल में क्या होता है, हाउ अमाउंट मे बी शेयर, तो अकोमोडेशन बिल में उस अमाउंट को क्या हो सकता है, वो क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। नाउ ट्रेड बिल इज ड्रॉन फॉर सम कंसिडरेशन वाइल अकोमोडेशन इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड विदाउट एनी कंसिडरेशन, मतलब क्या हो बेटा, ट्रेड बिल में कंसिडरेशन है, अकोमोडेशन में विदाउट एनी कंसिडरेशन, का मतलब ये हो रहा है कि ट्रेड बिल में देर से परचेज एंड सेल, उसी के बाद अपन बिल ड्रॉ करें, लेकिन अकोमोडेशन बिल में कोई परचेज और सेल नहीं हुआ, कोई मेरे को लेना देना हिसाब किताब अपना नहीं था, लेन देन नहीं थी, वो तो मेरे को फंड्स की जरूरत थी तो मैंने बिल ड्रॉ करा, ओके, इसलिए कह रहा है विद कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन। नो ट्रेड बिल एक्ट एज एन एविडेंस ऑफ इंडेमनिटी व्हाइल अकोमोडेशन बिल एक्ट एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस, तो ट्रेड बिल एज एविडेंस है कि भाई मुझे किसी को पैसा देना था तो वो ट्रेड बिल आया, देना लेना जो भी था, अकोमोडेशन बिल में तो सोर्स ऑफ क्या है, फाइनेंस, वो एक ही बात कह रहा है, ठीक है। अब उसके बाद यहां पे In order to recover the debt, the drawer can initiate legal action as on a trade bill. सही बात है। अब trade bill में क्या हो रहा है कि मुझे आपसे पैसा लेना था, आपने पैसा मुझको दिए नहीं बेटा, तो मैं legal process शुरू कर सकता। But accommodation bill में कहता है, in accommodation bill, legal remedy for the recovery amount may not be available for the immediate party. सही बात है। अब इस खेल को समझो। अब क्या हो रहा है कि trade bill में recovery of debt के मैं legal action ले सकता हूँ। क्यों? अभी मैंने अपना genuine transaction मतलब purchase sale हुआ था। तो जेन्युइन उसके बाद बिल ड्रॉ करा गया था, तो उसके बाद फिर जेन्युइन ट्रांजैक्शन हुआ था बेटा यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे लीगल एक्शन ले सकता, आपने पैसे जो नोटिंग चार्जेस एंड ऑल दैट आता उसके आगे भी, उसके ऊपर भी थ्योरी बेटा। लेकिन अकोमोडेशन बिल में तो आपने पैसे अरेंज करने के लिए बिल ड्रॉ करा गया था, तो लीगल रेमेडी हो सकता है कि अवेलेबल इमीडिएट पार्टीज को
ना हो, कोई आपने थर्ड पार्टी को एंडोर्स एंडोर्स करे, उसको फिर डिफॉल्ट हो, उसको रिकवर नहीं हो पाई पैसे, तो वो एक अलग केस है। लेकिन वो तो आप, मगर ट्रेड बिल में यू कैन फाइल दैट केस, मैंने आपको सेल किया था, आपसे पैसा लेना था, तो मैंने बिल ड्रॉ किया, बिल वो वहां पे वो डिसऑनर हो गया। ओके, अब उसके बाद बेटा हम लोग यहां पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, जल्दी जल्दी जवाब देंगे। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज और कौन कौन सी पार्टीज उसमें इन्वॉल्व है बेटा। ओके, कौन कौन सी पार्टीज उसमें, तीन पार्टी, ड्रॉअर, ड्रॉई और पे। कितने लोग इन्वॉल्व है बेटा, ड्रॉअर, ड्रॉई और पे। कौन है ड्रॉअर, ड्रॉअर कौन है, जिसने बिल ड्रॉ किया है ना। जो आप, सपोज मैंने आप पे बिल ड्रॉ किया, आपको मुझे पैसे देना था, आपके लिए मैं क्रेडिटर था, तो मैं हो गया बेटा ये ड्रॉअर कौन हो, जिसने बिल ड्रॉ किया था, और आपके लिए मैं कौन हूं, क्रेडिटर। ड्रॉई कौन, आप हो जिसने बिल एक्सेप्ट किया, तो उस जिसने बिल, जिसको बिल आपने दिए ओके, और मुझे आपसे पैसा लेना था, तो आप मेरे लिए क्या हो गया बेटा, डेटर्स हो गए। पे कौन, जिसको ये पेमेंट दी गई, वो रिसीव द पेमेंट, वो पे ही हुआ, जिसको आपने पेमेंट दिए वो कौन हो गया, पे हो गया। ड्रॉअर कैन ऑल्सो बी द पे। ओके, यू नो इट व्हाट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। व्हाट इज अनकंडीशनल ऑर्डर, अनकंडीशनल ऑर्डर का आप ये नहीं कह सकते नहीं 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 बारिश हुई तो पैसा दूंगा, प्रॉफिट हुआ तो पैसा दूंगा, ऐसा। एक तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक भाई अनकंडीशनल ऑर्डर है, उसमें कोई कंडीशन आप नहीं डाल सकते। अनकंडीशनल ऑर्डर साइन बाय द मेकर डायरेक्टिंग ए सर्टेन पर्सन टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी टू और टू द ऑर्डर ऑफ द सर्टेन पर्सन और टू द बेयर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट व्हेन सच एन ऑर्डर इज एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉई ऑन द फेस ऑफ द ऑर्डर इटसेल्फ इट बिकम्स अ वैलिड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। वो क्या बन जाता है बेटा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की मीनिंग लिखिए, और कौन कौन सी पार्टीज होती, तीन, ड्रॉअर, ड्रॉई और पे होता है। ओके, जब आप पेपर देने जाएंगे ना अभी दो दिन बाद, या जब भी आपका पेपर है, तो 91 मार्क्स से तो अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है इंक्लूडिंग ट्रू और फॉल्स पे, और 9 नंबर की थ्योरी सॉल्व करना है। अगर आपने वो 91 में से बेटा अगर आपने 80 पार कर गए, 75 or 80 पार कर गए, इन 9 में से आपने थ्योरी में से 9 में से 9 भी मिल सकते, लेकिन मुश्किल होता है थोड़ा सा, ठीक है। या आपने क्वेश्चन नंबर 6 को स्किप करे ऑप्शन में और 4 नंबर की थ्योरी अटेम्प्ट करे तो भी ये भी बेहतर है, और आपको बेटा वहां पे आपने थ्योरी में भी अच्छे नंबर ला रहे, तो यू कैन स्कोर 85-90 प्लस इन अकाउंट। जब मैं स्टूडेंट था तो उस वक्त सोचना बड़ा मुश्किल होता था कि इतने नंबर थ्योरी में कैसे आ जाएंगे, इतने नंबर थ्योरी में कैसे आ जाएंगे करके, मतलब इतने नंबर अकाउंट्स पेपर में ही कैसे आ जाएंगे, सोचना बड़ा मुश्किल। लेकिन मुझे आप रियलाइज होता है जब मैं टीचिंग शुरू किया था, मेरे को रियलाइज तो बड़ा आसान है, इसमें तो कुछ नहीं, बच्चे ला भी रहे, बच्चे स्कोर भी कर रहे 90 प्लस अकाउंट्स में, तो आप भी कर सकते हो। ओके, अब हम लोग शुरू आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज दिस नोटिंग चार्जेस बेटा, नोटिंग चार्जेस का मतलब क्या होता है, ध्यान से, बस थोड़ी देर और फिर हमारा सेशन खत्म हो जाएगा, डोंट वरी। व्हाट इज दिस नोटिंग चार्जेस बेटा, नोटिंग चार्जेस का मतलब ये होता है कि भाई साहब मैंने आप पे बिल ड्रॉ किया था, आपने अगर डिफॉल्ट कर दिए तो हम जा गए नोटिंग चार्जेस, आप कोर्ट गए, उसको नोटरी पब्लिक भी कहते, उसको अपन ने बोले कि भाई ये बिल मैंने ड्रॉ किया था, आप जरा पूछो भाई साहब पैसे दे रहे, आप ए हो मैं बी हूं, मैंने बोला पूछो आप ए पैसे दे, ए ने पैसे दे दिया तो बड़ी अच्छी बात है, वो मेरे को दे देंगे, लेकिन ए ने पैसे नहीं दिया तो रीजन लिखते कि हाँ ये डिसऑनर हुआ, और मेरे पास प्रूफ रहता है कि ये डिसऑनर हुआ, तो उसके लिए मैं उनको कुछ पैसा देता हूं, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उसको नोटिंग चार्जेस कहते हैं। ओके, अब ध्यान से, it is necessary that the fact of dishonor and the causes of dishonor should be established. If there is a fear of dishonor, the bill will be given to the public officer known as notary public. Notary public. These officials present the bills for payment, and if the money is received, they will hand over to the original party. But if the bill is dishonor, they will note that fact of dishonor, reason for given, and give back the bill to their client. For this service, they are charged small fee. That small fee is known as noting charges. The amount of noting charges recoverable from the party will be responsible. Okay. अब ध्यान से, अब क्या हुआ कि noting, जब वो small payment वो charge करते, उसको हम noting charges कहते, और ultimately अपने किससे recover करते, एक party से recover करते, कौन सी party से recover करते, जो drawee है, उसकी वजह से ये bill dishonor हुआ है, उससे हम ये recover करते हैं बच्चों। Okay. अब यहां ध्यान से बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रिटायरमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, व्हाट इज दिस रिटायरमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्या रिटायरमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वो चीज है बेटा यहाँ पे, कि यहाँ पे मैंने कहा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में मैं कहता हूं आपसे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में कहता हूं मैं आपसे,
कि मैंने आपसे कहा कि सुनो सुनो सुनो, मैच्योरिटी डेट है 3 महीने बाद और आपके पास उसके पहले ही पैसा आ गया, मैच्योरिटी डेट है 3 महीने बाद, मैंने कहा सर ये है, ओके ये रही मैच्योरिटी डेट, यहां पर है मैच्योरिटी डेट बेटा, और मेरे पास यहीं पे पैसा आ गया, तो आप मेरे पास है जुबैर सर, जुबैर सर ये लो पैसा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। मैंने कहा अभी क्यों आ गए आप, यहीं पर आ गए। मैंने कहा भाई साहब मैच्योरिटी डेट तो यहां पर है ना, मैच्योरिटी डेट तो यहां पर है ना, आप यहां पे क्यों आ गए बेटा, आप पहले क्यों आके पैसा दे रहे। आप बोले सर हमारे पास पैसा है, हम मैच्योरिटी डेट से पहले ही पैसा आपको देना चाहते। मैंने कहा अरे बड़ी अच्छी बात है, लाओ दे दो आप देना चाहते, इसमें कौन सी बुरी बात है, पैसा दे दो। लेकिन बोले आप सर हम भी चालाक हैं, आपको मैच्योरिटी डेट के पहले पैसा दे रहे ना, तो हमें कुछ रिबेट कुछ डिस्काउंट, और बेसिकली वो इंटरेस्ट हो रहा है कि आप पहले पैसा दे रहे हो तो आप रिबेट दो कुछ डिस्काउंट दो बेटा, तो आपको कुछ कम अमाउंट दे, सपोज मेरे को 10,000 लेना तो आप मेरे को 500 रुपए काट के दे रहे हो, सपोज मुझे आपसे 10,000 रुपए लेना तो मैं आपसे क्या कर रहा हूं 500 रुपए काट के ले रहा हूं बेटा, ठीक है। तो 500 रुपए मैं आपसे डिडक्ट कर लिया और मैंने कहा कि चलो 500 रुपए आप मुझे काट के पैसा दे दो बेटा, समझ में आई चीज आपको, तो दैट इज रिटायरमेंट ऑफ बिल। तो मैं पढ़ता हूं यहां पे, सो समटाइम द एक्सेप्टर ऑफ अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज हैज स्पेयर फंड्स, पैसा ही पैसा है स्पेयर फंड्स बेटा, मच बिफोर द मैच्योरिटी डेट, मैच्योरिटी डेट के पहले, तो बिल्स ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय हिम, ही मे देयरफॉर डिजायर टू पे द बिल बिफोर द ड्यू डेट, वो चाहता है कि बिफोर द ड्यू डेट पैसा दे दे। इन सच ए सर्कमस्टेंस द एक्सेप्टेशन आस्क द पे और द होल्डर ऑफ द बिल टू एक्सेप्ट कैश बिफोर द मैच्योरिटी डेट, इफ द पे एग्रीज द एक्सेप्टर मे बी अलाउ ए रिबेट डिस्काउंट। हाँ अब आप पहले मुझे पैसा दे रहे हो तो आप क्या मांगोगे बच्चों, आप मांगोगे कि मुझसे कुछ डिस्काउंट मिले, कुछ रिबेट मिले बच्चे, और उसके बाद ऑन सच अर्ली पेमेंट दिस रिबेट इज जनरली द इंटरेस्ट ऑफ टू एट एन अग्रीड रेट फॉर द पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ पेमेंट एंड द डेट ऑफ मैच्योरिटी, डेट ऑफ पेमेंट एंड डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी डेट के पहले इस जो है ना, ये सपोज यहां पर मैं आपसे कहता हूं, यहां पे मैं आपसे कहता हूं कि ये मैच्योरिटी डेट थी, आपने पेमेंट यहां पे करी, तो जितने पहले करे उसके ऊपर यहां पे वो क्या कैलकुलेट करेगा बच्चों, इंटरेस्ट कैलकुलेट करता, वो ये कह रहा है आपसे, ओके। अब उसके बाद आगे कहता है द इंटरेस्ट रिबेट और डिस्काउंट बिकम द इनकम ऑफ द एक्सेप्टर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, मेरे लिए तो ये इनकम हो गई ना बेटा, सॉरी आपके लिए, आपने जो बिल एक्सेप्ट किए थे आप 10,000 के बदले में 9,500 पे कर रहे हो, तो आपके लिए तो बेटा इनकम हो गई, 500 रुपए कम पे करना पड़ रहा है, और मेरे लिए क्या हो गया बच्चों, ये मेरे लिए एक्सपेंस होगा, मेरे लिए पे के लिए क्या हो गया बेटा, ये एक्सपेंसेस हो गया, किसके लिए, ये पे के लिए हो गया बच्चों, एक्सपेंस हो गया, ओके। सो या इट इज कंसिडरेशन फॉर प्री मैच्योर पेमेंट व्हेन बिल इज पेड बिफोर द ड्यू डेट, इट इज सेट टू बी द रिटेन अंडर रिटायर्ड अंडर रिबेट। सबको समझ में रिटायरमेंट ऑफ बिल क्या है, थ्योरी ऐसे आपको लिख के आना रहेगा, ओके। अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ, अब ज्यादा देर नहीं, हाफ एन आवर में लेक्चर खत्म हो जाएगा, बस ध्यान से बाप मेरी बात सुनते जाओ। राइट शॉर्ट, ये कहते हैं राइट शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेट बैंक टू इंडस्ट्रियल यूनियन। अब देखो ये थोड़ी कहानी टाइप की, अब ध्यान से बाप मेरी बात समझना बेटा। तो ये क्या है कि भाई बीआरएस के क्या इंपॉर्टेंस है कोई इंडस्ट्री के लिए, बहुत इंपॉर्टेंस। अब आप देखो जब बैंक रिकंसिलिएशन कोई जब बनता है तो हमको बहुत सी चीजों में, देखो आप बैंक में जाके ट्रांजेक्शन करते हुए एक अलग चीज है कि हमारे एक सर्टेन लिमिट के ऊपर, आप इनकम टैक्स में भी पढ़ोगे सी इंटरमीडिएट में, एक सर्टेन लिमिट के ऊपर बैंक से ही हमको ट्रांजेक्शन करना होता है, उस लिमिट के ऊपर आप कैश में ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। आप सी इंटर में पढ़ोगे कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हो तो आपको बैंक से ही ट्रांजेक्शन करना है, कैश में नहीं कर सकते, तो वो हम लोगों की एक लिमिट तय करी गई, तो बैंक से ही जाना है, हमारा कंट्रोल भी होता है, जिसके बहुत से इंपॉर्टेंस होते हैं कि बीआरएस बनाना जरूरी है कि हम में और बैंक में, कैश बुक में और पासबुक में डिफरेंस क्यों आ रहा है। सो यहां पे देखेंगे बेटा, देखो यहां पे बैंक आर इसेंशियल, ये ना एग्जाम में नहीं है, या आरटीपी में ही पूछ रहा है, तो एक आध कोई भी अटेम्प्ट में चिपका देंगे 4 नंबर के लिए इसको, तो थोड़ा ध्यान से बेटा। बैंक आर इसेंशियल टू मॉडर्न सोसाइटी बट द एन इंडस्ट्रियल यूनिट बट फॉर इंडस्ट्री इट सर्व एज ए नेसेसरी इंस्ट्रूमेंट इन द कमर्शियल वर्ल्ड। सही बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस आर डन थ्रू द बैंक। सही बात है, मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन जो होते वो किसके थ्रू होते, बैंक के थ्रू होते, वेदर इट इज अ रिसिप्ट और पेमेंट, फिर चाहे पैसा आए या पैसा जाए,
किसके थ्रू हो रहे बेटे ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन जो रहे हो बैंक के थ्रू ही हो रहे हैं। ओके, नाउ रेदर इट इज लीगली नेसेसरी टू ऑपरेट द ट्रांजेक्शन थ्रू ए बैंक आफ्टर द सर्टेन लिमिट। इनफैक्ट देखो मैंने अब भी आपसे कहा कि आपको जरूरी होगा कि सर्टेन लिमिट के ऊपर कुछ अमाउंट के ऊपर जो ट्रांजेक्शन है बेटा वो आपको बैंक के थ्रू ही करना होता है। इनकम टैक्स एक्ट भी कहता है अदरवाइज पेनाल्टी लगती है इनकम टैक्स एक्ट में। All the transactions which have been operated through bank, if not verified properly, the industrial unit may not be sure about the liquidity position. ये भी बात सही है। अगर आप सही तरीके से चेक नहीं करोगे तो हमको liquidity position कैसे पता चलेगी? What is liquidity position? कि भाई पैसा कितना हमारे पास है, कितना पैसा लोगों से शॉर्ट टर्म में लेना है, किसको कितना पैसा देना है, तो अपने को कैसे पता चलेगा? आप प्रॉपर अकाउंट नहीं करोगे तो बैंक में कितना है ना, कितना पैसा जमा है हमारा। Now there may be अब देखो ऐसा होता है, there may be some check which have been issued but not presented for payment, as well as there has some deposit which have been deposited in the bank but not collected or credited so far। अब ये वही पॉइंट है जो BRS में पढ़ा आपने। ऐसा भी तो हो सकता है मैंने चेक इश्यू करा क्या लेकिन बैंक में प्रेजेंट नहीं करा गया, और ऐसा भी हो सकता है कि मैंने बैंक में चेक जमा कराया लेकिन अभी तक मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आया। तो इट मे हैपन कि आपने सब BRS में पढ़े रेगुलर बैच में, तो चेक इश्यू करे लेकिन बैंक में प्रेजेंट नहीं करा गया, चेक को जमा करा दिया लेकिन बैंक में पैसा नहीं आया। तो भाई हमको तो BRS बनाना जरूरी है ना, क्योंकि कैशबुक में और पासबुक में डिफरेंस आ रहा है। तो ये जब कैशबुक में और पासबुक में जब डिफरेंस आ रहा है बेटे, तो कैशबुक में और पासबुक में जब डिफरेंस आ रहा है तो हमारे लिए तो जरूरी हो गया कि उसको हम लोग रिकॉर्ड करें कि क्यों डिफरेंस आ रहा है। तभी तो मेरे को लिक्विडिटी पोजिशन भी पता चलता है कि बैंक में मेरे कितना पैसा एक्चुअल में, कैशबुक कुछ और कह रही। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ कैश चेक इशू करा, कुछ मैंने चेक डिपॉजिट करा बेटे। जब कुछ चेक इशू करा, कुछ चेक मैंने डिपॉजिट करा यहाँ पे, तो हो सकता है बैंक में अभी तक के उसका इफेक्ट नहीं आया। तो वो डिफरेंसेस पता लगाने मदद करता है, क्या पोजीशन है एक्चुअल हमको मदद करता है। सम एक्सपेंसेस माइट हैव बीन डेबिटेड, ऐसा भी डेबिटेड और बिल माइट हैव बीन डिसऑनर, इट मे नॉट नोन टू द इंडस्ट्री इन टाइम, इट मे लीड टू रॉन्ग कंक्लूजन। हो सकता है कि कभी कभी कुछ अमाउंट बैंक डेबिट कर देता है, फॉर एग्जाम्पल बैंक चार्जेस कुछ लगा देता है, ये कुछ हमको हमने उसको रिकॉर्ड ही नहीं करे। तो भाई हमको तो ये पता रहना जरूरी है ना, तो हम BRS बनाते हैं, हमको पूरी क्लियर पिक्चर होती है कि हमें आई मीन टू से कैशबुक में और पासबुक में डिफरेंस क्या है, कैशबुक में और पासबुक में डिफरेंस क्या है, जब हमको क्या होता है बेटा पता चलता है। ओके, तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। नाउ द एरर्स कहां, देखो वही चीज बोल रहा है, द एरर्स कमिटेड बाय द बैंक मे नॉट नोन विदाउट प्रिपेयरिंग द BRS। अब बैंक ने कुछ एरर कर दिया, एरर कमिटेड किसने किया, हाँ बाय द बैंक है ना, सम चेक्स इशू वाला था, ये चेक डिपॉजिट वाला है ये पॉइंट, तो बैंक ने कोई एरर कर दिया तो BRS तो बनाना पड़ेगा, तभी तो अंतर पता चलेगा। सो प्रिपेरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन प्रिवेंट द चांस ऑफ एम्बेजलमेंट, मतलब चोरी होना। हेंस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज नेसेसरी फॉर इंडस्ट्रियल यूनिट, मतलब बिजनेस यूनिट के बारे में बात कर रहा हूँ। इट प्ले द की रोल इन द लिक्विडिटी कंट्रोल ऑफ द इंडस्ट्री, समझ में आया बच्चों? तो हमको जब कंट्रोल पता चलता है कि हमारे पास कंट्रोल रहता है कि क्या पोजीशन हमारी लिक्विडिटी, तो कैशबुक में और पासबुक में डिफरेंस आ रहा है लेकिन डिफरेंस क्यों आ रहा है, वी वांट टू नो द एक्चुअल फिगर्स, तो इसीलिए हम BRS बनाते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन कभी आ गया उठपटांग सा तो आपको लिखना आना चाहिए कि भाई इंडस्ट्रियल में इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सारे ट्रांजेक्शन हमारे जनरली बैंक से ही होते हैं क्योंकि सर्टेन लिमिट है, इनकम टैक्स एक्ट में भी उसके ऊपर बैंक से हमको ट्रांजेक्शन करना होता है। ऐसा भी हो सकता है कि हम बैंक ने रिकॉर्ड किया, हमने नहीं रिकॉर्ड करे, चारों रीजन लिख देना, हमने रिकॉर्ड करे बैंक ने नहीं करा, ये बैंक ने एरर कर दिया, ये हमने एरर कर दिए, तो इसको रिकंसाइल करना जरूरी है ताकि हमको एक्चुअल लिक्विडिटी पोजीशन पता चले कि हमारे बैंक में एक्चुअल में कितना पैसा है। ओके, अब आते हैं हम लोग, नेक्स्ट इज रिलेटेड टू कंसाइनमेंट, ओवर राइडिंग कमीशन। व्हाट इज दिस ओवर राइडिंग कमीशन बेटा? वी ऑल नो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कमीशन। फर्स्टली द नॉर्मल कमीशन, जो नॉर्मल कमीशन हम देते, सेकेंड कौन सा, पहला आपका है नॉर्मल कमीशन, एक आपका है। सेकेंड आपका कौन सा कमीशन है बच्चों? पहला है आपका नॉर्मल कमीशन, सेकेंड आप लोगों का है ओवर राइडिंग कमीशन। मतलब एक सर्टेन लिमिट के ऊपर अगर आपने बेचे, कोई सेल वैल्यू तय करा कि उसके ऊपर अगर आपने बेचे तो विल गिव एक्स्ट्रा कमीशन। तो बेसिकली वी मोटिवेट टू कंसाइनी कि भाई देख मैं तेको और कमीशन दूंगा तो इसके ऊपर कीमत में बेच, फायदा मेरा भी होगा ना, ज्यादा कीमत में बिकेगा, मैं कंसाइनर हूं तो फायदा तो मेरा भी होगा बेटे। तो इस लिमिट के ऊपर यहां पर बेचो, तो अपन उसको बोलते भी कि इस लिमिट के ऊपर तुम बेचो तो उसके पे हमें एक्स्ट्रा कमीशन, दैट इज ओवरराइडिंग। व्हाट इज डेल क्रेडिटर कमीशन? यू नो इट कि मैं डेल क्रेडिटर कमीशन क्या होता है कि वो जो बैड डेब्ट हुआ तो मैंने अगर तुमको डेल क्रेडिटर कमीशन दिया तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं,
फिर आप देखते रहना, आप देखो, आप बैर करोगे अगर मैंने कैलकुलेटर कमीशन दिया हूं तो। व्हाट इज ओवरराइडिंग कमीशन? तो ध्यान से बेटा, ओवरराइडिंग कमीशन क्या है? इन द केस ऑफ ए कंसाइनमेंट अकाउंट द कंसाइनर पेज ए कमीशन टू द कंसाइनी इन कंसिडरेशन ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड बाय ए लेटर फॉर सेलिंग द गुड्स। ठीक है, कंसाइन। दिस कमीशन मे बी आइदर नॉर्मल कमीशन, वो हो सकता है कौन सा कमीशन हो बच्चों, एक नॉर्मल कमीशन हो एंड और स्पेशल कमीशन। स्पेशल कमीशन अगेन, द स्पेशल कमीशन मे बी अ डेलीग्रेटर कमीशन और ओवरराइडिंग कमीशन। तो व्हाट इज दिस ओवरराइडिंग कमीशन? ओवरराइडिंग कमीशन इज एन एक्स्ट्रा कमीशन अलाउड टू द कंसाइनी इन एडिशन टू द नॉर्मल कमीशन। नॉर्मल कमीशन तो अपन देते ही देते, उसके अलावा नॉर्मल कमीशन तो बेटे हम लोग देते ही देते, सो नॉर्मल कमीशन तो हम देते ही है, उसके अलावा की मैं बात कर रहा हूं, उसके अलावा की। नॉर्मल कमीशन तो हम देते, उसके अलावा जो हमको कमीशन दे रहे हैं दैट इज ओवरराइडिंग कमीशन। सो सच एडिशनल कमीशन इज जनरली अलाउड यू टू प्रोवाइड एडिशनल इंसेंटिव। अब उसको अपन मोटिवेट करते हैं, देखो देखो हम एडिशनल इंसेंटिव देंगे तुमको, तुम्हारा ही फायदा है, एडिशनल कमीशन मिलेगा, ज्यादा इसको बेचो। सो टू प्रोवाइड एडिशनल इंसेंटिव टू द कंसाइनी फॉर द पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एंड क्रिएटिंग ए मार्केट ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट। कोई नया प्रोडक्ट लेकर आया अपन ने मार्केट में, उसको बेचना है, तो मैं कहता हूं एजेंट को, सुनो तो मैं तुमको ज्यादा कमीशन दूंगा, तुम बिका के दो इस प्रोडक्ट को मार्केट में। ओके, उसके बाद यहां पे टू प्रोवाइड इंसेंटिव सुपरवाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अदर एजेंट इन ए पर्टिकुलर एरिया। अभी क्या होता है कि अपने को यह भी देखना था कौन सा एजेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है। मैं उसको बोलता, देख भाई मेरे पास 10 एजेंट है 10 अलग अलग एरिया पे, मैंने कहा मैं तुम सबको एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा, तुम अपना बेस्ट दो, तुम बेस्ट दो, इतना बेच के दो, मैं तुमको एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा। तो अपन सुपरवाइज भी करते, अपने को पता भी चलता है कि कौन सा एजेंट कैसा परफॉर्म कर, उनको भी मोटिवेशन मिलता है ना यार, एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा तो वो भी अच्छे से परफॉर्म करेंगे, तो अच्छे से परफॉर्म करेंगे अब उनको कमीशन तो देंगे, लेकिन अपने को पता चले, सुपरवाइज कर पाते कि कौन सा एजेंट कौन सा कंसाइनी कैसा परफॉर्म कर रहा है। देन टू प्रोवाइड इंसेंटिव फॉर एंश्योरिंग व्हाट? एंश्योरिंग दैट द गुड्स आर सोल्ड बाय द कंसाइनी एट द हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस। अब सर आप इसको सोचो, हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस, ये देखो एक हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस, इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? सपोज आप कंसाइनी हो, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, आई नो आप कंसाइनी नहीं हो, समझ, मैं कहता हूं कि देखो मैं तुमको 10% एक्स्ट्रा कमीशन देता हूं इस कीमत पे, जितने ज्यादा कीमत पे बेचूंगे उतना ज्यादा कमीशन तुमको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो आप तो पूरी ताकत लगा दोगे ना ज्यादा कीमत पे बेचने की, आप तो पूरी ताकत लगा दोगे, आप तो पूरी ताकत लगा दोगे उसको ज्यादा कीमत पे मार्केट में बेचने की। क्यों पूरी ताकत लगा दोगे बेटा ज्यादा कीमत पे मार्केट में बेचने की? आप इसीलिए ताकत लगा दोगे ज्यादा कीमत पे मार्केट बेचने की क्योंकि आपको ज्यादा कमीशन मिलेगा। तो एज ए कंसाइनर मेरे को ये पता जरूर चलेगा कि मैक्सिमम ये प्रोडक्ट मार्केट में कितने में बिक सकता है, उससे ज्यादा कीमत पे नहीं बिकेगा, तो मैक्सिमम मार्केट में ये कितने कीमत पे बिक सकता है वो मुझे पता चलेगा। क्यों पता चलेगा मार्केट में मैक्सिमम कितने कीमत पे बिक सकता है? क्यों? क्योंकि आपको तो मैंने कमीशन एक्स्ट्रा दे रहा हूं, आप तो पूरी ताकत लगा दोगे, पूरी कोशिश करोगे कि मार्केट में ज्यादा से ज्यादा कीमत में प्रोडक्ट बिके। जब आप पूरी ताकत पूरी कोशिश करोगे कि मार्केट में ज्यादा से ज्यादा कीमत पे प्रोडक्ट बिके बेटा, तो उस पे मैं आपको कमीशन, तो मुझे ये भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि किस कीमत पे मार्केट में बिकेगा। ओके, मैक्सिमम किस कीमत, ठीक है। अब उसके बाद उसने डेप्रिसिएशन पे भी आरटीपी में बहुत बार पूछा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ये आरटीपी में उसने अलग अलग अटेम्प्ट की पूछा कि मशीन आर मेथड क्या होती है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं व्हाट इज मशीन आर मेथड, और ये आपको पता भी है, उसमें कुछ ऐसा नया नहीं बेटा। व्हाट इज दिस मशीन आर मेथड, क्या चीज होती है? ध्यान से बाप मेरी बात सुने, बस थोड़ी देर, 15-20 मिनट और बस, ठीक है। व्हाट इज दिस मशीन आर मेथड? तो देखो जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की बच्चे अलग अलग मेथड्स होती है। मेथड्स आपको पता है कि हम लोग WDV मेथड से करते, SLM मेथड से करते, उसमें अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अपन फाइंड आउट करते, लेकिन कई और मेथड्स भी होते, उसमें एक होती है आपकी मशीन आर मेथड। एक्चुअली कभी कभार ऐसा होता है कि कोई एसेट की लाइफ जो है एक्चुअल में नंबर ऑफ ईयर्स में नहीं है। मैंने कहा कि इसकी जिंदगी कितनी, कोई एसेट अपन उसकी नंबर ऑफ ईयर्स में नहीं कह पा रहे। आपने वो मशीन का नेचर कुछ इस तरीके से है कि वो उसकी लाइफ जो है वो ईयर्स में नहीं है, आर्स में है, मतलब इतने घंटे चलेंगी, बस इतनी लाइफ है उसकी, 50,000 घंटे चलेगी वो, चाहे आप कितने भी साल में यूज करो 50,000 घंटे चलेंगी, उससे ज्यादा वो नहीं चलेगी, दैट इज मच। तो अपन क्या करते हैं, अपन रेट पर आर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते। तो आरली डेप्रिसिएशन मैं बोल सकता हूं ना कि डेप्रिसिएशन पर आर
मैं कहता हूं डेप्रिसिएशन पर आर इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ मशीनरी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आर, टोटल नंबर ऑफ आर, तो ये आ जाएगा आपका जो भी एक्स वाई जेड यहां पर आएगा, तो ये आपका आ गया बेटा डेप्रिसिएशन पर आर, डेप्रिसिएशन पर आर। और आपने जितने भी घंटे उस साल उस एसेट को यूज करे, जितने भी आर्स आपने उस एसेट को उस साल यूज करे बेटा, उस एसेट को उस साल यूज करे, उससे ये डेप्रिसिएशन पर आर को मल्टीप्लाई कर दो तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आपका आ जाएगा। तो दिस मशीन आर मात्रा। तो देखो क्या कह रहा आपसे, सो वेयर इट इज प्रैक्टिकल टू कीप ए रिकॉर्ड ऑफ एक्चुअल रनिंग आवर्स ऑफ ईच मशीन, डेप्रिसिएशन मे बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स दैट आर कंसर्न, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स दैट द कंसर्न मशीनरी वर्क अंडर मशीन आर रेट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। लाइफ ऑफ द मशीनरी इज नॉट एस्टिमेटेड इन ईयर्स बट इन आवर्स। अब भी बोला लाइफ जो इसकी ईयर्स में नहीं कैलकुलेट करते, किस में कैलकुलेट करते बेटा, इन आवर्स में कैलकुलेट करते। दस डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड आफ्टर एस्टिमेटिंग द टोटल नंबर ऑफ आवर्स। सो टोटल नंबर ऑफ आवर्स उसके हम लेते हैं, दैट मशीन वुड बी वर्क ड्यूरिंग इट्स होल लाइफ। However, it may be varied from time to time on a consideration of the changes in the economic and technological concerns. हाँ, ये हो सकता है कि their number of hours may be change. हमको पहले लगा था 10,000 घंटे, 50,000 घंटे चले, तो बाद में लगा नहीं 40,000 ही चलेंगे। So that may happen. जैसे life change हो सकती है, वैसे number of hours भी change हो सकते हैं। So to ensure that the amount provided for depreciation correspondent to that be considered appropriate in the change circumstances. Proper records are maintained for running hours of the machine and depreciation is computed accordingly. For example, the cost of a machine is how much? 10 lakh. Machine ki cost kitni? 10 lakh rupay. To aapne yahan pe 10 lakh rupay cost likh diya uski. 10 lakh rupay cost likhe. And the life uski kitni? 50,000 hours. To 10 lakh divided by 50,000 karo to rupees 20 per hour aa gaya. Per hour. The number of hour aapne jitne bhi us saal use kare, उसको रुपीज 20 से क्या कर देंगे बेटा अपन, मल्टीप्लाई। तो आपने 2000 घंटे यूज करे तो 20 को उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 2000 आवर्स इस साल यूज करके 20 से मल्टीप्लाई करो तो वो 40,000 रुपए। तो इस तरीके से आप कैलकुलेटिक्स में करते हो। ओके, तो हो सकता है, देखो ये जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूं इसमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, तो अपने को बहुत अच्छे से तैयारी करके जाना है और ये अटेम्प्ट पास करना ही है, करना मतलब करना ही है। पॉजिटिव माइंडसेट से जाना एग्जामिनेशन के, जाने के पहले बहुत ही एकदम डर सा लगता है कि क्या होगा, करेंगे नहीं करेंगे, पेपर कैसा आएगा, और लोग फंडे आते हैं ना, ये अटेम्प्ट का सूत्रों से खबर मिली है, सूत्रों से खबर मिली है मेरे, ऐसा लोग कहते, मैं नहीं कह रहा, समझा रहा हूं आपको, सूत्रों से खबर मिली है मेरे कि इस अटेम्प्ट का पेपर बहुत डिफिकल्ट आने वाला है, तो बच्चों अगर पास होना है तो जाग जाओ, ऐसा कुछ होता नहीं, किसी को कोई सोर्स ऐसी कोई खबरें नहीं मिलती पेपर डिफिकल्ट होगा पेपर आसान होगा, ऐसे मत करा करो प्लीज, ऐसे थंबनेल भी देखते हो ना मत क्लिक करके अपना टाइम वेस्ट करा करो, तब टाइम पास रहता हो, अपने को कंटेंट पे ध्यान देना है, कंटेंट पे ध्यान। हाँ, घबराहट होती है पेपर के पहले, ये क्या है, सूत्रों से खबर मिली है कि पेपर डिफिकल्ट आएगा, है ना, पास होना है तो जाग जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, क्या कर रहे हो ये, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, किसी को कोई खबर अबर किसी को नहीं पता चलती, ये सब फालतू की बातें रहती, हमको पता चला है हमारी खबरों हमारे सोर्सेस, अरे काय के सोर्सेस, किसी के सोर्स नहीं चलते यहाँ पे इंस्टीट्यूट के सामने, तो सब फालतू की बातें रहती हो, अपन ने फोकस करना कंटेंट, अपने आप पे भरोसा रखना, पॉजिटिव माइंडसेट रखना, और अच्छे से जाना। मैं सच कह रहा हूँ, मैं तो मेरा एक्सपीरियंस बता रहा, मैंने जब से सीए फाउंडेशन, पहले सीपीटीवी पढ़ाता था, जब से पढ़ा मैंने अपनी लाइफ में कभी ये नहीं सुना कि जो रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स हैं, जो रेगुलर बैच के जो स्टूडेंट्स हैं, मैंने अपनी लाइफ में कभी ये नहीं सुना कि रेगुलर बैच के स्टूडेंट पेपर दिए बाद आके मुझसे ये कह रहा है कि सर आपने जो पढ़ाए थे बुक के बाहर कुछ आया, मैंने आज तक नहीं सुना। जो आएगा रेगुलर बैच की बुक से ही आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मेरा एक्सपीरियंस क्या है, उसी से सारी चीजें आती है, तो रेगुलर बैच की बुक से ही आती है, उसमें हर चीज कवर, इंस्टीट्यूट के मटेरियल के क्वेश्चन, आरटीपी, मॉक टेस्ट पेपर, दूसरे एडवांस क्वेश्चन इतने करते, उसके बाहर कुछ नहीं आने वाला, इस चीज का आप समझ लो, उसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला बेटा। ओके, तो इतना ख्याल रखना, भरोसा रखना अपने ऊपर, और क्यों नहीं करोगे, अपने ऊपर बस भरोसा रखना कि भाई नहीं अपन कर लेंगे चीजों को, और डिफिकल्ट अपने आप भी गए, चारों में से कोई एक पेपर डिफिकल्ट आएगा भी,
तो अपने लिए डिफिकल्ट है ऐसा तो नहीं, स्टूडेंट स्पेसिफिकली बोला वो अभी बताते तेरे को, तेरे लिए सबके लिए डिफिकल्ट है, ऐसा तो नहीं कि अपने लिए सिर्फ डिफिकल्ट है, सबके लिए डिफिकल्ट है। तो जब वो सबके लिए डिफिकल्ट है, सबके लिए वो चैलेंजेस है, तो उसको एक्सेप्ट करना और एग्जामिनेशन हॉल में घबराना नहीं ऐसे वक्त में, ठीक है। तो आगे की थ्योरी में अभी अपन थोड़ा सा पढ़ लेते और फिर मैं आगे की बात हो, तो एग्जामिनेशन के पहले आपको क्या चीज का ध्यान रखना है बेटा। अब देखो यहां पे वो कहता है आपसे, चलो क्या बोला उसने, डिस्कस द फैक्टर टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ अ डेप्रिसिएशन। पता है तीन चीजें आपका, कॉस्ट ऑफ एसेट, उसकी लाइफ और स्क्रैप वैल्यू। तो तीन चीजें आपको सबको पता है ना, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जब कैलकुलेट करते हो तो क्या फॉर्मूला होता है, अगर आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इधर कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय लाइफ, ये फॉर्मूला होता है जब अमाउंट ऑफ जब रेट नहीं दिया आपको, है ना। तो ऐसे आप अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालते हो, तो मेरे लिए कॉस्ट भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बेटा एस्टिमेटेड लाइफ भी उसके मेरे लिए, मतलब सबके लिए, और उसकी स्क्रैप, ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट है। तो कौन से फैक्टर मेरे को कंसिडर करना है जब कैलकुलेशन करता हूं बेटा डेप्रिसिएशन का, तो ये तीन फैक्टर मेरे को ख्याल रखना, कॉस्ट, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ और स्क्रैप, ये तीनों चीज ख्याल रखना। तो भाई कोई एसेट है, एक एक करके मैं डिस्कस करता हूं, कोई एसेट है तो उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है बेटा, तो उसकी कॉस्ट में उसके रेडी टू यूज के पहले जो भी खर्चे हुए वो सारी चीज को अपने को इंक्लूड करना होता है। तो यहाँ पे रेडी टू यूज के पहले जो भी खर्चे हुए सारी चीज अपने को यहाँ पे उसमें इंक्लूड करना होता है। सो इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस फॉर इंस्टॉलेशन, कमिशनिंग, ट्रायल रन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ ए डेप्रिशिएबल एसेट रिप्रेजेंट्स मनी आउटगो और इन इक्विवेलेंट कनेक्शन विद एक्विजिशन, इंस्टॉलेशन, कमीशन। इन अदर वर्ड, रेडी टू यूज के पहले जो भी खर्चे, फिर इंस्टॉलेशन की हो, कमीशनिंग, जो भी हो, सारी चीज उसमें आएंगी। ओके, उसके बाद कहते हैं लाइफ। अब लाइफ को ध्यान रखना आपने, लाइफ यूजफुल लाइफ क्या हो सकता है कि एक कभी कभी हो सकता है एक्सपेक्टेड यूजफुल, एक सेकंड, द पीरियड ओवर विच डेप्रिशिएबल एसेट एक्सपेक्टेड टू बी यूज बाय द एंटरप्राइज, सेकंड नंबर ऑफ प्रोडक्शन। अभी क्या होता है कि लाइफ को समझना, दिस लाइफ मे बी इन, कैसे बताओ, इधर जगह है, ठीक है, नहीं यहां बताता, ठीक है, ये जो लाइफ है बेटा, ये लाइफ हो सकती है ईयर्स में हो, ये लाइफ हो सकती है आर्स में हो, दिख रहा है स्क्रीन पे, यस, आर्स में, या हो सकता है प्रोडक्शन की नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी, वो लाइफ अलग अलग हो सकती है। तो आपको ये देखना लाइफ जिसमें भी, तो मशीन आर मेथड है कि आपकी प्रोडक्शन यूनिट मेथड है, तो उसमें आप वो आर्स और वो नंबर ऑफ यूनिट्स आपका आता है, अदरवाइज ओके। अब उसके बाद ये आपका ईयर, नंबर ऑफ ईयर्स देख रहे हैं, तो वो एस्टिमेटेड लाइफ है। तीन चीज, एक तो कॉस्ट याद रखना, लाइफ याद रखना, और स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू क्यों, क्योंकि इस फॉर्मूले में बेटा यहां पे स्क्रैप भी अपने को माइनस करना होता है। ओके, तो स्क्रैप वैल्यू, जब ये एसेट की लाइफ खत्म हो जाएंगे तो उस वक्त उसकी क्या वैल्यू रहेगी, उसको हम स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। तो तीन चीजें रखना, कॉस्ट, एस्टिमेटेड लाइफ और एस्टिमेटेड व्हाट बेटा, स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, मेरे को बहुत सी चीजें बात करना है, मैं थोड़ा सा पढ़ा दूं आपके, खत्म करता हूं, बस 5 मिनट का बचा, फिर अपन डिस्कस करते। ओके, उसके बाद बेटा यहां पे ये मुझे एग्जाम में आया था और बड़ा पूछ ली थी इंस्टीट्यूट ने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फाउंडेशन के बच्चे को, काफी बच्चों के क्वेश्चन नहीं जमा होंगे एग्जामिनेशन में, क्योंकि एक्चुअल में ये जो चीजें यहाँ पे लिखी हुई ना, इंस्टीट्यूट ने अपने इसमें दी होंगी, मैं रेगुलर बैच में भी कराया हूँ वैसे, लेकिन बहुत से मैंने भी रेगुलर बैच में इसलिए करा, देखो पता रहना चाहिए, मैं कई चीज ऐसा बोलता ना आपको जब पढ़ाता हूँ रेगुलर में, वैसे तो आपके इसमें नहीं दिया है, ऐसा कहता हूं मैं, वैसे तो आपके इसमें नहीं दिया है, लेकिन आपको पता रहना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूं, ऐसा कई बार मैं बोलता पढ़ाते वक्त, कि अब ऐसा मैं बोलता हूं कि आपको तो दिया सिलेबस में नहीं है, मगर आपको पता रहना चाहिए बेटा, इसलिए मैं बता रहा हूं, नॉलेज के लिए सुनो, ऐसा मैं कई बार रेगुलर बैच में कहता हूं। अब क्या हुआ कि ऐसी एक चीज है, एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछ ली ना, ये कैसे पूछिए समझ में नहीं आ रहा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का क्वेश्चन है, तो ये जो एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए वो AS 10 है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटर में होता है ये डिटेल में, तो इंस्टीट्यूट की बुक में भी दिया है, बट नॉट सो इम्पोर्टेंट, लेकिन उन्होंने एग्जाम में पूछ ली थी इसको December 22 को, मैं बताता हूँ वैसे इसको रेगुलर बैच में भी पढ़ा, ध्यान से सुनो क्या कह रहा है, देखो, सो द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब ना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को पहले फिक्स एसेट के नाम से बुलाते थे, मैं भी जब आपको पढ़ाता हूँ तो फिक्स एसेट ही कहता हूँ, लेकिन सी इंटर में आप देखोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो पहले फिक्स एसेट के नाम से बुलाया जाता था, अब उस फिक्स एसेट के नाम से उसको ना बुलाते, हम उसको बुलाते प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नाम से, पीपी के नाम से उसको बुलाया जाता है बेटा। ओके, तो कहता है द कॉस्ट ऑफ पीपी कंप्राइजेस ऑफ एनी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल टू ब्रिंग द एसेट,
to the location and condition necessary for it to be capable of operating in a manner intended by the enterprise. अब वो इसका गिव एनी फाइव एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट. पहले क्वेश्चन क्या उसको अच्छे से समझ लो बेटा. वो कहता है कि जब आप कोई कॉस्ट ऑफ पीपी, पीपी मतलब फिक्स एसेट होता है, तो कॉस्ट ऑफ पीपी जब आप बोलते हो, तो कॉस्ट ऑफ पीपी जब आप कहते हो बेटा, तो कॉस्ट ऑफ पीपी में क्या आता है, तो वो सारी चीजें आती है जो कि उस मैनेजमेंट ने खर्च किए, उस मैनेजमेंट ने खर्च किए उसको उस कंडीशन में लाने के लिए जिस कंडीशन में वो चाहते हैं. तो यहां देखो मैनर इंटेंडेड बाय एंटरप्राइज मतलब मैनेजमेंट, तो जिस कंडीशन में मैनेजमेंट उसको लाना चाहते हैं उस पीपी को मतलब फिक्स एसेट को, उस कंडीशन में लाने के लिए जो भी खर्च किए उस पीपी की कॉस्ट का हिस्सा होते हैं, तो उसको बोलते हैं डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट. उसके कुछ एग्जांपल्स दिया. अब एग्जांपल्स क्या हो बेटा, ये एग्जांपल्स जो है ना, ये आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 ने बोला, ये एग्जांपल एएस 10 इंटर में पढ़ाता हूं ना, एएस 10 में वहां पे बोला गया, इट्स ओके. लेकिन मैं एग्जांपल्स में आपको बताता हूं व्हाट वो कौन कौन से जो फिक्स एसेट की कॉस्ट का हिस्सा है. तो आपको यहां पर इसने कहा कि कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कंप्राइजेस ऑफ एनी एसेट डायरेक्ट एनी कॉस्ट सॉरी डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल टू ब्रिंग द एसेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर इट्स कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन अ मैनर विच इज इंटेंडेड बाय द एंटरप्राइज. तो उस तरीके में लेके आना, उस कंडीशन में उसको लेके आना जिस कंडीशन में मैनेजमेंट चाहता है उसको. ओके तो उसमें कौन कौन सी चीज आती है बेटा, अब ध्यान से. पहला cost of employee benefited benefits arising directly from acquisition or construction of an item product. अब देखो कि cost of employee benefit, अभी क्या हो रहा है कि उसमें जो भी खर्चे, जैसे सपोज मैंने कहा कि मैं बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, तो यहाँ पे लेबर लोग काम कर रहे हैं, तो उसको रेडी टू यूज के पहले, बस आपने याद रखना बेटा रेडी टू यूज के पहले की खर्चे, तो उसकी लेबर कॉस्ट में आ जाएगा. कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपेरेशन, अब ये बिल्डिंग बनाना एग्जाम्पल, तो मेरे को यहाँ पे साइट का प्रिपेरेशन करना है, तो वो भी उस बिल्डिंग की कॉस्ट में आ जाएंगी. इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, अब यहां से हमने खरीदे तो ट्रक में आया हमारे, तो ट्रक में आया ये सामान, सब कुछ रॉ मटेरियल खरीदे ट्रक में आया, वो खर्चा हुआ, तो वो भी आपकी पीपी की कॉस्ट का हिस्सा होता है बेटा. इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई मशीनरी खरीदी, बचपन में होता था, अभी तो कंप्यूटर बहुत कॉमन सी चीज है, जब मैं छोटा था किसी क्या कंप्यूटर आ जाए तो बहुत रहीस था, वो मोहल्ले का रहीसों का बच्चा था, कि ये जो बच्चा होता है ना, जो ऐसे रईस वाले बच्चे होते हैं, वे भाई एकदम है ना, वो एकदम सोफिस्टिकेटेड वाले होते, हेलो हाय, हेलो हाय तो नहीं, तो नॉर्मल ये सोफिस्टिकेटेड वाले बच्चे होते, रईस का बच्चा है भैया ये, तो वैसे लोग होते थे जिसके यहाँ कंप्यूटर होता था. अब एक कंप्यूटर होते बेटा जिसको असेंबल करना पड़ता है ना, तो एक होता आपने डेल कंपनी का लेकर आ गया लैपटॉप, कुछ ऐसे होता आपने किसी का मदरबोर्ड, किसी का मॉनिटर, किसी का यूपीएस, आपने अलग अलग वहां पे लेकर आया बेटा. अब क्या हुआ कि यहाँ पे आपने लेकर आए उसका असेंबल कर, तो उसमें कुछ खर्चा आया, तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट, तो वो भी उसके रेडी टू यूज के पहले का खर्चा है, तो वो भी आपका पीपी की कॉस्ट का हिस्सा होता है बेटे. अब उसके बाद कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग वेदर द एसेट इज फंक्शनिंग प्रॉपरली आफ्टर डिडक्टिंग द नेट प्रोसिड फ्रॉम सेलिंग द आइटम प्रोड्यूस वाइल टेस्टिंग सच एन सच सैंपल वाइल प्रोड सच सैंपल्स सच एज सैंपल्स प्रोड्यूस वाइल टेस्टिंग. सुनो बेटा अभी क्या होता है कि कोई चीज, सपोज ये मशीन मेरी बन गई, मशीन बन गई, ठीक है, मशीन मेरी बन गई बेटा, ठीक है, अभी मशीन मेरी बन गई. अब इस मशीन को जब यहां पर बन गई है बेटा, तो मशीन को जब यहां पर ये बन चुकी है यहां पे, तो मैंने कहा कि मशीन जब ये बन चुकी है, लेकिन इसको हम सही चल रही कि नहीं चल रही, हमने इसकी कराए टेस्टिंग, वो आए भाई साहब इंजीनियर साहब, मैंने कहा चेक करो और वो चेक कर रहे हैं यहाँ पे, या मैंने अपने फ्रेंड्स को बुलाया जूस सेंटर अपन ने ओपन करे, तो ये मशीन बराबर जूस बना रही है कि नहीं बना रही, तो ये जूस बने बाद अपन ने अपने फ्रेंड्स को बोला यार चेक कर कैसा है, अच्छा है बुरा है, अपना फीडबैक दे, तो उसमें कुछ खर्चे आ गए, तो वो भी आपकी कॉस्ट ऑफ पीपी होता है, क्योंकि अभी आपने उसको तैयार शुरू नहीं किए, अभी टेस्ट करो. हाँ वो सैंपल को अगर आपने बेचे तो उसकी कॉस्ट को भला ही कम कर दो उतने से माइनस करके, लेकिन आप उसको शुरू टेस्टिंग कॉस्ट भी आपका पीपी की कॉस्ट का हिस्सा होता है. प्रोफेशनल फीस, इंजीनियर साहब आए, हमने बोले मशीन इंस्टॉल करके, तो हमें नहीं आता, हमने बोले मशीन को इंस्टॉल करके, तो उन्होंने मशीन को इंस्टॉल करे, उन्होंने मशीन को इंस्टॉल करे, तो उन्होंने बोले कुछ खर्चा लूंगा मैं, तो खर्चा आर्किटेक्ट साहब डिजाइन करके दो, जहां पे बिल्डिंग बन रही है उनने कुछ खर्चा ले ली. ओके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रायल रन, अपने बताया कि ट्रायल करे भी नहीं, और ट्रायल करे चल रहा है नहीं चल रहा, सही बराबर है नहीं, उस पर कुछ खर्चा, वो भी आपका पीपी के कॉस्ट का हिस्सा था. तो वो सारी कॉस्ट
जो उसको आपको रेडी टू यूज के पर आप खर्च करो और पीपी की कॉस्ट का आपका हिस्सा होता है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, एएस 10 में पॉइंट्स लिखे हुए, लेकिन आपको पता रहना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम और परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। रेगुलर बैच में सब क्वेश्चन देखिए। पीरियोडिक में क्या होता है आपका, पीरियोडिक और परपेचुअल, इसमें आप फिजिकल वेरिफिकेशन करते, इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड मेंटेन करते। तो आगे 31 मार्च आपने बोले चलो चलो जाओ जाओ काउंट करो, अब गए और वो काउंट करने लगे बेटा, तो आप फिजिकली आप काउंट करें। आप कैसे काउंट कर रहे बच्चे, उसको फिजिकली काउंट करो। यहाँ पे किसमें कर रहे, बुक्स ऑफ अकाउंट में आप स्टॉक को रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे। अब यहाँ पे दिस सिस्टम प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, दिस प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग द अच्छा इन्वेंटरी कॉस्ट ऑफ गुड्स एट, ठीक, ये इन्फॉर्मेशन बताता है कि दिस सिस्टम प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट इन्वेंटरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट ए पर्टिकुलर डेट। अब ये पर्टिकुलर डेट पे बताता है, ये कंटिन्यूअस बेसिस पे बताता है। क्यों? क्योंकि जब आप फिजिकल स्टॉक वैल्यू वेरिफिकेशन आप तो एक ही दिन कर रहे हो, तो उस तारीख की पोजीशन बता, लेकिन आपको मेडिकल स्टोर में जाओ तो रिकॉर्ड मेंटेन करते ना, कौन सी मेडिसिन आई, कौन सी बेचे, कितनी स्टॉक में, तो उनको कंटिन्यूअस बेसिस पे पता चलता है कि हमारे पास कितना स्टॉक रखा हुआ है। तो यहां पर आप लोगों का पर्टिकुलर डेट पे होता है बच्चों, और यहां पे कंटिन्यूअस बेसिस पे। नाउ दिस सिस्टम डिटरमाइंस इन्वेंटरी एंड टेक कॉस्ट ऑफ गुड्स ऐसे एट ए रेसिडुअल फिगर, इट डायरेक्टली डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कंप्यूट इन्वेंटरी एज बैलेंसिंग फिगर। अभी क्या हो रहा है बेटा कि यहां पर तो आप फिजिकली काउंट करते हो, फिजिकली काउंट कर रहे हैं यहां पे, तो आपको यहां पर क्या होता है कि यहां पर इट डायरेक्टली डिटरमाइन, ये डायरेक्टली क्यों डिटरमाइन कर लेता है बेटा कि ये आप सिस्टम पे मेंटेन करें, तो वो खुद ही बता दे कि कितने में गुड्स आया था, कितना आपने बेचे और जो बैलेंसिंग फिगर कितनी है। तो आपको ना मेडिकल वाले जनरली मेंटेन, मेडिकल स्टोर्स में जनरली होता है। तो मेरे पहले क्लाइंट थे, वो भी मेडिकल में बराबर उनका सॉफ्टवेयर बताता था इतना गुड्स आया, इतना बिका, जितना जो आया था उसकी कॉस्ट इतनी थी, उसमें से इतना बेचे, तो जो बैलेंसिंग फिगर बता देता। यहां पे अपने को काउंट ये सब करना पड़ता है, किसमें, पीरियोडिक में बेटा। अब उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूड्स लॉस ऑफ गुड्स एज गुड्स नॉट इन इन्वेंटरी आर अज्यूम टू बी सोल्ड। अब देखो क्या होता है यहां पे, इंक्लूड लॉस ऑफ गुड्स, अभी क्या होता है यहां पे जब आप फिजिकल काउंट करते ना, अभी क्या होता है कि सपोज मेरे पास 100 यूनिट थे, 100 यूनिट टोटल आए मेरे पास, ध्यान से समझना, मैं उसको काउंट करने लगा, टोटली रिसीव इतने हुए थे, लेकिन साल के आखिरी में मैं काउंट कर रहा तो ये थे 40, तो मैं क्या इंटरप्रेट करूंगा, 100 मैंने रिसीव किया था, 40 मैंने काउंट किया तो 40 ही है, तो मैं तो ये अज्यूम करूंगा कि 60 जो था, 60 जो थे वो सोल्ड हो गए थे। मैं क्या अज्यूम करूंगा बेटा, 60 जो थे वो क्या हो गए बच्चों, यहाँ पे सोल्ड हो गए। मैं तो यही अज्यूम करूंगा कि 100 थे, 100 में से 40 क्या हो गए, काउंट करने में 40 ही मिला, तो मैं यही अज्यूम करूंगा 60 बिक गए। लेकिन ऐसा भी तो होता है कोई गुड्स लॉस हो गया, चोरी हो गया, अपने को नहीं पता। अब अगर मैं सिस्टम पेमेंट यहां पे, क्योंकि फिजिकली काउंट कर रहा हूं, तो 100 आए थे, 40 रखे, तो मैं बोलूंगा 60 बिक गए होंगे। लेकिन जब मैं सिस्टम पे मेंटेन कर रहा हूं, तो मेरे को यहां पे क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्लूड लॉस ऑफ गुड एज ऑल और अनसोल्ड गुड आर अज्यूम टू बी इन्वेंट्री। अब यहां पर कंट्रोल है मेरा, कैसे कंट्रोल है बेटा, यहां पर यहां अंडर दिस में इन्वेंट्री कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल, यहां पर कंट्रोल है मेरा। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, मेरे को सिस्टम बता रहा है, इसमें सिस्टम बता रहा है कि कितने गुड्स आए थे, कितने बिके, इतने स्टॉक में। तो मेरे को बोला कि 40 स्टॉक में, अगर वो बोलता है कि 40 स्टॉक में, 40 स्टॉक में नहीं रहे बेटा, तो मैं तो बोलूंगा ना कुछ चोरी हुए। तो यहां पे आपका कंट्रोल भी रहता है। नाउ दिस सिस्टम इज सिंपल एंड लेस एक्सपेंसिव, ये सिंपल है और एक्सपेंसिव नहीं, क्योंकि आप जाके फिजिकली काउंट करो। ये कॉस्टली क्योंकि आपको सिस्टम खरीदना पड़ेगा, एक बंदे को अपॉइंट करना पड़ेगा जो एंट्री वहां पे कर रहा है बेटा। पीरियोडिक सिस्टम रिक्वायर्स क्लोजर, अब जब भाई आप फिजिकली जब आप काउंट कर रहे हो, फिजिकली जब आप काउंट कर रहे हो बेटा, तो यहाँ पे फिजिकली जब आप काउंट कर रहे हो, तो आपको बिजनेस हो सकता है कि उस दिन बंद करना पड़े, क्योंकि आपको फिजिकली गुड्स को क्या करना है, काउंट करना है। लेकिन यहां पे आप फिजिकली काउंट नहीं कर रहे हो, तो बिजनेस को ये अफेक्ट आपके करेगा नहीं। क्या बिजनेस को अफेक्ट करेगा, क्या बिजनेस को आपके अफेक्ट करेगा नहीं। ओके, नाउ आई एम कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन। अब बताओ यहां पे डिस्कस द रूल इफ देयर इज नो पार्टनरशिप अग्रीमेंट, अगर पार्टनरशिप अग्रीमेंट नहीं है बच्चे, तो क्या रूल था आपको पता है ना इसमें, कि नो पार्टनर, नो सैलरी नहीं देना अपने को, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो नो सैलरी, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट देना एट द रेट 6%, किसको, अगर पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, तो ऑन प्रॉफिट और लॉस शुड बी शेयर इक्वल, इसको अपने को याद रखना है। तो ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ के जा रहा,
जो भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने हाईलाइट भी करके दिया बेटा, सारी चीजें एग्जामिनेशन में अच्छे से करके जाना। और ये बहुत ही नॉर्मल होता है कि जब आप एग्जामिनेशन में जाते हो तो उसके पहले हमको क्या होती, घबराहट होती कि होगा नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे भरोसा रखना, सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे भरोसा रखना कि नहीं मेरे से हो जाएगा, मैं कर लूंगा, ठीक है। और ये नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा हूँ। मैं टेलीग्राम चैनल पे भी अभी लेक्चर के बाद में वहां पे शेयर कर लूंगा, और जितना हो सके अपने फ्रेंड से भी इसकी पीडीएफ को, इस वीडियो को शेयर करो कि सबके थ्योरी का जो डर रहता है वो निकल जाए। और वो बच्चे जो दिसंबर 23 में अपीयर होने वाले, उन लोगों के रेगुलर बैच अभी रिसेंटली शुरू हुई है, उसका भी एडमिशन के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वो जाके उसके लिए वहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। एंड यू डोंट हैव टू वरी, जो रेगुलर बैच जो बच्चों ने अटेंड करे दे कैन, इवन दो आप साइंस बैकग्राउंड से हो या आपका कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, बावजूद भी अगर आपके 11, 12 में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था अकाउंट, यू कैन इजीली इसको 90 प्लस। आई एम टेलिंग यू, बहुत से बच्चों ने स्कोर कर 80 प्लस 90 प्लस इन अकाउंट। तो जो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए दिसंबर 23 के रेगुलर बैच अभी शुरू हो चुकी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, तो वो आके उससे एनरोल कर सकते। और जिनका भी अटेम्प्ट है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, ओके। तो इस नोट्स को आप लोग पूरे थ्योरी क्वेश्चन एक बार रीड करके चले जाना, मोस्ट पॉपुलर एग्जामिनेशन में इसी से आएगा। तो ये सेशन हम लोग यहाँ पे खत्म करते, टेक केयर, बाय बाय।